डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़ा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस जो ट्वेल्थ के होने वाले हैं इंशाल्लाह। एंड वी विश यू लक फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस एंड सो दैट यू विल पास इट विद फ्लाइंग कलर्स, राइट। चलिए स्ट्रेट अवे विल कम ऑन टू द क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि आपको थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे इसका, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस इफेक्टिवली इन द एग्जामिनेशंस। तो ऊपर से ब्रशिंग इसकी होगी, अ बिट ऑफ रिवीजन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज डिस्कस द डिजीज फाइलेरियासिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है फाइलेरियासिस जो है, ये फाइलेरिया वर्म्स होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं जो ये डिजीज कराते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन वर्म्स में नाउ सी, ये नेमेटोड्स फाइलेरिया वर्म्स, ठीक है ना, जिनमें वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई ये आएगा, ठीक, ब्रुगेया मलाई, ब्रुगेया टिमोरी, राइट। अब क्या होता है, जो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट होता है, पहले दो का जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, राइट, और जबकि लास्ट वन में मैनसोनी फ्लाई है, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट बेटा आप ये याद रखोगे, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इमेंसली इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें डेफिनेटिव होस्ट जो है वो मैन होता है, मतलब यहां पे जो फाइलेरिया वर्म्स हैं वो प्रॉब्लम क्या करते हैं, ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराते हैं। व्हाट इज क्रॉनिक? क्रॉनिक मींस जो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस होते हैं, बहुत देर तक जो इंफेक्शंस रहते हैं, ठीक, आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होते हैं, ठीक। तो किन में? ऑर्गन्स में, विच लिव फॉर मेनी इयर्स यूजुअली इन लिम्फैटिक वेसल्स। रिमेंबर इट, जो ये ऑर्गेनिज्म है ये लिम्फैटिक सिस्टम पे जो है इसकी प्रेडिलेक्शन साइट होती है, वहां पे अटैक करता है, ठीक। पर्टिकुलरली कहां पे? लोअर लिम्स पे, जो टांगे है वहां का जो लिम्फ वेसल्स है उनमें जाता है। एक्चुअली ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ लिम्ब, इफ दिस इज अ लिम्ब, राइट, ये जो लिम्फ वेसल है ये उसको ब्लॉक कर देता है। जब लिम्फ वेसल को उसने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, लिम्फ जो है वो जमा हो जाएगा वहां पे, और यहां पे जो टांग है वो स्वेल अप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एलिफेंटियसिस या फाइलेरियासिस, ठीक। इसके अलावा जेनिटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं, राइट, जेनिटल ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ग्रॉस डिफॉर्मिटीज होती हैं इन जेनिटल ऑर्गन्स की, ठीक। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा? हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होती है ये डिजीज बाई फीमेल मस्किटो। याद रखिए बेटा, जो फीमेल मस्किटो होता है वही डिजीज को ट्रांसमिट करता है, मेल नहीं करता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट फीमेल मस्किटो ही यूजली ब्लड मील सक करता है फॉर, क्योंकि आयरन ट्रीटमेंट करनी होती है फॉर द डेवलपिंग एग्स, राइट। चलिए, लाइफ साइकिल ऑफ द फाइलेरिया वर्म्स क्या है? आपको पता है, अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो इसमें L1, L2, L3 ऐसे करके लार्वा होते हैं, राइट, L4 एंड देन अल्टीमेटली L5 जो कि मोल्ट होते रहते हैं, ठीक। अब जो फीमेल है ये ओवोविविपैरस होती है, इसका मतलब ये है कि ये बर्थ देती है सीधा L1 स्टेज को, जो एग्स है इसके अंदर डेवलप होते हैं, राइट। अब अडल्ट पैरासाइट जो है, दैट इज द L5, इट लिव्स इन द लिम्फैटिक ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पेशली इन लेग्स, जैसे मैंने कहा लोअर लिम्स मैंने कहा था, एंड जेनिटल ऑर्गन्स, क्योंकि इन्हीं दो में एलिफेंटियसिस भी होगा और ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स होता है, राइट। तो ब्लॉकेज हो गया लिम्फेटिक वेसल का, जो मैंने ऑलरेडी कहा आपसे, विच कॉजेज ग्रोथ ऑफ द इफेक्टेड ऑर्गन, क्योंकि जब ब्लॉक हो गया तो वो बाहर इन्फिल्ट्रेट करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी, स्वेलप हो जाएगा। देयरफॉर द डिजीज सिम्पटम इज नोन एज एलिफेंटियसिस या फाइलेरियासिस, राइट, ओके फाइन, या उसको लिम्फोडोमा भी कहते हैं। तो ब्लड जो इन्फेक्टेड पर्सन का है उसमें अब क्या होंगे, उसमें माइक्रोफाइलेरिया होंगे, ठीक, जिसको कौन ब्लड मील के साथ पिकअप कर लेगा, हमारा जो मस्किटो वहां पे होगा, राइट, एट द टाइम ऑफ बाइट। तो इसमें क्या होगा, मस्किटो के अंदर पहला और दूसरा मोल्टिंग हो जाता है और L3 स्टेज बनता है। तो याद रखिए बेटा, L3 स्टेज जो है वो ही इंजेक्ट होता है हेल्दी पर्सन में, और किसके वजह से, बाइट की वजह से, किसका, क्यूलेक्स मॉस्किटो का। तो उसके बाद लिम्फैटिक वेसल्स जो है वहां पे थर्ड और फोर्थ मोल्टिंग होगी और वहां पे बनेगा L5 स्टेजेस फॉर्म्ड, यानी कि अडल्ट बनता है, राइट। तो इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या आएगा, L3। ओके, अब हम दूसरा एक पढ़ेंगे डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स मोर इमेंसली इंपॉर्टेंट, अब याद रखेंगे इसको।
अब लाइफ साइकिल यहां पे मलेरिया में हमें जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज द प्लाज्मोडियम, उसका पढ़ना पड़ेगा। अब ये पैरासाइट एक डाइजेनेटिक प्रोटोजोअल पैरासाइट है, मतलब ये है कि उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट्स की जरूरत पड़ती है। एक इनमें से प्राइमरी होस्ट है, एक इनमें से सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया का प्राइमरी होस्ट कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, राइट। क्यों हम प्राइमरी होस्ट किसको हम कहते हैं? बेटा जिसमें सेक्चुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट जो है वो मैन होता है। सेकेंडरी होस्ट किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें एसेक्चुअल साइकिल होता है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारा यहां पे प्लाज्मोडियम है, जो हमारा ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम दो लाइफ साइकिल्स आपको दिखाता है, एक दिखाता है एसेक्चुअल लाइफ साइकिल और दूसरा दिखाता है सेक्चुअल लाइफ साइकिल, जो सेक्चुअल लाइफ साइकिल के लिए मस्किटो और एसेक्चुअल लाइफ साइकिल के लिए मैन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एसेक्चुअल लाइफ साइकिल में क्या है? यह मैन से बिगिन करता है, ठीक। और इसको समझाने के लिए अब यहां पर हमने देखिए बेटा ये, चलो मैं डायरेक्टली इस पे आता हूं, इसी को हमने फिर बाद में लिखा हुआ है। अगर आपने इस डायग्राम को आराम से समझ लिया तो इसका मतलब आराम से आप इस डिजीज को लिख पाएंगे। देखिए बेटा यहां पे आप समझिए, एक हेल्दी इंडिविजुअल है जिसका हाथ यहां पे दिखाया हुआ है, राइट। अब इसके ऊपर ये मस्किटो बैठ गया और इस मस्किटो के बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम जो है वो आ गया और इसने इंजेक्ट किया ये इनटू द मैन। लेकिन जो ये इंजेक्ट करता है, ये पैरासाइट इंजेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट्स। तो दैट मींस कहानी कहां से स्टार्ट होती है कि स्पोरोजॉइट्स जो है वो इंजेक्ट हो जाते हैं इनटू द बॉडी ऑफ द मैन और ये लिवर तक पहुंचते हैं थ्रू ब्लड, राइट। जब ये लिवर में पहुंचेंगे तो ये पैरासाइट क्या करता है? ये लिवर सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से लिवर सेल्स बर्स्ट हो जाती है, राइट, और वहां से ये जाते हैं इनटू द ब्लड। दैट मींस दिस कि ये ऑर्गेनिज्म जो है पर्टिकुलर दिस पैरासाइट ये लिवर सेल्स को इफेक्ट करेगा। जैसे इसने एक लिवर सेल को इफेक्ट किया, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट वन इट इज अफेक्टिंग, ये इसमें, उसके बाद उसको बर्स्ट करके इसमें चला गया, उसको बर्स्ट करके इसमें चला गया, उसको बर्स्ट करके इसमें चला गया। दैट मींस ये डिस्ट्रक्शन भी साथ साथ में करता जाता है और इन्वेड भी करता जाता है दूसरे ब्लड, दूसरे लिवर सेल्स को, राइट। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है? ये पैरासाइट जो है ब्लड में आ गया। अब सफिशियंट क्वांटिटी इसमें बढ़ने के बाद ये अब पैरासाइट ब्लड में आ गया और अब क्या होगा? अब पैरासाइट एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेगा रेड ब्लड सेल्स में। अगेन रेड ब्लड सेल्स भी क्या हो जाएंगी? आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वैसे जैसे लिवर सेल्स होती थी, क्या? बर्स्ट, ठीक। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर एक आप समझो हेमोजॉइन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा और ये हेमोजॉइन जो है इंसान की बॉडी में मलेरियल सिम्टम्स लाता है, जैसे फीवर लाएगा, स्वेटिंग होगी, चिल्स होंगे, ये सब चीजें जो है इसकी वजह से होती है। दैट मींस जो सिम्टम्स इसके हैं उसकी वजह से होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैन की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्चुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स डेवलप होते हैं, राइट। तो दैट मींस अब क्या है, देखिए बेटा ये मैं एक लाइन दे रहा हूं यहां से ऐसे, अब आप समझेंगे बेटा जो ये वाला पोर्शन है ये मस्किटो की बॉडी के अंदर है और ये सारा पोर्शन जो है ये मैन की बॉडी के अंदर है। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा कि आरबीसीज के अंदर गमीटोसाइट्स बनेंगे, मेल और फीमेल, राइट। अब ये क्या होगा, अब ये एक इंसान की बॉडी के अंदर है, उसके ब्लड के अंदर है गमीटोसाइट्स, राइट। अब क्या होगा, एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आएगी और वो इसी इंसान को काटेगी। जब वो उसको काटेगी सो दैट इन ऑर्डर टू सक द ब्लड, मैंने अभी कहा आयरन ट्रीटमेंट करने के लिए किनको? डेवलपिंग एग्स को। इसको जरूरत पड़ती है वहां पे ब्लड की और
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन होता है, वो फूड एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करती है ये, एंड देन इट सक्स इन द ब्लड। जब उसको सक करेगी ब्लड को, अब ब्लड के साथ जो है गैमेटोसाइट्स चली जाएंगी और ये गैमेटोसाइट्स पहुंच जाएंगी इनटू द गट ऑफ मस्किटो। जब गट ऑफ मस्किटो के अंदर पहुंच जाती है तो ये फर्टिलाइजेशन करता है गट ऑफ मस्किटो के अंदर, जब इसको फर्टिलाइज करेगा उसके बाद ये इंटेस्टाइन्स यानी कि वहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा और बनाएगा क्या साइगोट। उसके बाद ये क्या करेगा, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद मस्किटो के अंदर, नाउ सी अंडरस्टैंड इट, इफ आई एम टेलिंग यू दैट फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द मस्किटो, क्या मैं नहीं कहता हूं कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है? अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है इट मींस दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही मैं कह रहा था कि मस्किटो जो है उसकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल होता है, और अब क्या होगा कि वहां पे उसके बाद अब स्पोरोजॉइट्स बनेंगे। स्पोरोजॉइट क्या होता है बेटा, ये मच्योर और इन्फेक्टिव स्टेज होता है, और ये स्पोरोजॉइट्स जो है ये इंटेस्टाइन से निकल के माइग्रेट करते हैं इनटू द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो दैट मींस स्पोरोजॉइट्स अब पहुंचते हैं इनटू द सलाइवरी ग्लैंड्स और वहां पे ये स्टोर रहते हैं, राइट। अब जब सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचेंगे, अब यही मॉस्किटो जब किसी दूसरे इंसान को काटता है, हेल्दी इंसान को काटता है, तो ये स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट कर देता है उसकी बॉडी के अंदर, तो साइकिल फिर से स्टार्ट हो गया। You know, this is how this disease is propagated from an healthy individual, from an infected individual into the body of a healthy individual through a female Anopheles mosquito, right? यही हमने यहां पे इसको explain करने की कोशिश की है, right? तो वही मैं कह रहा था, sexual asexual cycle begins with man when infected female Anopheles mosquito injects the infective stages called sporozoite into the man through the bite. तो asexual cycle is also called as schizogony and it is divided into three phases. अगर आप asexual cycle को ज्यादा detail में पढ़ना चाहते हो, वो हमने इधर पे ये देखिए बेटा, ये रहा हमारा दिस शाइजोगोनी जो है, इसमें क्या है, इसमें तीन स्टेजेस है, दैट इज अबे मैन के बॉडी के अंदर है। एक है हेपेटिक फेज, हेपेटिक मींस लिवर, दैट मींस इसमें इन्वेड होंगे लिवर सेल्स, तो क्रिप्टोजॉइट्स और क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनेंगे, राइट। अब ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है एक दूसरे स्टेज का इनिशिएशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोएरिथ्रोसिटिक फेज, जिसमें क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है वो फ्रेश लिवर सेल्स को इन्वेड करेंगी एंड दे फॉर्म मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स। अगेन अब मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है, आपको पता है यहां पर लिवर इफेक्ट हो रहा है। अब आपको पता है जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया था, लिवर सेल्स के बाद जो इफेक्ट होता है वो क्या होती है, आरबीसी। तो अब क्या होगा, अब ये मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट आपके आरबीसी में आ गया, और बाद में ये थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, ऐसे ये डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं बेटा, इनमें कभी ये ऑर्गेनिज्म छोटा होता है, कभी ये इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो फूड इनटेक ज्यादा कर लेता है, राइट। जैसे यहां पर इम्यूबॉइड स्टेज आ गया, मीरोजॉइट्स आगे, और लास्ट में जैसे मैंने आपको वहां पर दिखाया था फिगर में कि गमीटोसाइट्स बनती है, गमीटोसाइट्स बनती है, कौन सा, लार्जर और स्मॉलर गमीटोसाइट्स बनती है, जिसमें मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स होते हैं, राइट। अब यहां पे क्या होगा, अगेन ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, ये गमीटोसाइट्स अब मस्किटो की बॉडी के अंदर पहुंचेंगे और सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे जैसे मैंने कहा था कि आरबीसी जो है, अब वहां पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम होगा, जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करेगा इनटू हेमैटिन एंड ग्लोबिन। आपको पता है ग्लोबिन प्रोटीन होता है, लेकिन जो हेमैटिन है वो हेम पार्ट है, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज हेमोजोइन, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, और वो करता है हाई फीवर यानी कि चिल्स दैट रिकर एवरी 3 to 4 days, जबकि ग्लोबिन पार्ट फूड के लिए यूज होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस थिंग। और ये मैंने शॉर्ट में कहा था आपसे कि हेमोजोइन ही वो चीज है जिसकी वजह से मलेरिया सिम्टम्स आते हैं, राइट। तो सेक्सुअल फेज क्या है, फीमेल एनोफिलीज में होता है, मस्किटो में होता है, और ये कब होगा, जब फीमेल एनोफिलीज मस्किटो ब्लड सक करता है इंफेक्टेड पर्सन का, सो दैट इस आरबीसी में जो ये सक कर रहा है उसमें स्मॉलर गमीटोसाइट्स और लार्जर गमीटोसाइट्स होते हैं, राइट, यानी कि मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स होते हैं। उसके बाद ये जब बॉडी ऑफ दिस
मस्किटो में पहुंचते हैं, गट में पहुंचते हैं, वहां पे ये लाइव्स होते हैं, गैमेटोसाइट्स बाहर आते हैं और वहां पे अब सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ये आरबीसी बर्स्ट होने के बाद मस्किटो के अंदर लार्जर और स्मॉल गैमेटोसाइट्स रिलीज करेंगे और वो कन्वर्ट होंगे लार्जर मैक्रोगैमेट्स में एंड स्मॉलर माइक्रोगैमेट्स, जो कि फ्यूज होकर जायगोट बनाएंगे, उसके बाद एलोंगेट होकर जायगोट ओकाइनेट बनाता है जो कि एम्बेड होता है स्टोमक वॉल में टू फॉर्म स्पोरॉन, राइट। उसके बाद शॉर्ट में आप याद रखेंगे बेटा कि ये बाद में स्पोरोजॉइट्स जो है मैच्योर फॉर्म इनका पहुंचता है किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में, और वहां से वो रिलीज होता है एट द बाइट, एट द साइट ऑफ बाइट, राइट। ओके फाइन, अब हम दूसरा एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्क्राइब ब्रीफली मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, राइट। आपको पता है हमने ऑलरेडी ये क्लास में कम से कम 10 बार डिस्कस किया होगा कि मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में एक तो आपको पता है सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, राइट, और क्या होता है बेटा प्रोस्टेट होता है, शाबाश, और क्या होता है बेटा, और होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, कॉर्पस ग्लैंड्स, ठीक। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स दो होते हैं, दे आर अपीयर, प्रोस्टेट ग्लैंड एक, बल्बो यूरेथ्रा अगेन अपीयर, राइट। अब सेमिनल वेसिकल जो है, ये सेमिनल वेसिकल मैक्सिमम सिक्रीशन दिखाता है, लगभग 60% टू 70% ऑफ द सिक्रीशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड भी लगभग 20 टू 30% ऑफ द सिक्रीशंस या 25% ऑफ द सिक्रीशंस दिखाता है, और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड लगभग अप टू 5% ऑफ द सिक्रीशंस दिखाता है। आपको पता है सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन मैंने आपको कहा था ये थिक होती है और अल्कलाइन होती है, राइट। इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन थिन होती है एंड अल्कलाइन होती है, इसी तरीके से जो बल्ब की ग्लैंड की सिक्रीशन है वो म्यूकॉइड होती है, दैट मींस इट इज अगेन थिक म्यूकस लाइक, राइट। अच्छा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्ब ग्लैंड, तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल स्पर्म्स, फॉर देयर एक्टिवेशन, फॉर फर्टिलिटी। जैसे सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रक्टोज, दैट इज द एनर्जी सोर्स, राइट। इसी तरीके से प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट की जो सिक्रीशंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन सिक्रीशंस की वजह से मोर्टिलिटी बढ़ती है, स्पर्म्स की स्पीड जो है इंक्रीज होती है, राइट। और इसी तरीके से बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड जो है ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, सो दैट अगर इसमें रेजिड्यूज होंगे किसके, यूरिन के, वो क्या होंगे बेटा, वो न्यूट्रलाइज, उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी एंड स्पर्म, बिकॉज स्पर्म्स को कभी भी एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलना चाहिए, इफ इट इज एसिडिक एनवायरनमेंट स्पर्म्स विल डाई आउट, दैट्स व्हाई वी हैव टू यू नो प्रोवाइड देम विद अ म्यूकॉइड सिक्रीशन सो दैट इट विल फ्लश द यूरेथ्रा बिफोर द इजैकुलेशन टेक्स प्लेस, एक्चुअल इजैकुलेशन टेक्स प्लेस, राइट। चलिए, सेमिनल वेसिकल्स, दे आर पेयर्ड एंड लार्जेस्ट रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड आर आल्सो कॉल्ड एज वेसिकुलर ग्लैंड्स, क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है इनका। दे प्रोवाइड सेमिनल फ्लूइड व्हिच कॉन्स्टिट्यूट 60-70% ऑफ द टोटल सीमेन, ये मैंने ऑलरेडी बोला आपको। तो सेमिनल फ्लूइड में क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, फ्रक्टोज है, फाइब्रिनोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, स्पर्म एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। इसका पीएच क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, रिमेंबर इट। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल होता है, सिक्रीशन थिन मिल्की होती है, अल्कलाइन होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 20-30% ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एंड इट्स सिक्रीशन कंटेन्स कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, प्रीफिब्रिनोजन एंड स्पर्मीन, ये सब प्रोटेक्टिव होते हैं, स्पर्मीन से डीएनए इसका प्रोटेक्ट होता है, किसका, स्पर्म्स का। चलिए, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस इसके अंदर रहता है, पीएसए होता है, प्रोस्टेटिक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, ये आपको पता है, ये प्रोस्टेट कैंसर में एक इंडिकेशन दिखाता है, इसकी हाई लेवल्स होती है, ये जरूरी नहीं है, बनाइन हाइपरट्रॉफी जब होती है प्रोस्टेट की उसमें भी इंक्रीज होता है, बट इट कैन बी अ सजेस्टिव ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, राइट। एंड सेमिनोजेलिन, राइट। अब यहां पे प्रोस्टेट सिक्रीशन जो है ये इंक्रीज कराता है मोर्टिलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू रिमेंबर इट। तो लाइफ स्पैन बढ़ता है इसकी वजह से और प्रोटेक्शन देता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द स्पर्म्स को, राइट। मैंने कहा था स्पर्मीन जो उसके पास होता है, तो रिमूवल अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड का करेंगे तो स्टेरिलिटी आ जाती है, सीधी सी बात है, मोर्टिलिटी कम हो जाएगा, स्पर्म्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, दे विल डाई आउट, राइट। फाइन,
कार्पोरस ग्लैंड तो स्मॉलेस्ट होते हैं, प्योर होते हैं, उनको हम बल्बोयूथर ग्लैंड भी कहते हैं, 5% सिक्रीशन देते हैं और ये एक अल्कलाइन म्यूकॉइड म्यूकस सिक्रीशंस होती है जो लुब्रिकेट करती है मेल्स एज वेल एज फीमेल जेनिटल ट्रैक एट द टाइम ऑफ मेटिंग। क्यों? क्योंकि आपको पता है इससे पहले कि यूरिन जो मेल का यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है उसमें यूरिन भी पास होता है, सेमेन भी पास होता है, यूरिन का एसिडिक पीएच होता है, वो स्पर्म्स को यू नो डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले जो कार्पोरस ग्लैंड की सिक्रीशंस होती है वो फ्लश करती है, वो बेसिकली लुब्रिकेट करती है, पीएच को यू नो मेंटेन रखती है सो दैट स्पर्म्स विल नॉट बी व्हाट डैमेज्ड, राइट? ओके, मेल एज वेल एज फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज एसिडिक बट इट इज हार्मफुल टू स्पर्म्स, दस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड मेक्स इट अल्कलाइन एट द टाइम ऑफ मेटिंग। ओके फाइन, चलो बेटा शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। सबसे पहले जब भी आपको स्ट्रक्चर स्पर्म का बनाना होगा, रिमेंबर आप पेंसिल से बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम एक बनाएंगे स्पर्म्स की जो हमने यहां पे बनाई हुई है। आपको पता है, याद रखना बेटा, होल ऑफ द स्पर्म ऑलमोस्ट इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन खाली एक लास्ट वाला पोर्शन ये बचता है, इसको हम बोलते हैं ये एंड पीस बचता है, जो कि जहां पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, राइट? अब ये टेल का पोर्शन होता है, आपको पता है चार इंपॉर्टेंट एरियाज जो यहां पे है, दैट इज हेड, इट्स नेक, इट इज मिडल पीस एंड इट्स टेल। ये चार स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं किसके, स्पर्म के। जो हेड होता है एंटीरियर एंड पे आप देखते हो एक डायलेटेड मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर क्रोमोसोम मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक? अच्छा, हेड के आगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं और एक्रोसोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन टू द एग। अगर एक स्पर्म के पास एक्रोसोम नहीं है तो दैट मीन्स वो एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ये एक्रोसोम जो है ये मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज होते हैं, हमने ऑलरेडी ये पता बताया हुआ है, राइट? इसके बाद नेक नेक्स्ट पोर्शन आता है और नेक जो है सबसे वीक पार्ट होता है स्पर्म्स का, राइट? और ये बहुत ही फ्रेजल होता है, वीक होता है, टूट जाता है जल्दी से। वहां पे सेंट्रियोल्स आपको मिलेंगे और इसके नीचे आपको मिलेगा मिडिल पीस जहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए ये स्पाइरल फैशन में ऐसे आप देखोगे अरेंज किए हुए होते हैं, इनको हम नेबनकर्न, उसको हम नेबनकर्न भी बोलते हैं। और ये आपका यहां पे स्पर्म के लिए पावर हाउस का काम करेगा सो दैट जो इसको मूवमेंट करनी होगी, मोटिलिटी करनी होगी, वो किससे आएगी बेटा, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, राइट? यू नो दैट। तो ये पावर जनरेशन के लिए, मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट आ गया, राइट? अब क्या होता है, जो सबसे लंबा पोर्शन है दैट इज टेल, और टेल जो है इंपॉर्टेंट है इस वहां पे विप्लैश मूवमेंट्स होती हैं और जिसकी वजह से स्पर्म जो है इसमें फॉरवर्ड मोटिलिटी हो आती है सो दैट इट विल ट्रैवर्स द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड रीच द एम्पलरी इस्थमस जंक्शन जहां पे ये फर्टिलाइजेशन करेगा, राइट? तो हेड नेक मिडिल पीस टेल आ गया। हेड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिवेशन एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस होता है जिसको हम प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं और कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं एक्रोसोम कहता हूं। एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मैंने अभी बताया आपको, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं या स्पर्म लाइसेंस होते हैं या लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, और ये किस इनमें क्या क्या है, हाइलुरोनिडेज, जोना लाइसिन और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करता है वॉल ऑफ द ओवम और उसके वजह से स्पर्म अंदर पेनिट्रेट करता है, राइट? अब हेड जो है इसके पास एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर ऑफ ओवम के साथ ज्वाइन करेंगे और जो स्पीशीज स्पेसिफिक यू नो फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आपके पास एग है एंड दिस इज द स्पर्म, अनटिल एंड अनलेस इसके रिसेप्टर्स और इसके रिसेप्टर्स मैच नहीं करेंगे, दैट मींस एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर और फर्टिलाइजर रिसेप्टर जब तक आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक स्पीशीज का स्पर्म दूसरे एनिमल स्पीशीज के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ये रिसेप्टर रिकॉग्निशन नहीं होती है जिसको हम कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, राइट? डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया आपको। ओके, नेक में सेंट्रियोल्स है, जो सेंट्रियोल्स है दो तरीके के, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आगे की ओर होता है जो कि एग के अंदर चला जाता है और उसको वहां पे डिवीजन करने में मदद करता है, राइट? सो दैट
एग जिसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है ये अपना डिवीजन कंप्लीट करे और आगे फर्दर प्रोसेस करे, राइट। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। उसके बाद नीचे वाला सेंट्रियोल जो हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, ये एक एक्चुअल फ्लामेट बनाता है जिसका अरेंजमेंट 9+2 होता है। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है बेटा? 9+2 अरेंजमेंट मतलब अगर आप देखोगे एक्चुअल फ्लामेट का क्रॉस सेक्शन, आपको 9 फाइबर्स मिलेंगे एट द पेरिफरी और 2 फाइबर्स मिलेंगे एट द सेंटर, दैट्स कॉल्ड एज 9+2। तो ये फ्लैजेला का ये जो है अरेंजमेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोटिलिटी, दस स्पर्म इज यूनिफ्लैजिलेट, एक ही है तो यूनिफ्लैजिलेट, राइट। तो मिडिल पीस कंटेन्स एक्चुअल फ्लामेंट विच आर सराउंडेड बाय 30-40 माइटोकॉन्ड्रिया इन अ स्पाइरल मैनर, उसको नेबन कैरन बोलते हैं, मैंने बोला था आपको ये। एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोटिलिटी, और टेल के अंदर क्या आता है बेटा? एक्चुअल फ्लामेंट, राइट। ओके, ये आप वहां पे लिखना और ये भी लिखना कि हेड डायलेटेड पोर्शन होता है और टेल लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। टेल के दो पीसेस होते हैं, मेन पीस और एंड पीस। मेन पीस के पास आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यहां से लेके यहां तक मेन पीस ऑफ टेल है जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। और एंड पीस लास्ट वाला होता है, एंड पीस जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, अदरवाइज होल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होल ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके फाइन, चलो बेटा नेक्स्ट इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके साथ ही हमने ओजेनेसिस भी लिखा है, दैट मींस गमेटोजेनेसिस में दोनों आ सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ सकता है, ओजेनेसिस भी आ सकता है। आपको पता है पहले हम ओजेनेसिस का लेंगे। ओजेनेसिस जो है फॉर्मेशन, ओजेनेसिस मींस यू नो, ओजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम और ओटेड, और ये फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है, राइट। और ये एंड कब होगा? जब स्पर्मेटोजोआ एग के अंदर चला जाता है। जो कौन सा एग? एक सेकेंडरी ओसाइट जो कि मेटाफेज सेकंड पे सस्पेंड होता है, बिकॉज आपको पता है जब ओवुलेशन होती है तो एक सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है ओवरी से, राइट, फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, और उसी को स्पर्म मिलता है एट द जंक्शन, दैट्स कॉल्ड एआई जंक्शन, राइट, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ओजेनेसिस का इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ओजेनेसिस जो है ये तीन हिस्सों में डिवाइड है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। बराबर स्पर्मेटोजेनेसिस के भी यही तीन फेजेस है जो यहां पे है, कौन कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, राइट। अब शॉर्ट में क्या होता है, अगर हम इस चार्ट की ओर देखें आपको पता चलेगा जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम पे, वो मल्टीप्लिकेशन करती है, माइटोसिस करती है और अपना नंबर बढ़ाती है, और वहां पे बनता है ओगोनिया, राइट। तो इट फॉर्म्स ओगोनिया, और ओगोनिया जो है डिप्लॉयड होता है टू एन। अब वहां पे ओगोनिया जो है वो ग्रोथ दिखाते हैं और वहां पे बनता है प्राइमरी ओसाइट। दिस प्राइमरी ओसाइट इज टू एन, दैट मींस अगेन हैप्लॉयड। अब प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज ये क्या दिखाएगा? मियोसिस फर्स्ट। आपको पता है मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है, तो वहां पे एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिडक्शनल डिवीजन है तो एक डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट होती है एन हैप्लॉयड सेल में, और दूसरा यहां से निकलेगा फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस सेकेंड दिखाएगा और वहां पे ओवम बनेगा और वहां पे बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी। इज दिस ओके? अब यहां पे मुझे एक चीज समझानी है। सपोज कर लो दिस इज द प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट के पास सपोज करो ये क्रोमोसोम्स है। अब मैंने एक पेयर बनाया, दिस इज द होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। अब ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये मियोसिस फर्स्ट दिखाता है और ये दो सेल्स बनाएगा, और इन दो सेल्स के पास आप ऐसे दिखाओगे क्रोमोसोम। क्या मैं कह सकता हूं मियोसिस फर्स्ट एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होता है इनटू टू सेल्स, राइट। दैट मींस इट गेट्स होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड सो दैट अ डिप्लॉइड सेल 2n गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ हैप्लॉइड सेल, राइट। तो यहां पे दो हैप्लॉइड सेल्स बनी। अब यहां से मियोसिस सेकेंड होगा। जब मियोसिस सेकेंड होगा तो हमारा ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे इन सेल्स की हालत क्या हो जाती है, ध्यान से देखिएगा बेटा प्लीज। यहां पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड में जनरल बोल रहा हूं, ये क्या होगा कि मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेल्स हैं, यहां पे ये एक सेल का एक
यू नो सिस्टर क्रोमैटिड मिलेगा और ये दूसरा इसको मिलेगा, इसी तरीके से एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि मियोसिस सेकंड का काम क्या होता है कि ये इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को, ध्यान से देखिए बेटा, जो यहां पे ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अगर आपके पास एक क्रोमोजोम है उसके ऐसे दो आर्म्स है, उसको हम कहते हैं सिस्टर, इन दो को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। तो मियोसिस सेकंड की वजह से क्या होता है, आप देखो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड इस सेल को मिली, एक सिस्टर क्रोमैटिड इस सेल को मिली। क्या मैं कह सकता हूं कि मियोसिस सेकंड का काम होता है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसकी मदद से क्या होगा कि एक डायड क्रोमोजोम कन्वर्ट होता है मोनाड क्रोमोजोम्स में, राइट। जबकि मियोसिस फर्स्ट में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं जो कि डिप्लॉइड सेल को कन्वर्ट करता है इनटू द हैप्लॉइड सेल्स, राइट। ओके फाइन, तो मल्टीप्लिकेशन फेज जो है, जब सेल्स का नंबर बढ़ेगा, ये फीटल लाइफ में ही स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब फीमेल फीटस जो है लगभग 25 वीक्स ओल्ड होता है, राइट। अब वहां पे क्या होता है कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिवाइड करती है और ये ओगोनिया बनाते हैं, कितना, 20 मिलियन ओगोनिया, और ये ओगोनिया बाद में माइग्रेट करके कॉर्टेक्स में आते हैं और वहां पर ये एग नेस्ट्स बनाते हैं। मतलब अगर ये आप देख लो, दिस इज द ओवरी, ओवरी का ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसी कॉर्टेक्स में क्या होगा बेटा, जो ये ओगोनिया है ये ऐसे एग्नेस्ट बनाएगी, एग्नेस्ट बनाएंगे, राइट, इनटू द कॉर्टेक्स एरिया, राइट। ओके फाइन, अब क्या होगा, ओके, तो अब ग्रोथ फेज होता है वो भी फीटल लाइफ में होगा, और इस फेज में एक ओगोनिया हर एग्नेस्ट में अपना साइज इंक्रीज करेगा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और बनाएगा प्राइमरी ओसाइट। तो दैट मींस अगर ये आप देखो ये एग्नेस्ट है, तो एग्नेस्ट में एक सेल, फॉर एग्जांपल बीच वाली सेल ऐसे बड़ी बन जाएगी जिसको आप प्राइमरी ओसाइट कहोगे, और जो बाकी सेल्स है ऐसे ये उसको सराउंड करते हैं, तो ये बनता है फॉलिकुलर सेल, जो इसको आपस में जो इसके इर्द गिर्द सपोर्ट करते सराउंड करते हैं, राइट। व्हाइल द रिमेनिंग ओगोनिया फॉर्म्स फॉलिकुलर सेल्स, देखिए बेटा यहां पर लिख लिया फॉलिकुलर सेल्स, एंड द रिजल्ट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल, तो ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। तो दैट मींस अब फीटल लाइफ में ही प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं जिनके अंदर प्राइमरी ओसाइट होता है और बाकी इर्द गिर्द इसके क्या होंगे, फॉलिकुलर सेल्स। ये सभी किससे बनते हैं बेटा, ओगोनिया से बनते हैं, ये मेडुला में बनते हैं कि कॉर्टेक्स में, ये कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी में बनते हैं, इसको डिटेल में पढ़ाया गया है ऑलरेडी, वी हैव सीन इट इन सो मच ऑफ अ डिटेल, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम यू नो जस्ट रिवाइजिंग दिस थिंग। अब मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, मैच्योरेशन फेज में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा, जिसमें मियोसिस फर्स्ट जो है जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, और मियोसिस सेकंड जो है इक्वेशनल डिवीजन है जहां पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, अब मियोसिस फर्स्ट जो है ये फीटल लाइफ में स्टार्ट होगा, लेकिन ये आगे चलेगा, लेकिन जब ये प्रोफेज फर्स्ट के डायकाइनेसिस में पहुंचता है ये वहां पे स्टॉप हो जाता है, और वही वैसे ही रहेगा, हर कोई सेल वैसे ही रहेगी, हर कोई एग जो है ओसाइट जो है वैसा ही रहेगा जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती। प्यूबर्टी आई मीन टू से जब इस फीमेल में अब मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। तो जितने भी अब वहां पे आप ओवरी का जो एक एक्टिविटी प्रोसेस था वो सस्पेंड हो गया, किस स्टेज पे सस्पेंड हो गया, डायकाइनेसिस पे। आपको पता है आपने मियोसिस पढ़ा 11th में, जो प्रोफेज फर्स्ट है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए इसको समझने के लिए हम उसको इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेज में डिवाइड करते हैं, जिनको जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैरकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, राइट। तो उसी तरीके से हम डायकाइनेसिस पे बोल लेंगे कि वहां पे ये सेल्स रुक जाती है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे एक प्राइमरी ओसाइट जो है, अब देखो हर मेनस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि एक प्राइमरी ओसाइट अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा हर मेनस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने से एक अनइक्वल डिवीजन होता है, और जिसकी वजह से एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है और जो बड़ा होता है, और बाकी जो है एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। दैट मींस अगर आपके पास ऐसे एक सेल है, ये डिवाइड करेगा, ये मियोसिस फर्स्ट करेगा, दिस इज द यू नो कंप्लीटिंग मियोसिस फर्स्ट, राइट। तो वहां पर एक बड़ी सेल बनेगी और यहां से एक छोटी सेल बनेगी, कैसे, जो बड़ी सेल है इसने इस पेरेंट सेल का मैक्सिमम साइटोप्लाज्म लिया और छोटी सेल को साइटोप्लाज्म नहीं दिया,
जो छोटी सेल है इसको हम पोलर बॉडी कहते हैं, ये पहली पोलर बॉडी है तो मैं इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहूंगा, और जो दूसरी सेल यहां पे बड़ी वाली बनी उसको हम सेकेंडरी ऊसाइट कहेंगे। तो प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है कब, हर मेनस्ट्रुअल साइकिल में एक एक डिवीजन होगा, ऐसा अनइक्वल डिवीजन होगा जहां पे एक सेकेंडरी ऊसाइट बनेगी और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। अब सेकेंडरी ऊसाइट जो है मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करेगा लेकिन अगेन अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड पे, तो क्यों होगा, क्योंकि वहां पे मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इसके अंदर एक्युमुलेट हो जाता है। नाउ मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होता है कब, खाली तब जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज होगा। देखिए अब इसको समझाने की जरूरत है, सपोज कीजिए आपके पास एक सेकेंडरी ऊसाइट है, दिस इज द सेकेंडरी ऊसाइट, और ये सेकेंडरी ऊसाइट मेटाफेज सेकेंड में ये अरेस्टेड है, मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है, इसी तरीके से ये ओवुलेशन के टाइम पे बाहर आएगा। अब ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत क्वांटिटी में मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर वो अंदर एक्युमुलेट है। जब तक ये मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इस सेल से गायब नहीं हो जाता और इसके पास वो एंजाइम नहीं आता कि जो उसको मेटाफेज से बाहर निकाले, तब तक ये अपना सेल डिवीजन आगे नहीं ले जा सकता। इसीलिए क्या होगा, एक स्पर्म आता है जो इस तक पहुंचता है, और ये स्पर्म जब इस तक पहुंचेगा इस प्रोसेस को हम कहेंगे, जब इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा हम कहेंगे उसको फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, यत्व मनांचुस एपीसी, जिसको मैं एपीसी बोलता हूं, ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इस एग के अंदर, अब देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, इस एग के अंदर जाएगा, राइट, दिस एपीसी विल एंटर इनटू द एग, और इस एपीसी के अंदर आने की वजह से एमपीएफ डिजेनरेट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इस सेकेंडरी ऊसाइट को इस मेटाफेज से बाहर निकालेगा, सो दैट आपका ये सेकेंडरी ऊसाइट जो है अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा। जब इसने मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर लिया तो ये एक फंक्शनल ओवम बनाएगा और बनाएगा एक छोटी सी सेल जिसको मैं कहता हूं सेकेंड पोलर बॉडी, आई विल कॉल इट एज सेकेंड पोलर बॉडी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेकेंड पोलर बॉडी जो है, सेकेंड पोलर बॉडी स्पर्म के अंदर आने की वजह से आ गई, सो दैट दिस सेकेंड पोलर बॉडी, अगेन दिस विल बी एन अनइक्वल डिवीजन, राइट, जहां पे ओवम जो है ये हमें जरूरत है, दिस विल बी रिक्वायर्ड, जो ओवम है ये बिकॉज ऑफ द फैक्ट फर्टिलाइजर ओम है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बाद में बेटा किस में, जाइगोट में। जब ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है इट मींस ये अब क्लीवेज स्टार्ट करेगा, जब ये क्लीवेज स्टार्ट करेगा तो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। इज दिस ओके? तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमें समझने के लिए होगा कि हर मेनस्ट्रुअल साइकिल में जब ओव्यूलेशन होती है उस टाइम पे ओवम बाहर नहीं आता, उस टाइम पे बाहर आता है एक सेकेंडरी ऊसाइट जो अरेस्टेड होता है मेटाफेज सेकेंड पे। तो एक्टिवेटेड फंक्शनल ओम आपको कब मिलता है, वो तब मिलता है जब इस सेकेंडरी ऊसाइट को स्पर्म फर्टिलाइज करके एपीसी देता है, सो दैट इसमें से आपको एक फंक्शनल ओवम मिलता है जो बाद में जब इसके न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं, इसका जर्माइनल वेजिकल और इसका प्रोन्यूक्लियस, स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस इसके जर्माइनल एग के जर्माइनल वेजिकल के साथ कंबाइन हो जाता है, तो वहां पे न्यूक्लियस बनता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है, और वहां पे आगे जाके फिर जाइगोट बनेगा, जो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक, तो मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन स्पर्म फ्यूजेस विद द सेकेंडरी ऊसाइट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी, ओवम सब्सिक्वेंटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। यही तो मैं बोल रहा था, तो कंप्लीशन ऑफ ओजेनेसिस पे एक ओवम और तीन पोलर बॉडीज बनती है, ठीक, बिकॉज एक पोलर बॉडी डिवाइड होकर दो बनाती है, सो दैट टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज विल बी थ्री एंड वन ओवम, दैट मीन्स एक, शाबाश, प्राइमरी ऊसाइट जो है कन्वर्ट होगा into one ovum and three polar bodies, right? Okay. चलो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो इजी है, देखिए अगेन सेम वही है, प्राइमोरियल जर्म सेल्स हैं, इन्होंने माइटोसिस करके, मल्टीप्लीकेशन करके, यहां पे माइटोसिस होगा,
तो नंबर इंक्रीज करेंगे, यहां पे दो टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए जो है ये रिजर्व सेल्स होती है। रिजर्व सेल्स मींस ये तब जरूरत पड़ेगी जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी स्पर्म्स की, तब ये कन्वर्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया बी में, क्योंकि असल में स्पर्म्स जो हैं स्पर्मेटोगोनिया बी से बनते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है यहां पे ग्रोथ फेज दिखाएंगे और कन्वर्ट होंगे इनटू अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करेगा, तो वहां पर बनेंगे टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन दोनों क्या होंगे बेटा N, N क्या होता है हैप्लॉइड। तो दैट मींस अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज डिप्लॉइड अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट व्हिच इज रिडक्शनल डिवीजन एंड कन्वर्ट्स इनटू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोथ हैप्लॉइड, वो मियोसिस सेकंड करेंगे और मियोसिस सेकंड के साथ साथ वो बनाएंगे चार स्पर्मेटिड्स। तो चार स्पर्मेटिड्स जो है आगे जाके मैच्योरेशन दिखाएंगे और बनाएंगे स्पर्मेटोजुआ। और स्पर्मेटोजुआ कैसा होता है, इट इज अ फ्लैजेलेट डार्ट लाइक स्ट्रक्चर। That means ये सारी की सारी प्रोसेस हम क्या देखते हैं कहां पे होता है, ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, और इसको 64 डेज लगते हैं राइट। और वहां पे हर दिन कितने स्पर्म्स बनते हैं, 10^12 to 10^13 स्पर्म्स। रिमेंबर इट, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ स्पर्म्स। एक चीज याद रखिए बेटा, ओजेनेसिस एक बार होती है फीटल लाइफ में, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। नंबर ऑफ ओवा जो एग्स जो है आपके पास इनडेफिनेट नहीं होता, डेफिनेट नंबर होता है इनका। लेकिन स्पर्म्स जो है एक मेल स्पर्म्स थ्रू आउट द लाइफ बनाता है, इवन इन ओल्डर एज इट विल बी इक्विवेलेंट टू जीरो, लेकिन फिर भी स्टॉप नहीं होता, बहुत कम क्वांटिटी में लेकिन बनता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि ओजेनेसिस ऐसा नहीं है। एक फीमेल के पास ये एबिलिटी, ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एग्स जो है थ्रू आउट द लाइफ बनाए राइट। सो द काउंट ऑफ एग्स इज फिक्स्ड, दिन ब दिन कम होगा, ज्यादा नहीं होगा राइट। फाइन, तो अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट इन थ्री फेजेस, दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन फेज क्या होगा, जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मींस अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एडोलेसेंट पीरियड, वो आएगा। तो इस फेज में प्राइमोडियम जर्म सेल्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में मल्टीप्लीकेशन दिखाएंगी और बनाएंगी स्पर्मेटोगोनिया बी, वहां पे वो ग्रोथ करेंगे और बनेंगे इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पे देखिए बेटा ध्यान से, जो आपके पास सपोज कर लो ये आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये 2N यानी कि डिप्लॉइड सेल है। जब ये डिप्लॉइड है इसका मतलब हर क्रोमोजोम की दो दो कॉपीज इसके पास होंगी, दिस विल बी द होमोलॉगस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये आपका मियोसिस फर्स्ट दिखाएगा, जब ये मियोसिस फर्स्ट दिखाता है तो क्या होगा, नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हेन इट विल शो मियोसिस फर्स्ट तो ये दो सेल्स में डिवाइड होगा ऐसे राइट। तो यहां पे अब ये बनेगा एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इनके पास एक डायड क्रोमोसोम आएगा राइट। अब क्या करेगा, यस यहां से स्टार्ट होगा मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो आपको पता है ये दो सेल्स बनाएंगी और ये वाली सेल अपनी डॉटर सेल्स दो, दैट मींस 1, 2, 3, 4 राइट। हर किसी सेल में आपको पता है मियोसिस सेकंड का काम क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड इसको सेपरेट करेगा, तो इसके पास एक सिस्टर क्रोमेटिड, इसके पास दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, इसके पास ये, इसके पास ये। नाउ सी, जिसके पास ये मोनाड क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, दिस इज द स्पर्मेटिड राइट, दिस इज द स्पर्मेटिड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स फॉर्म्ड विल बी 4 from 2 secondary spermatocytes or 1 primary spermatocyte. उसके बाद क्या होगा, ये एक स्पर्म बनाएगा, मैच्यूरेशन दूसरा स्पर्म बनाएगा, तीसरा स्पर्म बनाएगा, चौथा स्पर्म बनाएगा। क्या मैं कह सकता हूं दैट वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल गेट कन्वर्टेड इंटू 4 स्पर्मेटोजुआ राइट। तो ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया ए जो है इट एक्सेस प्रोजेनिटर सेल्स और रिजर्व सेल्स, मैंने आपको बोला था ये तब कन्वर्ट होता है किसमें, स्पर्मेटोगोनिया बी में, जब रिक्वायरमेंट होगी। इन मैच्योरेशन फेज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट और रिडक्शन ऑफ डिवीजन इन विच होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड रिजल्टिंग सेल फॉर्मड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इट इज हैप्लॉइड। ऑलरेडी मैंने चार्ट में आपको दिखाया ये, ठीक। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस सेकेंड और इक्वेशनल डिवीजन इन विच सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड रिजल्टिंग सेल फॉर्मड इज कॉल्ड स्पर्मेटिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस राइट।
ओके, तो अब स्पर्मेटिड्स जब बनते हैं वहां तक, उस बनने तक 17 बीटा एस्ट्रेडियोल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। वो किससे बनता है? टेस्टोस्टेरोन से, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लेडिग सेल इन प्रेजेंस ऑफ एलएच। याद रखिए बेटा, 17 बीटा एस्ट्रेडियोल एक्चुअली एक एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन यूजुअली मेल की बॉडी में करेगा क्या? याद रखो, 17 बीटा एस्ट्रेडियोल जो एस्ट्रोजन है, ये मेल की बॉडी के अंदर जर्मन एपिथेलियम को एक्टिवेट करने के लिए होता है, सो दैट इट विल अंडरगो माइटोसिस और आपका जो स्पर्मेटोगोनिया नंबर वहां पे है इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस जिन सेल्स से स्पर्म बनते हैं वो सेल्स जर्मनल एपिथेलियम से उठेंगे, उस एपिथेलियम को एक्टिवेट करने के लिए आपको 17 बीटा एस्ट्रेडियोल की जरूरत पड़ती है, राइट। तो स्पर्मेटिड्स गेट कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस एंड ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट, ठीक है ना। तो अब ये स्पर्मेटोजोआ जो है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है, वहां पे कंसंट्रेट करेंगे हम टेस्टोस्टेरोन को विद द हेल्प ऑफ एबीपी। एबीपी क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। आपको पता है, अगर यहां पे आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखोगे, ये सपोज कर लो टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है, जो मैंने गोल गोल बनाए, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहां से इंटरस्टिशियल टिश्यू है। आपको पता है इंटरस्टिशियल टिश्यू में क्या होता है, ऐसे एक सेल होती है, इसको हम कहते हैं लेडिग सेल। दिस इज सपोज कर लो लेडिग सेल। इस लेडिग सेल से एक हार्मोन निकलता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, राइट। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये आपको इसके हाई लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, राइट। तो इसको अब कंसंट्रेट करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन होता है, यू नो, एक प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन, उसको बाइंड करने के लिए प्रोटीन आ गया। तो ये किससे सिक्रीट होता है? सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल्स पे कौन एक्ट करता है? एफएसएच। जब सर्टोली सेल्स पे एफएसएच एक्ट करेगा तो सर्टोली सेल्स सिक्रीशन दिखाती है, ठीक। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल चेंजेस ऑकर। आपको पता है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है वो सेल की तरह नहीं होता, वो डॉट की तरह होता है। तो आ गया ना मॉर्फोलॉजिकल चेंज, शेप चेंज हो गया, और वहां पे गॉल्गी बॉडीज मॉडिफाई होकर एक्रोसोम बनाती है, तो आ गया ना बायोकेमिकल चेंजेस भी इसमें हो जाती है। तो डिफरेंट और भी चेंजेस है, बट शॉर्ट में हम ये लिखेंगे, ठीक। तो स्पर्मेटिड बाइंड करता है सर्टोली सेल्स के साथ, राइट, और जिसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है ये इसके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ फिर बाद में रिलीज हो जाता है। आप ऐसे समझो, इफ दिस इज अ सर्टोली सेल लाइक दिस, आपको पता है सर्टोली सेल ऐसी होती है, पिरामिडल टाइप सेल होती है सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है ऐसे स्पर्मेटोजोआ, वो फिर रिलीज हो जाता है इससे, और उस रिलीज होने को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। रिमेंबर इट, इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल, क्योंकि इसके साथ ज्वाइन क्या होता है, सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसीलिए सर्टोली सेल को हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, मदर सेल्स कहते हैं, सस्टेंटिक्यूलर सेल्स कहते हैं, या सस्टेंटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस रिलीज होने को, जब स्पर्म इससे अलग हो जाएगा, उस रिलीज होने को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक। तो एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म बनाता है? 4 स्पर्मेटोजोआ बनाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो अब क्वेश्चन है, आप डिस्क्राइब कीजिए मेनस्ट्रुअल साइकिल को विद इट्स वेरियस फेजेस, राइट। इसको हम एक आसान तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक चार्ट पे समझाता हूं, आपको जो इसकी थ्योरी है वहां पे मिल जाएगी आपको, लेकिन बाय एंड लार्ज यही लिखा होगा। देखिए बेटा, मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेनस्ट्रुअल साइकिल इन टोटल 28 डेज का होता है, एक्चुअल में 26 टू 35 डेज हो सकता है, एवरेज निकाल के 28 डेज, राइट। लेकिन आप याद रखेंगे बेटा, अगर आपको कोई पूछेगा मेनस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन, यू विल से 28 डेज, राइट। अब मेनस्ट्रुअल साइकिल 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, पहला फेज जिसको हम कहते हैं मेनस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज जिसको मैं कहता हूं फॉलिक्यूलर फेज, और तीसरा फेज जिसको मैं कहता हूं सिक्रीटरी फेज। नाउ सी, मेनस्ट्रुअल फेज जो है ये लगभग 4 दिन रहता है, फॉलिक्यूलर फेज जो है लगभग, यू नो, 10 दिन रहता है,
तो सिक्रेटरी फेज कितना टाइम रहेगा? 14 डेज. दैट मींस 14 प्लस 10 24 प्लस 4 28. टोटल नंबर ऑफ डेज 28. क्या मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा फेज सिक्रेटरी फेज है और सबसे छोटा फेज मेनस्ट्रुअल फेज है. अब मेनस्ट्रुअल फेज में क्या आप याद रखेंगे, ये स्टार्ट होता है और इस फेज में मेनस्ट्रुएशन होती है, दैट मींस ब्लीडिंग होती है. कहां से? पर वजाइनल ब्लीडिंग. वजाइना से ब्लीडिंग होगी और उसको हम मेनस्ट्रुअल फेज कहेंगे. ब्लीडिंग क्यों होती है? आपने पढ़ा होगा इन केस आई हैव यू नो If you remember, I have made you people this, you know, study this and remember this in the class as well. अगर आप female reproductive system देखोगे, आपको पता है ये मैंने uterus बनाया और uterus का सबसे अंदर वाला layer होता है endometrium, right? अब endometrium को maintain रखने के लिए progesterone की levels होनी चाहिए body में, estrogen होना चाहिए जो उसको thick बनाएगा, इसमें you know develop कराएगा, glands develop कराएगा and all, progesterone या estrogen, इन hormones की level बहुत important होती है. Now see, menstrual cycle में menstrual cycle का पहला that is called as menstrual phase or bleeding phase, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, जो ये अंदर वाला layer है, that is endometrium of the यूटरस, ये जिसको मैंने कलर किया, ये एंडोमेट्रियम क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाता है. जब ये ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर की ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है, पर्टिकुलरली स्पाइरल आर्टरी ब्रेक हो जाती है और ये ब्लड बाहर आता है, वजाइना से बाहर आता है. ठीक है, तो इसको हम कैटामेनिया भी कहते हैं या ब्लीडिंग भी कहते हैं. जो क्यों होती है? क्योंकि सबसे अंदरूनी लेयर किसका? यूटरस का, उसका सुपरफिशियल लेयर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. अब जब ये ब्लीडिंग हो गई, ये इसलिए हो गई क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत कम है. रिमेंबर इट, व्हेन ऑल द हार्मोन्स, दैट इज ये दो, इनको हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं और इनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स. तो गोनेडोट्रोपिन्स और ओवेरियन हार्मोन्स जब कम होते हैं ब्लड में, तो एंडोमेट्रियम जो है स्लफ ऑफ हो जाता है, उसकी आर्टरीज ब्रेक हो जाती है, पर्टिकुलरली स्पाइरल आर्टरी, और उसका सुपरफिशियल लेयर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है. और सुपरफिशियल लेयर डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा कि ये जो है एंडोमेट्रियम जो स्लफ ऑफ होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी और वो ब्लीडिंग वजाइना के थ्रू बाहर आती है. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो ये फेज लगभग 4 दिन रहता है, राइट? इसको हम कहते हैं मेनस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज या कैटामेनिया. सबसे पहले आप याद रखेंगे बेटा, मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है और पहला मेनस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं मेनार्च, और लास्ट वाले को जब ये स्टॉप होता है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज. याद रखिए बेटा, मेनोपॉज जो है 50 से 55 ईयर्स ऑफ एज, या कोई किताब लिखती है 40 टू 50 ईयर्स ऑफ एज, तब तक हो जाता है. दैट मींस एक फीमेल रिप्रोड्यूस तब तक कर सकती है जब तक उसमें मेनस्ट्रुअल साइकिल होता रहेगा. द मोमेंट मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इन अ फीमेल, इट शोज इन द ओल्डर एज, इट शोज कि अब ये फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि अब इसमें ओवुलेशन नहीं होगी, मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग मी? अब क्या है दूसरा फेज? दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज. जो फॉलिकुलर फेज है, इसके पहले कुछ दिन को हम रिकवरी डेज भी कहते हैं. पहले एक दो दिन को रिकवरी डेज भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये स्लफ्ड एंडोमेट्रियम है, ये इसकी रीइपिथलाइजेशन हो जाती है, इसकी रिकवरी हो जाती है. ठीक है ना, इस इपिथीलियम की रिकवरी हो जाती है, ये वापस बनता है. अब जैसे कि आपको फॉलिकुलर फेज नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होगा कि फॉलिकल्स डेवलप होंगे. प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, और टर्शरी फॉलिकल से मच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. अब बेटा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनेगा आपको फिर बाद में यही लिखना है. तो मैंने कहा फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी में कन्वर्ट होता है, टर्शियरी फॉलिकल मच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होती है, मतलब कि एग यहां से बाहर आएगा, एग विल कम आउट फ्रॉम दिस. रिमेंबर यहां पे दो हॉर्मोन्स अब इंक्रीज होंगे. देखिए पहले मैंने कहा था FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सभी हॉर्मोन्स कम है ब्लड में. आर यू गेटिंग मी? लेकिन जब फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा, अब क्या होता है कि FSH की लेवल्स बढ़ जाती है ब्लड में,
क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीज हो गया तो एफएसएच बढ़ता है ब्लड में. जब एफएसएच बढ़ता है ये एफएसएच इन यू नो फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप कराएगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शियरी, टर्शियरी को ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा. इसके साथ साथ ये इन फॉलिकल्स से एक हार्मोन रिलीज करवाता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन. So that means अब इस follicular phase में दो hormones अब बढ़ने लगे, एक हमारा FSH बढ़ने लगा और estrogen बढ़ने लगा. ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो FSH है in the initial days of follicular phase FSH की activity ज्यादा होती है, राइट? आपको पता है, आपने negative feedback सुना होगा, जब भी किसी hormone की increase हो जाती है level तो उसको फिर बंद करना पड़ता है in order to bring homeostasis, राइट? बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बैलेंस ट्रैक करने के लिए. तो एफएसएच जितना निकलेगा उतना ज्यादा एस्ट्रोजन बढ़ता है. जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा, अब एस्ट्रोजन को बंद करने की बारी आती है, तो जैसे जैसे हमारा फॉलिकुलर फेज आगे बढ़ता है तब एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है और उसको बंद करने के लिए एफएसएच को बंद होना पड़ता है. जब एफएसएच बंद हो गया तो एस्ट्रोजन जो है ऑटोमेटिक इसके बाद बंद हो जाता है, ठीक. लेकिन जब आप इस फॉलिकुलर फेज के एंड पे पहुंचते हो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लो बेटा, तो एलएच लेवल्स की इंक्रीज हो जाती है ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन. जब एलएच लेवल बढ़ेगा, अब देखिए एफएसएच का काम यह था कि ये फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा, तो लास्ट में आपको ग्राफियन फॉलिकल मिलता है, राइट? चलो हम इसको यहां पर दिखाते हैं. यह प्राइमरी फॉलिकल था, इससे सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शियरी बना, टर्शियरी से ग्राफियन बना. दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल. अब इनको प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करने के लिए, सेकेंडरी को टर्शियरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए एफएसएच. तो एफएसएच का काम डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स है. लेकिन आगे जाके ये तो इनिशियल, ये तो आप समझो पहला दिन था फॉलिकुलर फेज का, तो आहिस्ता आहिस्ता एफएसएच की लेवल बढ़ने लगी और इन फॉलिकल से मुझे मिलने लगा एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज होती गई, राइट? लेकिन जब आप एंड पे पहुंचते हो, यहां पर एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, राइट? लेकिन मुझे अब एंड पे क्या करना होगा, मुझे इस ग्राफियन फॉलिकल से एग बाहर निकालना होगा. उस प्रोसेस को मैं कहता हूं ओविलेशन. क्या कहता हूं बेटा? ओविलेशन. और ओविलेशन के लिए आपको चाहिए एलएच. ओविलेशन के लिए आपको चाहिए एलएच. दैट मींस टुवर्ड द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज नाउ आई डोंट नीड मच ऑफ एफएसएच बट आई सर्टनली नीड एलएच. तो एलएच की अब लेवल्स इंक्रीज हो गई. जब एलएच की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो एलएच के रिसेप्टर्स ग्राफियन फॉलिकल पे होते हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल पे ये बैठ गया. जब ग्राफियन फॉलिकल पे बैठ गया तो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है ओवा. दैट मींस एग बाहर आता है. सेकेंडरी, मैंने बोला था ना ओविलेशन क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड, वो बाहर आता है. और बेटा ये इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे यहां पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसीलिए एलएच को हम कहते हैं ओविलेटरी हार्मोन. क्या बोलते हैं? ओविलेटरी हार्मोन, राइट? फाइन. तो दैट मींस अब हमारे यहां पे क्या होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, अब स्टार्ट होगा सिक्रीटरी फेज. देखो अब सिक्रीटरी फेज की बारी आती है. जब सिक्रीटरी फेज की बारी आती है तो इसके इनिशियल डेज को हम कहते हैं फर्टिलिटी डेज. देखो जब आप एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज पे पहुंचोगे तब लगभग 14th डे होगा या 15th डे होगा. ये मिड ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल है ना. दैट मींस क्या मैं कह सकता हूं कि ओविलेशन जो है ये मिड ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल पे होती है, ऑलमोस्ट 14th 15th डे के आसपास होगी. तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज इज द बिगिनिंग ऑफ सिक्रेटरी फेज? That means क्या मैं कह सकता हूं कि मिड मेनस्ट्रुअल साइकिल के बाद ही सिक्रेटरी फेज स्टार्ट होगा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनिशियल डेज ऑफ दी सिक्रेटरी फेज दे आर कॉल्ड फर्टिलिटी डेज? क्यों? क्योंकि फीमेल अगर इस टाइम पे मेट करती है तो उसके चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाते हैं. क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि अभी अभी उसकी ओवुलेशन हुई है और एग के चांसेस ज्यादा है इस टाइम पे फेलोपियन ट्यूब में होने के, राइट? तो यह रहा ग्राफियन फॉलिकल. इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया एग यानी कि सेकेंडरी ओसाइट और ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं कॉर्पस हेमोरेजिक. कॉर्पस हेमोरेजिक. इस कॉर्पस हेमोरेजिक पे अगेन अब क्या होगा, इस सिक्रीटरी फेज में जिसको मैं ल्यूटियल फेज भी कहता हूं, इसमें ये एलएच इस कॉर्पस हेमोरेजिक पे एक्ट करेगा. कॉर्पस हेमोरेजिक क्या होता है बेटा? जब ग्राफियन फॉलिकल से एलएच की मदद से आपने एग को बाहर निकाला तो ग्राफियन फॉलिकल जिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस हेमोरेजिक.
अगेन कॉर्पस हेमरेजिक पे ज्यूरिंग द फॉलिकुलर सॉरी ज्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज एलएच एक्ट करता है. जब इस पे एलएच एक्ट करेगा तो एक येलो कलर का पिगमेंट इस कॉर्पस हेमरेजिक पे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा, डिपॉजिट होगा, उसको हम कहते हैं ल्यूटीन. ये कैरोटीन रिच पिगमेंट होता है, ल्यूटीन इसका नाम है. और ये येलो कलर का पिगमेंट जब इस पर डेवलप होगा तो ये एक ये कॉर्पस हेमरेजिक एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट होता है. उस येलो कलर की बॉडी को मैं नाम देता हूं कॉर्पस. कॉर्पस मींस बॉडी, ल्यूटियम, ल्यूटियम मींस येलो कलर. अगेन जो कॉर्पस ल्यूटियम की सेल्स हैं इनको हम कहते हैं ल्यूटियल सेल्स. क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूटियल सेल्स. इन ल्यूटियल सेल्स पे अगेन हमारा एलएच एक्ट करता है और इन ल्यूटियल सेल्स को एक्टिवेट करता है और ये ल्यूटियल सेल्स देती है प्रोजेस्टेरॉन. क्या देती है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन. तो दैट मींस जैसे जैसे हमारा सिक्रेटरी फेज आगे बढ़ता जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एंड ऑफ द मेनस्ट्रुअल साइकिल तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स बढ़ना स्टार्ट होती है. आर यू गेटिंग मी? क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम है? राइट. प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम. तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स होने की वजह से जब प्रोजेस्टेरॉन, आपको पता है जब प्रोजेस्टेरॉन निकलना होता है तो एलएच इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलएच ही कॉर्पस ल्यूटियम की सेल्स को ल्यूटियल सेल्स को एक्टिवेट करके प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा. यही प्रोजेस्टेरॉन जो है अब यूटरस की थिकनिंग को बढ़ाएगा, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा. किसके लिए? इंप्लांटेशन के लिए. बिकॉज बॉडी को यह लगता है उस टाइम पे कि यह फीमेल आगे जाके प्रेग्नेंट होने वाली है. और प्रेगनेंसी क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाया है जब एक ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हो जाता है. किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ. तो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट होता है. अब क्या होगा? अब अगर यह फीमेल, एग्जाम्पल ले लो, अब यह फीमेल नहीं कर रही है मेटिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रही है, तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स ब्लड में बहुत ज्यादा है. और आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स कॉर्पस ल्यूटियम है. कब कॉर्पस ल्यूटियम कैसे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा? जब इस पे एलएच एक्ट करता है. राइट. तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ती रहती है. अब अगर फॉर एग्जाम्पल 28th डे पे, अब अगर फॉर एग्जाम्पल फीमेल ने वहां पर मेटिंग की ही नहीं है तो 20 यानी कि पहले जब ओवुलेशन हो गई थी ना 14th डे पे, इसने मीटिंग नहीं की थी, जायगोट नहीं बनाया. राइट. तो अब अगर मीटिंग नहीं हुई है, ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, फिर क्या होगा? फिर होता क्या है कि इस फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा बढ़ने से अगेन एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम इनहिबिन कहते हैं. इनहिबिन क्या करता है? वो एलएच को बंद कर देता है. जब वो एलएच को बंद कर देगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल नहीं मिलता है कि तुम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करो, तो प्रोजेस्टेरॉन का निकलना बंद हो जाता है. जब प्रोजेस्टेरॉन का निकलना बंद हो गया, क्या मैं कह सकता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो गई? राइट. अब देखिए बेटा, एफएसएच भी कम हो गया था, एस्ट्रोजन भी कम हो गया था, एलएच भी कम हो गया, और अब प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गया. जब सभी हार्मोन्स कम हो गए, जरा मुझे बताइए, एफएसएच भी कम, एलएच भी कम, प्रोजेस्टेरॉन भी कम और एस्ट्रोजन भी कम. तो जब सारा का सारा हार्मोन कम हो गया, अगेन व्हाट विल हैपन? जो यूटरस है उसका एंडोमेट्रियम जो है वो क्या होगा? स्लफ ऑफ होगा. ब्लीडिंग विल अगेन स्टार्ट. इज दिस ओके? Are you getting me? तो this is how things work. अभी वापस cycle कैसे आता है? लेकिन जो pregnant female होती है, फिर उसमें क्या होता है? Pregnant female में बेटा एक hormone release होता है, that is called as HCG, human chorionic gonadotropin. ये human chorionic gonadotropin सिर्फ एक pregnant lady में होता है और ये बराबर वैसे ही act करता है जैसे LH act करता है. यानी कि it mimics the activity of LH so that it will keep the corpus luteum intact and progesterone की level फॉल होने नहीं देगा. तो प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है? वहां पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, और उसकी वजह से एलएच, ये एलएच की एक्टिविटी के जैसे होता है, जैसे एलएच की एक्टिविटी होती है वैसे ही एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की एक्टिविटी होती है, सो दैट इट विल मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम और वहां पर तब तक प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता रहेगा. ठीक है, तो प्रेगनेंसी को सस्टेन करेगा. ठीक. अच्छा, एक और चीज, ये एचसीजी जो है ये ब्लड में चला जाएगा और उसके साथ ही यूरिन में आता है. ठीक.
उसके साथ में क्या आता है, ये कि यूरिन में आता है। जब यूरिन में आएगा इसका मतलब ये है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल का एक टेस्ट होता है जो यूरिन को किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविडेक्स टेस्ट। ग्रेविडेक्स टेस्ट क्या होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल जो है, अगर कोई फीमेल उसको सस्पेक्ट है कि मैं प्रेग्नेंट हूं कि नहीं हूं, उसको यूरिन, उसका जो यूरिन है अगर उसको आप ग्रेविडेक्स स्ट्रिप पे डालेंगे तो वहां पे एचसीजी होने की वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव आता है एंड द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। इज दिस ओके? ये कभी भी एक जो यू नो फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं है कभी भी उसमें नहीं आएगा। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, राइट? तो ये फॉलिकुलर फेज, ये मैंने यही आपको दिखाया, मैंने इसको कंप्लीट किया एक डायग्राम से, राइट? चलो बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है? अब आपको पता है मेथड्स ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में हम देखेंगे डिफरेंट नेचुरल मेथड्स जिनका साइड इफेक्ट लीस्ट होता है लेकिन फेलियर रेट्स इसमें ज्यादा होती है। वी नो दैट कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में फेलियर रेट ज्यादा है, साइड इफेक्ट कम है, राइट? तो पहला नेचुरल मेथड, तो क्या है इसमें नेचुरल मेथड, को कहेंगे कि इसमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी डिवाइस या रिलीजियस सैंक्शन की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल मेथड जो है तीन टाइप्स का हो सकता है। पीरियोडिक एबस्टिनेंस, एबस्टिनेंस, पीरियोडिक एबस्टिनेंस किसको कहते हैं? देखिए, जो अगर मैं ऐसे कहूं दैट इफ आई टॉक ऑफ दिस मेनस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज डे जीरो एंड दिस इज डे 28, आपको पता है जो ओवुलेशन होती है वो मिड पे होती है, लगभग 14th डे के आसपास होगी, राइट? तो मिड ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड, इज द टाइम फ्रेम जहां पे ओवुलेशन होगी। उस टाइम जो है चांसेस ऑफ कंसेप्शन मैक्सिमम है, राइट? दैट मींस अगर इस पीरियड के दौरान फीमेल एक फीमेल मेट करती है तो उसके चांसेस ऑफ कंसेप्शन, चांसेस ऑफ कंसेप्शन दैट मींस प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो अब होता क्या है पीरियोडिक एबस्टिनेंस में कि फीमेल अपने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आई रखती है, नजर रखती है और 10वें दिन से लेके यू नो ऑलमोस्ट 17th डे तक वो क्या काम करती है कि वो मेटिंग, सेक्चुअल कोहेबिटेशन, सेक्चुअल इंटरकोर्स नहीं करती है, सो दैट इसकी चांसेस ऑफ कंसेप्शन कम हो जाएंगे। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे यही बोल रहा है दैट इन दिस मेथड द कपल्स अबस्टेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 10 टू 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज ड्यूरिंग दीज डेज हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर देयर, राइट? तो अवॉइडिंग क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड विल नेचुरली प्रिवेंट कंसेप्शन, राइट? बट इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड इज लिमिटेड बिकॉज ओनली अ फ्यू वुमेन हैव रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द एक्चुअल टाइम ऑफ ओवुलेशन इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। देखिए, ओवुलेशन होना एक हार्मोनल प्रोसेस है और एग्जैक्टली बोलना कि इस टाइम पे ओवुलेशन हो रहा है या इस टाइम पे ओवुलेशन होगा, इट्स वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी डिफिकल्ट अराइव एट दिस डिसीजन। सो इसीलिए जो इस मेथड की जो आप समझो एप्लीकेबिलिटी है वो काफी कम है, ठीक? क्वाइटस इंटरप्टस किसको कहते हैं? जब मेल इजैकुलेट करता है फीमेल की बॉडी के अंदर उसके वजाइना में, तो उससे पहले ही, इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को विड्रॉ करना फ्रॉम द फीमेल वजाइना इज कॉल्ड एज क्वाइटस इंटरप्टस, या इसको विड्रॉवल मेथड भी कहते हैं, और इसके फेलियर रेट्स भी ज्यादा है, राइट? ओके, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या है कि जब एक फीमेल बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है ना, एक यू नो देयर इज इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादा सर्ज की वजह से जीएनआरएच कम निकलता है, जीएनआरएच पे इनहिबिशन लग जाता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन या जो साइकिल है फीमेल का वो नहीं हो पाता। तो एन ओवुलेशन मींस द एब्सेंस ऑफ दिस, यू ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की वजह से जो एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और ओवुलेशन नहीं हो पाती है। और ये मेथड लेकिन इफेक्टिव होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस मेथड इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो पार्चुरेशन के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद अगर इवन इंटेंस लैक्टेशन भी है तो लेकिन 6 months तक ये इफेक्टिव रहता है, लेकिन इसमें चांसेस ऑफ
उन छह महीनों में चांसेस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट जीरो निल होता है, राइट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ वन अमंग देम। तो अब मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आराम से आ सकता है, और इसमें से आपको किसी एक जो सिस्टम के पार्ट्स को डिस्क्राइब भी करना होगा। जैसे मैंने यहां पे आपको एग्जांपल के तौर पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पे दिखाया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है, आप देख सकते हो यहां पे ओवल दो स्ट्रक्चर्स है जिनको हम टेस्टीज कहते हैं। अब एक को हम कहेंगे टेस्टीज और प्लूरल जो है दैट इज टेस्टीज, राइट, इट इज टेस्टीज। तो नाउ इसके बाद ये रहा दिस स्ट्रक्चर, दिस इज दी एपिडिडाइमिस, ये यहां पे एपिडिडाइमिस आ गया, दिस इज दी एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से उठता है ऐसे, दिस इज द, देन एपिडिडाइमिस से आगे वास डिफरेंस आगे जाएगा, राइट, दिस इज द वास डिफरेंस लाइक दिस। ओके, तो आगे जाके वास डिफरेंस जो है, अगर आप समझे ये वास डिफरेंस या स्पर्मेटिक डक्ट जिसको बोलते हैं, यहां से सेमिनल वेसिकल आएगा, इसकी डक्ट आएगी और ये वास डिफरेंस के साथ जुड़ जाएगा और ये बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आएगा। तो इसमें क्या आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसमें आएगा पियर्ड टेस्टीज, स्क्रोटम, स्क्रोटम मींस जिसके अंदर एक मस्क्यू एक बैग जिसके अंदर पाउच जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टीज होते हैं, इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम, ये हम आगे पढ़ेंगे, एपिडिडाइमिस, राइट, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, यूरेथ्रा मतलब कि ये ट्यूब लाइक, दिस ट्यूब लाइक यूरेथ्रा, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें पेनिस आता है, ठीक है ना। ओके, तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है पियर्ड सेमिनल वेसिकल्स आएंगे, प्रोस्टेट आएगा और काउपोरस ग्लैंड आएंगे जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आप ये देखेंगे पोजीशन, अगर आप देखेंगे तो पोजीशन आप देख सकते हैं, तो दिस यू नो यहां पे सी हियर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज दिस, दिस इज प्रोस्ट्रेट एंड दिस इज सेमिनल वेसिकल। तो ये रहा सेमिनल वेसिकल, दिस इज द सिंगल प्रोस्ट्रेट एंड दीज आर द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, राइट, फाइन। आगे बढ़ते हैं, टेस्टीज क्या होते हैं, टेस्टीज आपको पता है पियर्ड है, दो होते हैं, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल के, और ये लोकेटेड कहां पे है, आउटसाइड द एब्डोमन, राइट, एक्चुअली ये एब्डोमन के अंदर होते हैं, लेकिन यू नो उसके बाद इनका टेस्टिकुलर डिसेंट होता है साउथ मंथ पे, तो ये नीचे आते हैं इनटू द स्क्रॉटम, क्योंकि इनका टेम्परेचर कम होना चाहिए देन द कोर बॉडी टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द कोर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उससे स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद मिलती है, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस उस लोअर टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक। तो हर एक टेस्टीज 4 to 5 सेंटीमीटर होते हैं लेंथ में और 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है, ठीक। और फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में टेस्टीज जो है ये बॉडी के अंदर होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टीज, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको कहा था। लेकिन मैमल्स में जो टेस्टीज है आउटसाइड है एब्डोमेन में, दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड सो फार। तो इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसके सिक्रीशंस भी, राइट, हमने देख लिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाउ सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा अगर हम देखें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, और याद रखिए जब भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज जो वहां पे गुणन होगा, गुणन आई मीन टू से टेस्टीज इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स, जिनसे गमीट्स बनते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। चलो एक चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं, आई विल यू नो ऐड वन थिंग ओवर हियर। अगर टेस्टीज का क्रॉस सेक्शन में देखूं वो किस तरीके से होगा, दिस इज द ओवल टेस्टीज, राइट, ओके, टेस्टीज के इस एंड पे, पोस्टर एंड पे थिकंड स्ट्रक्चर होता है, इसको मीडिया स्टाइनम कहते हैं या मीडिया स्टाइनल टेस्टीज, इससे ऐसे सप्टा उठते हैं और ये सप्टा जाते हैं टूवर्ड्स द एंटीरियर एंड ऑफ टेस्टीज, जिसकी वजह से टेस्टीज का पैरेन्काइमा या टिश्यू डिवाइड होता है इनटू कंपार्टमेंट्स, और इन कंपार्टमेंट्स का नाम है, वी कॉल देम एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वी कॉल देम एज
टेस्टिक्यूलर लब्यूल, चलो इस साइड से लिख लेते हैं बिकॉज आई वॉन्ट दिस साइड फॉर सम अदर थिंग, एक स्ट्रक्चर बनाना है वहां पे, तो वी कॉल दिस एज ये टेस्टिक्यूलर लब्यूल, राइट। अब हर टेस्टिक्यूलर लब्यूल के अंदर ये लगभग 200 टेस्टिक्यूलर 250 टेस्टिक्यूलर लब्यूल्स होते हैं टेस्टीज में, तो इनके अंदर ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आखिरी पोर्शन स्ट्रेट होता है, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रेक्टाई, ठीक। तो हर किसी एक टेस्टिक्यूलर लब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एंड स्ट्रेट होता है और इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रेक्टाई, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये ट्यूब्यूलर रेक्टाई एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होता है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम रेटी टेस्टीज कहते हैं, रेटी टेस्टीज, ठीक, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रेटी टेस्टीज। रेटी टेस्टीज से ऐसे स्ट्रेट ट्यूब्स उठते हैं, इनको कहते हैं वासा इफरेंशिया, और वासा इफरेंशिया से ऐसे आप ऊपर देखेंगे टेस्टीज के पोस्टीरियर एंड पे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, ओके। अब एपिडिडाइमिस जो है आगे जाके कंटिन्यू करेगा ऐसे इनटू स्ट्रेट डक्ट, दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का आगे वाला पोर्शन ऐसे बीच में एक जगह पे डायलेट होता है, उसको हम कहते हैं एम्पुला, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आएंगे जो कि टेस्टिकुलर लब्यूल्स में है, उनसे ट्यूब्यूलर रेक्टाई आएगा, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रेट एंड से इनको ट्यूब्यूलर रेक्टाई बोलेंगे, ये जाएंगे इनटू नेटवर्क लाइक जो मैंने पिंक कलर से बनाया रेटी टेस्टीज, और रेटी टेस्टीज जो है ऐसे स्ट्रेट डक्ट जो ग्रीन कलर से मैंने बनाए इनको कहते हैं वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया जाएगा इंटू क्वाइल्ड पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस जो है जाएगा इंटू ए स्ट्रेट डक्ट दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। वास डिफरेंस बाद में मिलेगा विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलेगा और बनाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, राइट। और इजैकुलेटरी डक्ट दैट इज, अगर यहां पे सेमिनल वेसिकल है ये इसकी डक्ट जा रही है तो ये मिल जाएगा इसके साथ, और अब जो ये डक्ट है दिस विल बी इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, राइट। यहां से आया वास डिफरेंस, इज दिस ओके। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये एंटर करता है इंटू यूरेथ्रा। क्या मैं कह सकता हूं कि जो फ्लो ऑफ स्पर्म है वो जाएगा ऐसे, दैट मींस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेगा, उसके बाद ट्यूब्यूलर रेक्टा, उसके बाद रेटी टेस्टिस, उसके बाद वासा इफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड फाइनली यूरेथ्रा, और उससे बाहर यूरेथ्रल मीटस से बाहर जाएगा इनटू द यू नो फ्रॉम द आउटसाइड टू द बॉडी, ओके फाइन। अब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहां पर बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगेन ऑर्गन्स भी आएंगे, ग्लैंड्स भी आएंगे, तो इसमें पेयर ओवरीज आएंगी, यहां पे एक ओवरी आप देख सकते हो, यहां पे दूसरी ओवरी देख सकते हो, ये ओवल स्ट्रक्चर है, इसमें पेयर फेलोपियन ट्यूब्स आएंगे, आप देख सकते हो दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स, ये रहे फेलोपियन ट्यूब्स, ऐसे कर्व्ड स्ट्रक्चर्स, राइट। अच्छा, सिंगल यूटरस आएगा, यूटरस एक बड़ा पार्ट है, आप बीच में यहां देख सकते हो दिस इज द यूटरस, ये यूटरस की कैविटी बीच में, राइट। इसी के साथ आगे इसके सर्विक्स आएगा और उसके बाद वजाइना आएगा, राइट फाइन। और बाहर
आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया राइट। नाउ अब ग्लैंड्स में वहां पे आएंगे ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन्स ग्लैंड्स एंड लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स और स्किनीज ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स। अब मेमरी ग्लैंड्स जो हैं दो होते हैं और ये इंटीग्रेटेड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। अब ये वेस्टिब्यूलर ग्लैंड क्या होता है, बेसिकली वेस्टिब्यूल हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, वहां पे हमें एक स्पेस जो है लेसर लिप्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसी वेस्टिब्यूल में इंट्राइटस या वजिनल ओपनिंग होती है, इसी वजिनल ओपनिंग में ये ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं और लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स यानी कि स्किनीज ग्लैंड्स। जो ऊपर मैंने छोटे छोटे डॉट्स बनाए ये स्किनीज ग्लैंड्स हैं और जो बड़े दो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए वजाइनल ओपनिंग के, ये वजाइनल ओपनिंग या इंट्रोइटस है इसके आसपास बनाए लेटरल साइड से बनाए, दीज आर द लार्जर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स राइट। बात समझे ओके। अब ओवरी जो है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्यों, अगेन द रीजन क्योंकि इससे बनेंगे गैमेट्स दैट इज ओवा इन केस ऑफ फीमेल्स। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो ईच ओवरी इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन ईदर साइड एंड इट्स लेंथ इज 2 to 4 centimeters राइट। आलमंड शेप होता है छोटा सा। अब यहां पे एक चीज ऐड करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा बेटा, सपोज कीजिए इफ दिस इज द यूटरस, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब राइट, एक यहां से एक यहां से, फेलोपियन ट्यूब का एक एंड जो है उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको मिलेंगे राइट दिस, यहां पे एक ओवरी है यहां पे एक ओवरी है राइट, आर यू गेटिंग मी। तो ओवरीज जो है, नाउ सी अगेन आई वॉन्ट टू राइट हेयर, जो ओवरीज है, ओवरीज है इसको आप एड कर सकते हैं। ओवरीज जो है इनके दो फंक्शन होते हैं, एक इसका मेटाबॉलिक फंक्शन होता है ठीक, और दूसरा इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है ठीक। जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, एग्स बनाना, और जो एंडोक्राइन फंक्शन है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, ओवेरियन हॉर्मोन्स बनाना। ओवेरियन हॉर्मोन्स आर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन राइट, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ठीक। तो ये ओवरी के फंक्शन, तो फंक्शंस ऑफ ओवरी इज व्हाट, ओवरीज हैव गॉट टू फंक्शंस, मेटाबॉलिक फंक्शन एंड एंड दिस एंडोक्राइन फंक्शन। तो मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या है, ओवा बनाना या एग्स बनाना, और एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ओवेरियन हार्मोन दैट इंक्लूड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये दो मेन हार्मोन यहां से रिलीज होंगे राइट। अच्छा, ये दोनों हार्मोन जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरॉइड हार्मोन, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हार्मोन है ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा ओके, दूसरे इसके और आते हैं, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब। आपको पता है फेलोपियन ट्यूब कुछ ऐसा होता है लाइक दिस, इसके तीन पार्ट्स मैंने बनाए, एक मैंने बनाया ये वाला पार्ट आगे वाला पोर्शन जो ओवरी की तरफ होता है राइट, दूसरा पोर्शन ये कर्व्ड पोर्शन यहां से लेके यहां तक, और तीसरा पोर्शन स्ट्रेट यहां से लेके यहां तक, इसको इस्थमस कहते हैं ठीक है, इसको एम्प्यूला कहते हैं और इसको इनफंडिबुलम कहते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब इज अ कर्व्ड ट्यूब हैविंग 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ठीक, कर्व्ड मैंने बनाया आप देख सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट्स एंड आर इंटरनली लाइंड बाय सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड इसलिए क्योंकि आपको पता है एग जो है नॉन मोटाइल होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सीलिया की जरूरत पड़ती है राइट। अच्छा, इंटरनली फेलोपियन ट्यूब कंटेन्स सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड एज पैग सेल्स which provide nourishment to the secondary oocyte and fallopian tubes arise from Müllerian duct। आपको पता है दो ducts होते हैं, one is Wolffian duct जिसे male reproductive system बनता है, दूसरा Müllerian duct जिसे Müllerian duct से ही ये female reproductive system बनता है fine। तो fallopian tube के तीन parts already मैंने बता दिए, infundibulum जो free end होता है close to the uterus, एम्पुला कर्व्ड पार्ट होता है सबसे वाइड पार्ट होता है, एंड इस्थमस नैरो पार्ट होता है ब्रिज जैसा होता है जो एम्पुला को कनेक्ट करता है यूटरस के साथ, एंड इट्स द बाउंड एंड। बेसिकली ये जहां पे यूटरस के अंदर जाता है वहां पे चौथा पार्ट होता है जिसको हम कॉर्नुआ कहते हैं ठीक, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है, दिस इज सफिशियंट। इनफंडिबुलम इज अ फनल शेप्ड पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच इज क्लोज टू द ओवरीज राइट, इट पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रे
राइट विच हेल्प्स इन द कैप्चरिंग ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट. तो अगर ये ओवरी है इसके नजदीक फेलोपियन ट्यूब का ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा ऐसे, इनको हम फिम्ब्रे कहेंगे, फिम्ब्रे. तो जब एग यहां से बाहर आता है ओवुलेशन के टाइम पे वो पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, वहां से जो है इसको ये पिक कर लेती है एंड देन इट इज थ्रोन इनटू अ होल दैट्स कॉल्ड ऑस्टिया, और यहां से ये सीलिया के जरिए आगे बढ़ता है. It possesses a pore called as ostia. देखिए बेटा यहां पे लिखा हुआ है, through which secondary oocyte enters into it, right? Fertilization occurs in fallopian tube, ampulla, AI junction. इसको मैं लिखूंगा most important point. आपके नीट के लिए भी और आपके बोर्ड के लिए भी. Fertilization site of humans कौन सा है? या तो fallopian tube, ज्यादा appropriate ampulla, उससे ज्यादा appropriate AI junction, right? Isthmus goes into the uterus. Fine. ये मैंने already बोला आपको, ठीक? यूटरस, यूटरस को हम वूम भी कहते हैं या हिस्टरा भी कहते हैं. ये एक इनवर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि एंटीफ्लेक्स्ड होता है. एंटीफ्लेक्स्ड हम किसको कहते हैं? इट मींस राइट एंगल टू द वजाइना. मतलब अगर ये वजाइना ऐसे जा रहा है आगे जाके तो यूटरस कुछ ऐसे एंटीफ्लेक्स्ड पोजिशन पे होता है, ठीक? ओके फाइन. एंड यूटरस इज इंटरनली लाइंड बाई ट्रांजिशनल इपिथीलियम. ट्रांजिशनल इपिथीलियम वो इपिथीलियम होता है जिसके पास एबिलिटी होती है टू स्ट्रेच, ठीक? And it contains uterine glands which produces uterine milk and it gives nourishment to the embryo till implantation. आपको पता है जो zygote या embryo पहले बनता है, zygote से आगे जब वो division start करता है, blastocyst stage पे पहुंचता है, तो वो पहुंचता है into the uterus. वहां पे implantation होने से पहले, placenta बनने से पहले इसको nourish करना होगा. और nourishment के लिए क्या है? कुछ glands है जिनको हम कहते हैं uterine glands. यूटरिन ग्लैंड्स से यूटराइन मिल्क प्रोड्यूस होता है जिससे नरिशमेंट किसको मिलती है बेटा? अर्ली एम्ब्रियो को. फाइन. तो यूटरस पोजेसेस अ वॉल मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. दीज आर, सबसे बाहर वाला लेयर होता है पेरिमेट्रियम विच इज एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग. उसके बाद मायोमेट्रियम, ये थिक होता है और ये मस्क्यूलर होता है, इट इज अ मस्क्यूलर लेयर. इसी मस्क्यूलर लेयर पे ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है, इसके विग्रस कंट्रैक्शंस करता है और वो इंपॉर्टेंट होता है पार्चुरेशन के लिए. जब बच्चा पैदा करना होता है, डिलीवरी देनी होती है, तो ऑक्सीटोसिन उस टाइम पे मायोमेट्रियम पे एक्ट करके विग्रस कंट्रैक्शंस करता है एंड देन बेबी इज डिलीवर्ड ड्यू टू द शेयर फोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड यू नो द यूटरस. फाइन. और उसके बाद एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम सबसे अंदरूनी लेयर है और ये ग्लैंडुलर है. ग्लैंडुलर होने का मतलब ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है मेनस्ट्रुअल साइकिल के लिए, बिकॉज दिस इज द लेयर जो साइक्लिक चेंजेस दिखाता है मेनस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है ना? इसमें आपने पढ़ा होगा, मैंने इससे पहले बताया आपको, रीइपिथलाइजेशन होती है इन द अर्ली डेज ऑफ फॉलिकुलर फेज, ठीक? तो वो एंडोमेट्रियम का सुपरफिशियल लेयर जो है वो उड़ जाता है, फिर बाद में वापस बनता है. ओके. तो मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. आपको पता है स्केलेटल और स्मूथ मसल में डिफरेंस. एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन. मैंने अभी आपको ये पहले ही बता दिया. एंडोमेट्रियम गिव्स अटैचमेंट टू द एम्ब्रियो और फीटस एंड इट शोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल. तो दो चीजें, एक तो इम्प्लांटेशन में मदद करेगा, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस टू द वूम, दैट इज ऑफ कोर्स कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. और उसके अलावा मेनस्ट्रुअल साइकिल, राइट? तो यूटरस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फंडस, कॉर्पस एंड सर्विक्स, राइट? देखिए बेटा, फंडस ऐसे डोम शेप्ड ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसके बाद ये. तो दिस इज द फंडस, दिस इज द कॉर्पस एंड दिस नैरो पोर्शन इज कॉल्ड एज सर्विक्स, राइट? तो सर्विक्स इज अ नैरो पार्ट एंड इट कनेक्ट्स यूटरस विद द वजाइना. सर्विक्स कंटेन्स लो कंटेंट ऑफ मसल्स एंड हाई कंटेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देन द यूटरस बिकॉज इट बियर्स द लोड ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. देखिए बेटा, जो फंडस होता है ना ऊपर वाला पोर्शन, ये ज्यादा मस्क्यूलर होता है. क्यों? क्योंकि जब कंट्रैक्शंस होंगे, जितना मस्क्यूलर पार्ट होगा वो फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, बेबी नीचे की ओर धकेला जाएगा. आर यू गेटिंग मी? आगे बढ़ेंगे. वजाइना, इट्स अ मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स. इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होता. तो एक बार एग्जाम में आया था, एएमयू के एग्जाम में आया था, कौन सा पार्ट होता है यूटरस यू नो फीमेल जनरल ट्रैक्ट में जो डिवाइड है, जिसके पास ग्लैंड नहीं है? तो इट्स वजाइना, राइट? वजाइना ओपन द कैविटी कॉल्ड वेस्टिबुलर कैविटी दैट इज इंक्लोज्ड बाय एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओपनिंग ऑफ वजाइना इज कॉल्ड एज इंट्रोइटस which is guarded by a perforated membrane called as hymen. आपको पता है जो introitus है, opening of vagina है, इस पे एक perforated membrane है जिसमें holes होते हैं, उसको हम कहते हैं hymen,
ठीक, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। आपको पता है पहले जमाने में इसको वर्जिनिटी का एक इंडिकेटर माना जाता था, जिस फीमेल के पास हाइमेन है दैट वाज कंसीडर्ड टू बी एज वर्जिन, जिसके पास नहीं है दैट वाज कंसीडर्ड टू बी एज शी हैज ऑलरेडी मेटेड, राइट, शी इज नॉट अ वर्जिन। तो लेकिन ये एक इंडिकेटर नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें हाइमेन टूट जाता है, हाइमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी टूटता है, ये सच बात है, बट देयर आर अदर थिंग्स जिसकी वजह से हाइमेन टूट सकता है, लाइक साइक्लिंग इज देयर, राइट, या जिमनास्टिक्स आर देयर, हाई जंप लॉन्ग जंप इज देयर, हॉर्स राइडिंग से, या सडन जॉल्ट, कोई गिर गया अचानक से, उसकी वजह से भी हाइमेन टूट सकता है। तो हाइमेन का होना या ना होना यह कोई टेस्ट नहीं है वर्जिनिटी का, राइट। तो फ्रक्टोज टेस्ट इज द पॉजिटिव, फ्रक्टोज टेस्ट इज द पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ रेप टेस्ट। बाय द वे एक यहां पे एक लाइन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव, रिमेंबर इट। सो यहां पे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको ये कही जाती है यहां पे कि रेप टेस्ट को यू नो पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ रेप टेस्ट इज व्हाट, प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में फ्रक्टोज खाली एक जगह पर मिलता है, दैट इज द सीमेन, राइट, लेकिन सीमेन आपको पता है फ्रक्टोज सीमेन में होता है और सीमेन मेल की सिक्रीशन है। अगर फीमेल के वजाइना में फ्रक्टोज की इंडिकेशन है, इट डेफिनेटली मींस दैट इजैकुलेशन हैज टेकन प्लेस इनसाइड हर, राइट। तो वो रेप टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना, वजाइनल कैनाल इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा जब बाहर आता है वो जैना और सर्विक्स से थ्रू आता है तो उसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक है बेटा, ओके। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड द वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग को हम इंट्राइटस भी कहते हैं। तो इंट्राइटस के आसपास के स्ट्रक्चर्स को हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, राइट। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूडेंडम और वुल्वा। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया एनक्लोज करता है कैविटी दैट्स कॉल्ड एज वेस्टिबुलर कैविटी, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंटेन्स लेबिया माइनोरा दैट्स कॉल्ड एज लेसर लिप्स, लेबिया मजोरा दैट्स कॉल्ड एज ग्रेटर लिप्स, ठीक है ना। पेरिनियम, ये एक बहुत ही एरोजीनस स्ट्रक्चर है जो कि वजाइना और वजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच वाला पोर्शन होता है। क्लाइटोरस, ये एक फिंगर लाइक प्रोसेस है। वेस्टिबुलर कैविटी, इसके बीच की कैविटी जो मैंने कहा था एनक्लोज करता है कैविटी ये। दिस इज मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे, दिस इज द डोम शेप विद फैटी कुशन, फैटी कुशन इसके पास होता है जहां पे प्यूबिक हेयर होता है फीमेल का, राइट, दैट्स कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस। एंड हाइमेन, हाइमेन आपको पता है अभी मैंने इसके बारे में बात की, मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, राइट। तो लेबिया माइनोरा ऑल्सो कॉल्ड एज लेसर लिप्स एंड ऑल द लोअर साइड दे फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म फोरचिट, राइट, ऐसे जहां पे नीचे मिलेंगे यहां पे फोरचिट बनता है, सो दिस इज द फोरचिट। एंड द अपर साइड दे एनक्लोज स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लाइटोरस, तो यहां पे एक फिंगर लाइक प्रोसेस बनेगा दैट्स कॉल्ड एज क्लाइटोरस। लेबिया मजोरा कॉल्ड एज ग्रेटर लिप्स एंड दे आर होमोलॉगस टू द स्क्रॉटम, राइट। ओके, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में क्या आता है, इनको बार्थोल्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। दे आर टू इन नंबर एंड आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग। अगर याद हो मैंने कहा था आपसे इफ दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, इफ यू रिमेंबर यहां से एक और यहां से एक, राइट, दे सीक्रेट म्यूकस विच लुब्रिकेट्स द वेस्टिब्यूल एंड इंट्राइटस एट द टाइम ऑफ मीटिंग। तो ये लुब्रिकेशन की लिए जरूरत है मीटिंग के टाइम पे, ठीक। लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स को हम कहते हैं स्किनीज ग्लैंड्स, राइट, और ये बहुत सारे होते हैं एंड आर सराउंडेड द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड आर होमोलॉगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहां कहीं पे होंगे तो ये होमोलॉगस किसके साथ है, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, ठीक। तो मैमरी ग्लैंड्स जो है, ये मैमरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड्स हैं और सुडोरिफरस ग्लैंड्स हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किनका है, मैमल्स का, ठीक। तो मैमरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक हार्मोन के जरिए जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, और इसको निकालने के लिए, दूध को निकालने के लिए फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स एक दूसरे हार्मोन की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, राइट, फाइन। तो अब हम दूसरे इस पे आते हैं। अच्छा हां, एक चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं। सपोज कर लो, ये मैंने और भी एक जगह पे दिखाया है लेकिन यहां पे मैं जल्दी से यहां पे दिखाना चाहता हूं। जो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस, इफ दिस इज द मेमोरी ग्लैंड, यहां पे आगे निप्पल होता है, ठीक। मेमोरी ग्लैंड डिफरेंट
लोब्स में डिवाइड होता है, उनको कहते हैं मेमोरी लोब्स, और हर लोब के पास सिक्रेटरी मशीनरी होती है जहां से जो है मिल्क सिंथेसाइज होता है, उनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक, वो एल्वियोलाई फिर डक्ट्स के जरिए इस मिल्क को आगे बढ़ाते हैं और फिर ये निपल के थ्रू बाहर आता है। ये स्ट्रक्चर हर किसी जगह पे आपको मिलेगा। ये मैंने आगे जाके एक क्वेश्चन का अलग से बनाया है, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे, मेमोरी ग्लैंड को। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट थिंग। तो डिफाइन एआरटी, व्हाट इज एआरटी? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एंड गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन आईवीएफ ईटी, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी किसको कहेंगे? अगर कोई कपल है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, कोहैबिटेशन कर रहे हैं, लेकिन 2 साल तक, और उसके बाद फिर भी फीमेल कंसीव नहीं होती है, तो हम कहते हैं ये कपल इनफर्टाइल है। और ऐसे कपल्स को इसमें फीमेल को कंसीव कराने के लिए, सो दैट दे विल बियर चिल्ड्रन, इनको मदद की जाती है टेक्नोलॉजी के जरिए, उसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आईवीएफ ईटी आता है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें गिफ्ट आता है, दैट इज गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें जिफ्ट आता है, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एंड आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सूजी आता है, सब जोनल इंसेमिनेशन। मीसा आता है, माइक्रो सर्जिकल एपिडर्मल स्पर्म एस्पिरेशन। टेसी आता है, दैट इज टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। राइट, अच्छा, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक आती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम हस्बैंड, इफ स्पर्म्स हस्बैंड से लिए जाते हैं तो आईएएच, आईएडी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फ्रॉम डोनर, और आईयूआई दैट इज इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन। ठीक, इनको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, आईवीएफ ईटी का कॉन्सेप्ट है क्या, इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोलते हैं। इन विट्रो मींस यहां पे इस टेक्निक में क्या किया जाता है, एग्स जो है ना उनको फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म्स के जरिए, लेकिन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल होता है, मैं कहता इन वाइवो, ये आउटसाइड द बॉडी है तो मैं कहता हूं इन विट्रो। ठीक, इन अ ग्लास कंटेनर, देयरफॉर इट्स आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। इसको हम आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कहते हैं। ठीक, इट इज वाइडली यूज्ड टेक्निक इन इनफर्टाइल कपल्स टू रिप्रोड्यूस, राइट, टू मेक देम हैव चिल्ड्रन। अब पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था उसका एलजे ब्राउन, लुईस जॉय ब्राउन था, और ये पैदा हुआ था कब, July 25, 1978 में इंग्लैंड में, अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ पैट्रिक स्टेप्टो एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड, राइट, और इसके लिए इनको नोबेल भी मिला गया। ठीक, अच्छा, इंडिया में पहला जो था बेबी, दैट वाज कुम हर्षा, और ये कब पैदा हो गई, 1986 5th August, एंड द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, राइट, एंड कार्ल वुड इज कॉल्ड एज द, डॉक्टर कार्ल वुड इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ आईवीएफ ईटी। ओके फाइन, अब टेक्निक क्या है, इन दिस टेक्निक फीमेल, देखो मैंने यहां पे क्यों लिखा वाइफ और डोनर, कभी क्या होता है कि फीमेल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या एग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें एक डोनर लेना पड़ता है। ठीक, तो वाइफ या डोनर जो है सब्जेक्टेड टू एफएसएच एनालॉग्स, एज अ रिजल्ट मल्टीपल ग्राफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन द ओवरीज। तो अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत सारे एग्स हम हासिल कर सके इस फीमेल से, तो इसलिए हम क्या करते हैं एफएसएच एनालॉग्स दे देते हैं, तो बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक, इट इज फॉलोड बाय इंजेक्शन ऑफ 5,000-10,000 इंटरनल यूनिट्स ऑफ एचसीजी। अब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि एचसीजी हार्मोन, मैंने आपको इससे पहले कहा ये एलएच की तरह एक्ट करता है, और ये भी कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि एलएच एक ओवुलेटरी हार्मोन है। जब एलएच ओवुलेटरी हार्मोन है तो एचसीजी भी वही काम करेगा ना, तो क्या करेगा, मल्टीपल ओवुलेशन। मैं मल्टीपल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल्स वहां पे है, तो सभी ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करेंगे, मल्टीपल ओवुलेशन। ये देखिए लिखा हुआ है मल्टीपल ओवुलेशन विद इन 42 आवर्स, राइट, लेटर ऑन एग्स आर कलेक्टेड, उसके बाद एग्स को कलेक्ट करोगे बाय ट्रांसवजिनल ओसाइट रिट्रीविंग टेक्निक। दिस प्रोसीजर इज डन विद इन 20 मिनट्स एंड नियरली 10-30 एग्स आर कलेक्टेड। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अब एक एग आपके पास होगा
तो एक एम्ब्रियो अगर बन गया तो ये भी हो सकता है यू विल लूज इट इन द प्रोसेस, राइट। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द चांसेस ऑफ सक्सेस ग्रेटर, हम लोग रिट्रीव करते हैं ज्यादा से ज्यादा एग्स, राइट। स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर, अगेन यहां पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हस्बैंड कभी अबनॉर्मल उसके स्पर्म्स होंगे जो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे फीमेल को, तो इस वजह से हमें एक हेल्दी डोनर की जरूरत पड़ती है। तो वही मैंने लिखा, अगर हस्बैंड नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो डोनर से ले लो, ठीक। बोथ स्पर्म्स और ओवा आर प्लेस्ड इन अ कल्चर मीडियम इन द रेशियो ऑफ 75:1 एंड फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स विद इन 18 आवर्स, ठीक, एंड मल्टीपल जाइगोट्स आर ऑब्टेन। सीधी सी बात है, तो एक से ज्यादा जाइगोट बनेंगे क्योंकि एग्स है बहुत सारे वहां पे। जाइगोट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द एंडोमेट्रियल कोकल्चर मीडियम वेयर दे डिवाइड एंड बिकम 8 सेल्ड और 16 सेल्ड स्टेज, ठीक। अब जाइगोट आपको पता है डिवाइड करेगा और ये अब एम्ब्रियो ओवरी एम्ब्रियो बनाएगा, वो 8 सेल्ड स्टेज भी हो सकता है और 16 सेल्ड स्टेज भी हो सकता है। जाइगोट्स आर स्क्रीन्ड, स्क्रीन मतलब इनकी टेस्टिंग होती है बाय अ टेक्निक कॉल्ड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद 2 से 3 एम्ब्रियोज को इम्प्लांट किया जाता है इन वाइफ या सरोगेट मदर। आपको पता है कोई फीमेल ऐसी होती है वो बोलती है कि नहीं मैंने एग्स प्रोवाइड किए लेकिन बच्चा पलना चाहिए दूसरे किसी के वूम में, राइट, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेड कैथेटर फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, फाइन। इफ अर्ली एम्ब्रियो इज 8 सेल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इफ अर्ली एम्ब्रियो इज 8 सेल, अगर एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज पे है देन इट इज इम्प्लांटेड इन फेलोपियन ट्यूब and the technique is called as ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer. और अगर early embryo 16 cell stage पे है तो इसको implant किया जाएगा uterus में, और इस technique को हम कहते हैं intrauterine transfer, right? और success rate IVF का कितना है बेटा, 20%। इसका मतलब zygote को fallopian tube में डालना है या uterus में डालना है, ये किस पे depend करेगा, cell नंबर पे। अगर सेल स्टेज 16 सेल है तो यूट्रस में डाल दो, अगर 8 सेल है तो फेलोपियन ट्यूब में। अकॉर्डिंगली या तो ये आईयू इंट्रायूटरिन ट्रांसफर आईयूटी होगा या तो ZIFT होगा, या तो आईयूटी होगा या तो ZIFT होगा, दैट इज जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज में आप सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ध्यान से देखिएगा। हनी बीज जो है इनमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है इसमें जैसे ह्यूमंस में XX और XY आपका सेक्स बताता है, अगर आपके पास XX क्रोमोजोम्स है तो आप फीमेल हैं, अगर आपके पास XY क्रोमोजोम है तो आप मेल हैं, राइट। ऐसा कुछ हनी बीज में नहीं होता। हनी बीज में क्या होता है, इनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन मेल और फीमेल सेक्स बनाता है। जैसे अगर एक हनी बी के पास सपोज की करेंगे एक हनी बी है और इसके पास ध्यान से सुनिएगा बेटा 32 क्रोमोजोम्स है, तो ये हो सकता है ये 32 क्रोमोजोम वाला यानी कि डिप्लॉइड ये फीमेल होती है, और अगर 16 क्रोमोजोम्स है यानी कि हैप्लॉइड ये मेल होता है। आर यू गेटिंग मी, जो मेल होता है हनीबी का इसको हम ड्रोन कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रोन, राइट। और फीमेल जो है, अब ध्यान से सुनेगा बेटा, ड्रोन मेल और यहां पे 32 क्रोमोजोम वाला फीमेल, जो ड्रोन है मेल है ये क्या करता है, ये स्पर्म्स बनाता है, क्या बनाता है, सपोज दिस इज अ स्पर्म, ये स्पर्म बनाएगा क्योंकि पता है मेल स्पर्म बनाता है, लेकिन स्पर्म जिस प्रोसेस से बनाता है ये, दैट प्रोसेस इज माइटोसिस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेल हनी बी जो है उसको ड्रोन कहा जाएगा और वो माइटोसिस के जरिए स्पर्म्स बनाती है। अब माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर चेंज नहीं होता है तो स्पर्म्स के अंदर क्रोमोजोम नंबर 16 आ गया। सिमिलरली जो फीमेल है यहां पे, फीमेल है यहां पे, ये मियोसिस करती है, क्या करती है बेटा, मियोसिस, और जब मियोसिस करेगी तो मियोसिस के दौरान आपको पता है यहां पे जो एग्स बनेंगे, जो एग्स बनेंगे, तो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, तो एग्स जो बनेंगे वो डिप्लॉइड नहीं होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। तो 16 क्रोमोसोम्स, राइट, आर यू गेटिंग मी। नाउ दूसरी चीज आप याद रखोगे बेटा, जो फीमेल्स होते हैं ना, इनके फीमेल्स ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है वर्कर और एक होती है सिंगल बड़ी सी क्वीन। रिमेंबर वर्कर जो है स्टेराइल होता है, ये मेट नहीं कर पाता, और क्वीन जो है ये फर्टाइल होती है,
मतलब जितनी भी अब इसके बच्चे बनेंगे वो फर्टाइल क्वीन बनाएगी। क्वीन क्यों क्वीन बनती है? क्योंकि ये फीड करती है ऑन रॉयल जेली। ठीक, फाइन। अब इनमें क्या होता है, नसी हनीबीज में कैसे सेक्स डिटरमिन होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। कोई एग ऐसा होता है इस फीमेल क्वीन के पास जो डायरेक्टली डेवलप होता है इनटू ड्रोन। ध्यान से सुनेगा, एक एग ऐसा है फीमेल के पास जिसको फर्टिलाइजेशन नहीं होती। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एग डायरेक्टली ड्रोन बनाता है, तो ड्रोन के पास 16 क्रोमोसोम्स है क्योंकि एग के पास 16 क्रोमोसोम्स है, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस एक कंडीशन है जहां पे जो फीमेल है, जो फीमेल क्वीन है, यहां पे जो फर्टाइल होती है, वो अपने एग को डायरेक्टली ड्रोन बना देती है विदाउट फर्टिलाइजिंग द एग। तो उसकी वजह से मेल बना। अगेन मेल इसलिए बना, ड्रोन इसलिए बना क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कितना है? 16। लेकिन ये इस क्वीन की मर्जी है, ये किसी एग को क्या करेगी, किसी एग को फर्टिलाइज करवाएगी स्पर्म के साथ। मतलब जो ड्रोन होता है, दिस इज मेल एंड इट इज फर्टाइल। तो याद रखिए बेटा, सारी फीमेल्स फर्टाइल नहीं होती, खाली क्वीन फर्टाइल होती है, बाकी स्टेराइल होते हैं वर्कर्स। लेकिन मेल्स फर्टाइल होते हैं, उनको ड्रोन्स कहते हैं। दूसरी चीज, ड्रोन हमेशा 16 क्रोमोसोम्स रखता है और फीमेल हमेशा 32 क्रोमोसोम्स रखती है, चाहे वो क्वीन हो चाहे वो वर्कर हो। ठीक, अब यहां पे क्या होता है जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये रहा एग, इसके 16 क्रोमोसोम्स, ये रहा स्पर्म, इसके 16 क्रोमोसोम्स। बताइए बेटा 16 प्लस 16 कितना होता है? 32। तो दैट मीन जो जायगोट बना, इसके पास 32 क्रोमोसोम्स हैं। नाउ टेल मी, अगर इसके पास 32 क्रोमोसोम्स हैं तो मुझे बताइए बेटा ये मेल बनेगा कि ये फीमेल बनेगा? सो इट विल बी ए फीमेल। तो इसका मतलब यह है कि जब इस क्वीन को फीमेल बनाना होता है तो यह अपने एग्स को फर्टिलाइज करवाती है बाय द स्पर्म्स ऑफ ड्रोन्स और वहां पे फीमेल बनती है। तो अब डिपेंड करेगा यह फीमेल बाद में वर्कर बनती है या यह फीमेल आगे जाके क्वीन बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि इसका फीडिंग पैटर्न क्या होगा, यह रॉयल जेली कंज्यूम करती है या नहीं करती है। फाइन, तो यह है आपका मैकेनिज्म of sex determination in honey bees. Is this okay? तो honey bees में haploid, male haploid होता है while female diploid होता है। देखिए ये वही है जो मैंने आपको समझाया है, उसी का English यहां पर लिख के है, इसको अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है, right? तो देखिए बेटा ये फीमेल हो गया, मेल हो गया, यहां पे देख सकते हैं हैप्लोइड हैप्लोइड, राइट, मियोसिस के जरिए एग्स जो बना, ये और ये। अब देखिए ये डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो ये ड्रोन बनेगा, और यहां पे ये हैप्लोइड एग जो है इस हैप्लोइड स्पर्म के साथ मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगी तो 2N बनता है डिप्लॉइड, दिस इज फीमेल, राइट। ओके, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड व्हाई इज कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इससे हमें जेनेटिक कंपोजिशन और बेस सीक्वेंस पता चला ह्यूमन जीनोम का, और यहां पे इस ह्यूमन जीनोम को कंप्लीशन के लिए बहुत टाइम लगा। आपको पता है ये लगभग स्टार्ट हुआ 1990 में और लगभग इसको डिक्लेयर किया कंप्लीट 2003 में। हालांकि क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंस है वो मई 2006 में कंप्लीट हो गई, लेकिन इसको डिक्लेयर किया गया मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन 2003, राइट। तो इसमें क्या है, द कंप्लीशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बाय डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, ब्रेक थ्रू था बायोलॉजी में और मेडिसिन में। इसके बाद एक प्रोसेस, एक एरिया स्टार्ट हो गया, उस एरिया का नाम है बायोलॉजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, अब इसके फीचर्स क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहला ये था कि इसमें आपको पता चला कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, दैट इज ऑलमोस्ट 3 बिलियन बेस पेयर्स, 3 बिलियन, राइट। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, ठीक, लेकिन साइज वैरी कर सकता है। सबसे बड़ा जीन जो है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रोपिन जीन, और उसके पास 2.4 मिलियन बेस पेयर्स हैं। ठीक, इसी तरीके से SRY जीन या TDF जीन, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर या सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, इसमें ओनली 14 बेस पेयर्स है, तो यह सबसे छोटा वाला जीन होगा। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड
30,000. इससे हमें पता चला कि खाली 30,000 जीन्स है, हालांकि पहले प्रीवियस एस्टिमेट्स में पता चला था कि 80,000 to 1,40,000 जीन्स होते हैं. ठीक. अच्छा, और एक चीज पता चली कि ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल, यू नो इट. ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑफलाइन भी हमने इसको डिटेल में देखा है. ठीक है ना. तो अच्छा, जितने भी जीन्स डिस्कवर हुए हैं 50% ऐसे हैं जिनका हमें फंक्शन पता नहीं है, अननोन फंक्शन है. इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन पता नहीं है, मतलब इसका फंक्शन है नहीं, मतलब हमें पता नहीं है. राइट. लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स. राइट. ओके. रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. आपको पता होगा कि देयर आर रिपीटिंग सीक्वेंस. आपने VNTR के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, आपने वो पढ़ा था. आपको पता है वो रिपीटिंग सीक्वेंसेस होती है. राइट. तो ये रिपीटेड डीएनए भी बहुत ज्यादा होता है. रिपीटेड सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम्स हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स. दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक्स एंड एवोल्यूशन. ओके. क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मोस्ट जीन्स 2968 एंड वाई क्रोमोसोम हैज फिवेस्ट जीन्स 231. ये हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला. ठीक. तो Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences are there. इनको हम SNPs बोलते हैं. भी हम उसको पढ़ते हैं SNPs, लिखते हैं SNPs. ये SNP क्या होता है? Single difference होता है इसमें, बेस में, न्यूक्लियोटाइड में. तो हर 300 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद ये अक्सर होता है. एवरी 300 न्यूक्लियोटाइड्स ये रिपीट होता रहता है. ठीक. और इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जेनेटिक डिजीजेस के बारे में, जहां पे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी डिजीज में, उनके बारे में SNPs हमें एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देते हैं. इसके अलावा हमें पता चलता है ये जब हम ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है रोल इसका. अच्छा, गोल्स इसके क्या थे? सबसे पहले तो हर किसी जीन को, जितने भी जीन्स लगभग 30,000-25,000 जीन, इनको आइडेंटिफाई करना, इनकी सीक्वेंस देखना. ठीक. डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स. राइट. 3 बिलियन जो आपके पास केमिकल बेस पेयर्स है उनकी सीक्वेंस देखना. इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डेटाबेस में. राइट. अच्छा, उसके बाद इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. उसके बाद जो डेटा है ना, सिर्फ इसको देखो, इसको सिर्फ स्टोर नहीं करना है, बाद में इसको ट्रांसफर भी करना है, इसको एनालिसिस भी करनी है, इसको दूसरे फील्ड्स में अप्लाई भी करना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन चीजों की करनी है, हॉर्मोन्स बनाने हैं, एंजाइम्स बनाने हैं, वो सब चीजें इससे हमें पता चलेगी. ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स, वही मैं बोल रहा था. अच्छा, एलसाई. एलसाई मींस एड्रेस करना एथिकल लीगल सोशल इश्यूज. आपको पता है जेनेटिक्स के बारे में एक प्रॉब्लम है, इसमें काफी ज्यादा एथिकल लीगल सोशल इश्यूज अराइज होते हैं. तो इन प्रोजेक्ट से जितने भी इश्यूज अराइज होंगे उनको सक्सेसफुली एड्रेस करना चाहिए और पब्लिक सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अनएथिकल इसमें कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए. वही चीज होनी चाहिए जो बेनिफिट करेगी ह्यूमैनिटी इन द होल इन द लार्जर पर्सपेक्टिव. राइट. ओके, फाइन. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंसीडर्ड टू बी ए मेगा प्रोजेक्ट. इसको मेगा इसलिए कहा गया क्योंकि लगभग $9 बिलियन इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आया था. अगर $3 हम हर बेस के ऊपर लगा दें सीक्वेंस करने के लिए तो $9 बिलियन इसका एस्टिमेट बनता है. ठीक है. अच्छा, ये सबसे पहले इनिशिएट किया था किसने? यूएस ने, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. यू नो, यू मे बी नोइंग इट. और उसके बाद यूएसए के बाद यूके का वेलकम ट्रस्ट आया, उसने इसमें कंट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट कर दिए. इसके अलावा जापान आया, उसने कंट्रीब्यूट किया, चाइना ने कंट्रीब्यूट किया, शबाश. इसी तरीके से फ्रांस ने कंट्रीब्यूट किया और जर्मनी. तो ये कुछ डेवलप्ड कंट्रीज थी जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपने फाइनेंशियल और बाकी मैन पावर जो प्रोवाइड किया. राइट. तो बिकॉज इट हैड अ साइंटिफिक स्पेसिफिक गोल टू सीक्वेंस एवरी बेस पेयर प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम, इट टुक अराउंड 13 years for its completion and got accomplished in the year 2006. Actual में इसको declare किया complete 2003 में, लेकिन chromosome number 1 की sequence complete हुई 2006 में, इसलिए हम यहाँ पे 2006 लिखेंगे. It was a large scale project which aimed at developing new technology and generating new information in the in the field of genomic studies. As a result of it, several new areas of avenue have opened up in the field of genetics, biotechnology and medical sciences. Particularly किन न्यू एरियाज की बात कर रहा है बेटा? आप लिखेंगे ये नए एरिया की बात कर रहा है जिसको हम कहते हैं बायो इनफॉर्मैटिक्स. राइट. तो अब हम आते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे. व्हाट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग?
चलो बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये टेक्निक क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। देखिए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए, इसको क्यों बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपको पता है जिस तरीके से फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, राइट, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं एक पर्सन के स्पेसिफिक होते हैं, उसी तरीके से डीएनए में कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है और वो सीक्वेंस जो है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्ट होती है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां पे क्या है, हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वही वेरिएशंस को एनालाइज करते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल, सो दैट यू विल बी एबल टू यू नो सी द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई कर सकोगे एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द वेरिएशन इन वेरियस इंडिविजुअल्स एट द लेवल ऑफ डीएनए। इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी एंड, देखिए यहां पर लिखा है वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेज। तो डीएनए सीक्वेंसेज में वेरिएबिलिटी होता है, यू नो एक से दूसरे में वेरिएशंस होंगे और वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस एक्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म, राइट। ओके, तो सबसे पहले ये सर एलेक्स जेफरीज ने किया था 1984 में, जिनने फंडामेंटल प्रिंसिपल इस टेक्निक के देखे थे और इन्होंने स्टडी किया था द जीन फॉर मायोग्लोबिन। ओके फाइन, तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, देखिए जो कॉन्सेप्ट है इस चीज का वो ये है कि अगर आपके पास डीएनए है, ओके आई विल मेक इट इन दिस कलर, अगर आपके पास डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड पे सीक्वेंसेस कुछ ऐसी होती है जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं वीएनटीआरस, दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। और ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या है, हमें इनको आइडेंटिफाई करना है और बाद में इनका पैटर्न देखना है जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस डीएनए मॉलिक्यूल पे कट मारते हैं। वी डाइजेस्ट दिस डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज वी कट दिस डीएनए मॉलिक्यूल और इसको हम इंडिविजुअल यू नो फ्रेगमेंट्स बनाते हैं इसके, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो ये इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स है इस डीएनए मॉलिक्यूल के, इन फ्रेगमेंट्स को हम अलग अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसकी मदद से मैं इन फ्रेगमेंट्स को जो डीएनए मैंने निकाला है फ्रॉम सैंपल डीएनए, सेल से निकाला है मैंने, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ह्यूमन बींग के जो है स्किन सेल से आपने डीएनए निकाला है, राइट। तो उस सेल से जब मैं न्यूक्लियस से डीएनए निकालूंगा बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, रेफ्रिजरेटेड हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, तो फिर वो डीएनए जो है उसको मैं डाइजेस्ट करूंगा विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और अगर डीएनए मेरे पास कम है तो मैं पीसीआर के जरिए उसका क्वांटिटी बढ़ाता हूं, एम्पलीफाई करता हूं अगर डीएनए क्वांटिटी कम है। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डीएनए है तो मैं इस डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ूंगा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तो डाइजेशन होगी डीएनए की और इन पीसेस को, इन फ्रेगमेंट्स को मैं एक एग्रोस जेल पे सेपरेट करूंगा। और यहां पर होता क्या है, हम एक एग्रोस जेल ऐसे लेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में, इसमें आपको पता है यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, किस पे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पे वायल्स है छोटे छोटे जिनमें मैंने ये डाइजेस्टेड डीएनए डाला हुआ है, राइट। आई हैव लोडेड द डाइजेस्टेड डीएनए इन दीज वायल्स और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं। आपको पता है डीएनए पे चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो है वो मूव करते हैं ऑन दिस एग्रोस जेल, और एग्रोस जेल जो है ये सील की तरह एक्ट करता है और जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो इस वेल के पास रहेगा और जो इससे छोटा फ्रेगमेंट है वो आगे जाएगा और सबसे छोटा फ्रेगमेंट जो है वो बिल्कुल आगे जाएगा। दैट मींस इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है, जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है अलग अलग होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक, बाय द सीरिंग इफेक्ट ऑफ द एग्रोस जेल। जो एग्रोस जेल आप यूज करते हो इसमें, ये एक्चुअली हमें मिलता है किससे, सीवीड से, ये सीवीड से हमें हासिल होता है, इट्स अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, राइट। तो ये एग्रोस जेल का सीरिंग इफेक्ट छानी की तरह काम करता है और इनको, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज जो है अलग अलग करेगा, जो जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो नीचे रहेगा और छोटा फ्रेगमेंट जो है आगे की ओर जाएगा, इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं इन फ्रेगमेंट्स को
ठीक है ना, आपको पता है डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट करना पड़ता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। इसके लिए हमें अल्कलाइन केमिकल्स की का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, इसका हमें इस्तेमाल करके डबल स्टैंडर्ड इन मॉलिक्यूल्स को डबल स्टैंडर्ड इन फ्रेगमेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे दैट वी हैव यू नो स्प्लिट डीएनए फ्रेगमेंट, बीच में से इसको काट देंगे सो दैट दो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड्स वहां पे हमें मिलेंगे, राइट। अब देखिए यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब मैं अब इन फ्रेगमेंट्स को जो मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाए, ठीक है ना, अब इनको ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, अंडरस्टैंड दिस, इनको मैं अब इनमें से इन फ्रेगमेंट्स में से मुझे एक फ्रेगमेंट को तलाशना है जिस फ्रेगमेंट का नाम है VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। देखिए बेटा ये VNTRs जो है ना, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ये हर किसी इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं, इनका पैटर्न भी डिफरेंट होता है, नंबर भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना, इन्हीं को हमें ढूंढना है, इसी का पैटर्न हमें ढूंढना है एग्रोस जेल पे, ठीक। तो इन VNTRs को ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक छोटा सा डीएनए सीक्वेंस सिंथेटिक अलग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करता हूं, जिसका सीक्वेंस बेस का सीक्वेंस मेरे इस VNTR, सपोज कर लो ये VNTR है, इस VNTR के सीक्वेंस के साथ कंप्लीमेंट्री होगा, ठीक। दैट मींस जब मैं इन सिंगल स्ट्रैंडेड VNTRs के ऊपर अब मेरा ये सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड डाल देता हूं, जिसका मैं नाम रखता हूं प्रोब, मैं क्या इसका नाम रखता हूं बेटा प्रोब। प्रोब क्या करता है कि इस प्रोब के ऊपर रेडियो एक्टिव डाई डाला जाता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डाला जाता है, जो के बाद में जब इसके साथ बाइंड होगा, अब मेरा ये प्रोब इसके साथ, इस VNTR के साथ बाइंड होगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो इसका मतलब यह है कि मेरा यह प्रोब जो है, नाउ सी अंडरस्टैंड दिस, मेरा यह प्रोब जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसके साथ जो रेडियो एक्टिव डाई है, रेडियो एक्टिव डाई जो है इसके साथ, वो भी इसके साथ अब समझो जुड़ गया। दैट मींस अब ये रेडियो एक्टिव डाई जो है आगे जाके मुझे लोकेशन बताएगा कि मेरा VNTR कहां कहां पे है, राइट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, यह तो ठीक है कि हमने प्रोब लगा दिया, हमने इस पर रेडियो एक्टिव डाई वो एड कर दिया, हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक प्रोसीजर यहां पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग, व्हाट इज दिस साउदर्न ब्लॉटिंग? साउदर्न ब्लॉटिंग मतलब क्या होता है? ये आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस का टैंक जिसमें एग्रोस जेल आपने यूज किया, और ये रहे डीएनए के फ्रेगमेंट्स, सपोज कर लो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स, राइट, डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब मैं क्या करता हूं, इन फ्रेगमेंट्स को एनालिसिस के लिए, इनसे रिजल्ट हासिल करने के लिए, आगे का प्रोसेस बढ़ाने के लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, मुझे इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक मेम्ब्रेन के ऊपर उठाना पड़ेगा, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं नाइलन मेम्ब्रेन, राइट, नाइलन मेम्ब्रेन, या इसको मैं कहता हूं नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन, ठीक, नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन। अब यहां पे जो मैंने ये एग्रोस जेल यूज किया है, इस पे मैं अपने रिजल्ट्स को एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में इसको पिक्चर या फोटोग्राफ नहीं वैसे ले सकता एनालिसिस के लिए, तो मुझे उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक नायलन मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पे। तो ये मैं कैसे करता हूं, मैं ये नायलन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन जो है इस एग्रोस जेल के ऊपर डाल दूंगा, सो दैट ये जो इस पे VNTRs लगे हुए हैं, VNTRs वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स डीएनए के, वो हमारे इस नायलन मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे, दे विल कम ऑन दिस नायलन मेम्ब्रेन, राइट। फिर बाद में मैं काम एक कर सकता हूं, मैं प्रोब जो है उसका इस्तेमाल करूंगा इस पे, सो दैट प्रोब इसके साथ अटैच हो जाए। उसके बाद जब मैं एक फिल्म इसके ऊपर डाल दूंगा और फिर एक्सरे एक्सपोजर करूंगा उस फिल्म का,
तो जहां जहां पे मेरा प्रोब अटैच होगा डीएनए के साथ, दैट मीन जहां जहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी वहां वहां पे एक पैटर्न आएगा, वहां वहां पे डार्क कलर का बैंड नजर आएगा और वो होगा मेरा वेन टीआर, राइट? तो दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं, कैन आई से लाइक दिस, नाउ सी अंडरस्टैंड दिस, कैन आई से लाइक दिस, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पे अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सीक्वेंशियल स्टेप्स देखूं, व्हाट आर द सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट? सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा ना, सोर्स ऑफ डीएनए। जरा बेटा, सोर्स ऑफ डीएनए मतलब क्या हो गया, कि सोर्स ऑफ डीएनए मतलब हो गया कि आप किस सेल से डीएनए ले रहे हो। नंबर सेकेंड, सोर्स ऑफ डीएनए से मैंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तो दैट मींस दूसरा पॉइंट मेरा एक्सट्रैक्शन आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ये डीएनए में सेल से कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, कि मैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा इस सेल की, राइट? उसके बाद क्या होगा कि अगर ये डीएनए कम है तो मैं डीएनए का कंटेंट बढ़ाऊंगा, तो दैट इज डीएनए एम्प्लीफिकेशन, दैट इज डीएनए एम्प्लीफिकेशन। मतलब मैं पीसीआर यूज करूंगा यहां पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और डीएनए का कंटेंट बढ़ाऊंगा, राइट? सो दैट कि अगर मेरे पास कम डीएनए है वो कभी मैं लॉस कर सकता हूं, लूज कर सकता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी मेरे पास ज्यादा हो, राइट? फोर्थ, उसके बाद मैं इस डीएनए, बहुत लंबा है, मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, राइट? उसके बाद मैं क्या काम करता हूं, फ्रेगमेंटेशन के बाद मुझे हर कोई फ्रेगमेंट जरूरत नहीं है, मुझे खाली सेपरेट करना है एक छोटा सा फ्रेगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज वीएनटीआर। तो सेपरेशन ऑफ VNTR, तो मैं सेपरेट करूंगा VNTR को। VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, और उसको सेपरेट करने के लिए क्या है हमारे पास, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डिफरेंट लेंथ्स ऑफ डीएनए सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, रिमेंबर इट, राइट? उसके बाद मैं क्या करता हूं, सेपरेशन जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स की करेंगे, अब मुझे अपना वीएनटीआर अलग निकालना है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं अब इस वीएनटीआर को जो डबल स्ट्रैंडेड है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, राइट? तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोड्यूस करूंगा, और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, आई विल यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि केमिकल्स जो हमारे पास बेसिस है वो यूज करेंगे, राइट? अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं एक प्रोसीजर करता हूं, उस प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो ये वीएनटीआर्स है उनको ट्रांसफर करना पड़ता है, मेरा जो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है यहां पे, जिस पे ये डीएनए फ्रेगमेंट्स लगे हुए हैं, इनको मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा एक दूसरे मेम्ब्रेन पे, और ये मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, या तो ये नायलॉन का बना हुआ होगा, या तो ये नाइट्रो सेलुलोज का बना हुआ होगा, राइट? और ये प्रोसेस सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने की थी, उस साइंटिस्ट का नाम था बेटा ईएम साउदर्न, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने इस प्रोसेस का नाम रखा साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक, राइट? तो साउदर्न ब्लॉटिंग से हम ट्रांसफर करेंगे वीएनटीआर को किसके ऊपर, शबाश, मेरे इस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट? ओके, फाइन। तो इसके बाद साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद मैं क्या करूंगा, मैं डीएनए प्रोब्स डिजाइन करूंगा लैब में। तो डीएनए प्रोब क्या होता है, डीएनए प्रोब होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, राइट? और ये सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है, इसमें नॉन नाइट्रोजिनस बेसिस होती है, और ये छोटा सा इसके ऊपर रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव आप जो है सेगमेंट इसको बनाते हो, सो दैट व्हेन इट गेट्स अटैच्ड विद द वीएनटीआर, तो वहां पे रेडियो एक्टिव जो उसके ऊपर आपने केमिकल लगाया हुआ है, उसकी वजह से ये आपको लोकेशन बताएगा वीएनटीआर की। तो जब ये वीएनटीआर के साथ मिलेगा तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा, आपका जो वीएनटीआर है आपके प्रोब के साथ चिपक जाएगा,
ठीक राइट। तो उसके बाद जब आपने प्रोब डाला तो नायलन मेम्ब्रेन के ऊपर जहां जहां आपका वीएनटीआर होगा वहां वहां आपका प्रोब अटैच हो जाएगा और ये आपको एक डेफिनेट पैटर्न देगा और उस पैटर्न को आप देख सकते हो। लास्ट में जब आप एक्सपोज करोगे आप एक फिल्म डाल दोगे इसके ऊपर, इस नायलन मेम्ब्रेन के ऊपर फिल्म डाल दोगे तो फिर एक्सपोज करोगे उसको एक्सरे एक्सरे की ओर और जहां जहां पे आपका वीएनटीआर होगा जहां जहां पे आपका वीएनटीआर होगा वहां वहां पे एक डार्क बैंड नजर आएगा, ठीक है ना। सो लाइट एंड डार्क बैंड्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर वीएनटीआर। तो वो पैटर्न आप आराम से देख सकते हो, ठीक। तो वही है आप बाकी आप आराम से इसको इसमें देख सकते हो, राइट। ये सेम वही मेथड लिखा है, यू कैन जस्ट गो थ्रू द थियरी एंड यू कैन सी इट, राइट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो अब एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशन ये है, सबसे पहली एप्लीकेशन तो ये है दैट इज यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंसेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्रिमिनल्स, राइट। तो दैट मींस अगर कोई 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 यू नो कोई क्रिमिनल इवेड करना चाहता है क्राइम को, बट ही कैन बी ब्रिंग ब्रॉट टू द टास्क बाय दिस, राइट। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड फैमिली रिलेशंस। आपको पता है वीएनटीआर जो है उनका पैटर्न जो है वो इनहेरिट होता है मां से भी और बाप से भी, तो उसकी वजह से आप फैमिली रिलेशंस देख सकते हो। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द कमर्शियल वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, ठीक। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रेस आउट द लिंकेजेस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये तो हमें पता ही है, वी नो इट, राइट। चलिए अब राइट राइट ब्रीफली अबाउट सिकल सेल एनीमिया। चलो बेटा सिकल सेल एनीमिया को पहले मैं थोड़ा सा यहां पे थ्योरी के हिसाब से समझाता हूं, ये है क्या सिकल सेल एनीमिया। आपको पता है यू नो आरबीसी ऐसे सर्कुलर बाइकनकेव होती है, लेकिन इस डिजीज में सिकल सेल एनीमिया में जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, इसमें जो आरबीसी का शेप है वो ऐसे सिकल शेप्ड हो जाता है। अब आप बोलोगे इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और दूसरी चीज ये सिकल शेप्ड आरबीसी है ये कैपिलरीज के थ्रू इजीली पास नहीं हो पाता है। इसलिए होता क्या है, जो ये सिकल शेप्ड आरबीसी है ये कभी ऐसे क्लॉग हो जाती है, फंस जाती है किन में, कैपिलरीज में, क्लॉटिंग अंदर से क्लॉगिंग हो जाती है, तो ये ब्लॉक कर देगा इस कैपिलरी को। बहुत सारी जब आरबीसीज ऐसे आएंगी तो जो कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती है। सपोज कर लो ये कैपिलरी है माइक्रोसर्कुलेशन किसी वाइटल ऑर्गन की है, फॉर एग्जांपल जैसे किडनीज की है तो, या ब्रेन की है, या लिवर की है, या किसी और जगह की है, स्प्लीन की है, तो दैट मींस जो ब्लड सप्लाई है टुवर्ड्स दिस वाइटल ऑर्गन इट विल बी रिड्यूस्ड एंड पीपल विल सफर विद दिस, राइट। लेकिन इसका एक इस सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली क्या होता है, इस सिकल सेल एनीमिया में डिफेक्ट कहां पे होता है, आपको पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसके पास अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स होती है, तो बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन की है वहां पे क्या होता है, आपको पता है इस चेन के ऊपर अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो जब आप अमीनो एसिड नंबर 6 पे पहुंचते हो दैट शुड बी ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो यह एक जेनेटिक डिफेक्ट है, उस जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से एक पॉइंट म्यूटेशन हो गई है जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड नहीं होता है बल्कि इसकी जगह पे होता है वैलीन। इसकी जगह पे क्या होता है, वैलीन। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह के वैलीन आने की वजह से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्ट होता है, जब हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्ट हो गया तो उसकी वजह से आरबीसी सिकल शेपर बन जाती है। एक्चुअली में क्या है, आपको पता है ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये रिपल्शंस क्रिएट करता है, जब लो ऑक्सीजन टेंशन होता है तो रिपल्शंस क्रिएट करता है, हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्ट होने से बच जाता है। लेकिन वैलिन आपको पता है उसमें यह चीज नहीं होती, तो इसलिए रिपल्शंस वहां पर नहीं हो सकते हैं और हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्ट हो जाता है, शेप ऑफ आरबीसी चेंज होता है, उसको कहते हैं टैक्टॉइड फॉर्मेशन, ठीक। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट पुट इट सिंपली that it is a recessive hereditary disorder of autosomal nature, that means ye autosome ke upar present hota hai, theek। It's caused by mutation of a gene controlling beta chain of hemoglobin, maine aapko bola this gene is located on chromosome number 11, the mutated gene is called as HBS, theek। To normal for example hai HBA aur jo defected gene hai that is HBS, right। The wild type is known as HBA, theek। Okay, the HBS causes one chain in amino acid sequence of beta chain which replaces glutamic acid at position number 6 by amino acid valine, wo maine bola na aapko। To hemoglobin kya hota hai, ये बिहेव करता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट अंडर
कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो या हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, या आपको ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है बॉडी का तो दैट मींस ऑक्सीजन डिप्राइव हो रहा है आपका बॉडी, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऑक्सीजन स्ट्रेस रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मैंने अभी आपसे कहा डिस्टॉर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम सर्कुलर टू स्क्रिल शेप्ड, राइट। तो मैंने कहा ना आपको आरबीसी ऐसे बाइकनकेव सर्कुलर होती है तो ये स्क्रिल शेप्ड ऐसे बन जाती है। दीज आरबीसी रिजल्ट इन क्लॉगिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एनीमिया, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनी, स्प्लीन, राइट। तो वो प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, लेकिन इससे एक फायदा भी है। फायदा क्या है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखिए बेटा, फायदा इसमें ये है, सपोज कर लो जो कोई इंसान उस एरिया में रह रहा है जहां पे मलेरिया की टेंडेंसी ज्यादा है, मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा है, आपको पता है वहां पे होगा जहां पे शबाश मस्किटोज ज्यादा होंगे, राइट। और आपको पता है मस्किटोज ज्यादा कहां पे, ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, इक्वेटर के आसपास, राइट, ह्यूमिड कंडीशंस होती है वहां पे। तो अब क्या होता है, जिन एरियाज में मलेरिया होता है वहां पे अगर कोई हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल है, हेटेरोजाइगोट मींस जिसका एक जीन नॉर्मल होगा दूसरा डिजीज्ड होगा, इफेक्टेड होगा, उसमें क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल जो है वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आरबीसीज में ये मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां पे कार्बन मोनोक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है कभी, तो उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पैरासाइट्स आर अनेबल टू फीड एंड मल्टीप्लाई इनसाइड एचबीएस कैरिंग आरबीसीज, फाइन। तो ये हमने देख लिया, वी हैव सीन दिस थिंग। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर एंटीबॉडीज एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, राइट। चलिए हम पहले देखते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। देखिए बेटा, एंटीबॉडी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपने मेरे पास इम्यूनोलॉजी में पढ़ा ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट, बेसिकली ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए बेटा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आपको पता है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में प्रोडक्शन होगा एंटीबॉडीज का, कैसे, जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में जाता है उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का आता है और वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। हर किसी एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है, हर किसी यू नो एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो स्पेसिफिक उसी को मारती है, राइट। तो अब एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक मॉलिक्यूल है, एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, और वहां पे आप देख सकते हो, देखिए बेटा इसमें दो चेन्स होती है, ये बड़ी सी जो है आप देख सकते हो दो चेन्स है और छोटी सी दो चेन्स है, तो इन छोटी चेन्स को हम लाइट चेन्स कहते हैं, एल चेन्स कहते हैं, बड़ी चेन्स को हम एच चेन्स कहते हैं। तो दो छोटी दो बड़ी, दैट मीन्स इट विल बी H2L2, राइट, ये हम बोलते हैं कि ये ऐसा होता है, राइट। अब आप देखोगे जो टिप होता है, यहां पे देख लीजिए आप बेटा, ये और ये देख लीजिए, जो टिप्स है इन एंटीबॉडीज के उनको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, मतलब जब एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडी यही पे उसके साथ अटैच हो जाएगी, राइट। अब इन चेन्स को आपस में जोड़ के कौन रखता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, राइट, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो एंटीबॉडीज को, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिंस भी कहते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज एंटीबॉडी टाइप जी, ए, एम, ई और डी, और हर कोई एंटीबॉडी एक अलग अलग इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखते हो एंटीबॉडी ए, दिस इज कॉल्ड ए सेक्रेटरी एंटीबॉडी, और ये आपकी सेक्रीशंस में होता है, जैसे मिल्क में होगा, सलाइवा में होगा, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे जो एंटीबॉडी एम है, ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी है, राइट, और ये इन्फेक्शन के पास पहले पहुंच जाती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज एंटीबॉडीज, राइट। तो वही आपने यहां पे देखा, और ये हां एक और चीज, जो एंटीबॉडीज हैं, राइट, यू विल रिमेंबर इट, एंटीबॉडी हमेशा हमेशा आपको
एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए आपको रेजिस्टेंट बनाती है या उसके खिलाफ फाइट करने में मदद करती है, राइट? तो दैट मींस अगर किसी, जैसे कोरोना वायरस है, अगर आपने कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज किसी इंसान में डाल दी, तो यह है कि अगर उसको कोरोना वायरस अटैक करेगा, राइट, तो जो पहले से आपने एंटीबॉडीज दी हुई है उसको, वो उसको उस कोरोना वायरस के खिलाफ बचाती है। जो आप वैक्सीनेशन करते हो किसी यू नो डिजीज के लिए, जैसे आपने कोरोना वायरस का वैक्सीन आपने किया, आपने कोविशील्ड किया, कोवैक्सीन किया, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपकी बॉडी में फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। तो जब आपको उस वैक्सीन से एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो जब आपको वही ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, तो वह एंटीबॉडीज उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करेंगी, उसको खत्म कर देंगी, ठीक है? फाइन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फिगर द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस इन एड्स। देखिए बेटा, सिंपल तरीका क्या है इसको याद रखने का, आप याद रखेंगे जब बॉडी में एड्स का वायरस जाता है, दैट इज एचआईवी, तो वो क्या करता है, वो मैक्रोफेजेस में अपना नंबर ज्यादा इंक्रीज करता है, इसीलिए मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं फैक्ट्रीज ऑफ एचआईवी, राइट? अब होता क्या है, बेसिकली जब वायरस आता है बॉडी में, तो ये रेट्रोवायरस है, आपको पता है ये आरएनए है, आरएनए वायरस है, तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल सेल को जो इन्फेक्ट करता है, इसके ऊपर जो अपना कोट होता है ना, वायरल प्रोटीन कोट जो होता है, वो पहले शेड कर देता है और सीधा ही इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है सेल के अंदर, तो वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस होता है सेल के अंदर। अब क्या होता है, वायरल आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वायरल डीएनए प्रोड्यूस करेगा और वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा इनटू द डीएनए ऑफ द सेल। जिस सेल को ये अटैक करता है, रिमेंबर, ये उसके जीनोम को हाईजैक कर लेता है, ये उसके डीएनए को हाईजैक कर लेता है, ये कंट्रोल कर लेता है सेल का डीएनए, सो दैट जो वायरस, देखो अभी तक सेल का डीएनए वो चीजें प्रोड्यूस करके देता था, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करके देता था, वो एंजाइम प्रोड्यूस करके देता था जो सेल को जरूरत है, लेकिन आफ्टर वायरस अटैक्स द सेल, अब सेल वही करेगी जो वायरस को जरूरत है, दैट मीन इट हाईजैक्स द सेल, राइट? तो उसके बाद क्या होगा, ये नए वायरल पार्टिकल्स बनाएगा और ये वायरल पार्टिकल्स जब प्रोड्यूस होंगे, ये सेल से बाहर जाएंगे और नई सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। ऐसे ये क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता नई नई सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, उन सेल्स को ब्रेक करेंगे, रिलीज होंगे और बाकी सेल्स को अटैक करेंगे, सो दे बर्स्ट द सेल, कम आउट, अटैक न्यू सेल्स, फ्रेश सेल्स। तो होस्ट सेल्स आर लाइजर्ड, वही इसने लिखा है कि होस्ट सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक? अब देखिए, व्हाट इज दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, ठीक? तो अडैप्टिव रेडिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो आपको एक नई स्पीशीज बना के देगा, नई नई स्पीशीज बना के देगा फ्रॉम ए सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लीनिएज। अगर आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल एनिमल है, इस एनिमल से आप डिफरेंट यू नो वैरायटीज प्रोड्यूस कर सकते हो, आप स्पीशीज प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डार्विन्स फिंचेस फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड्स। देखिए बेटा क्या है, समझ लो ये गैलापागोस आइलैंड्स है, ठीक? गैलापागोस आइलैंड्स है, ऐसे ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड एज आर्चिपेलागो, ठीक? तो ये एक आर्चिपेलागो है या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अब होता क्या है, फिंच एक बर्ड है, फिंच छोटा सा बर्ड है, और ये पहले समझ लो एक फिंच था, राइट? ये फिंच बहुत सारे फिंचेस, एक इस पे चला गया इस वाले आइलैंड पे, एक इस 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 पे, और एक इस पे, एक इस पे चला गया, इसी तरीके से हर किसी आइलैंड पे चला गया, राइट? फॉर एग्जांपल, अब ये फिंच पहले एक ही टाइप का था जिसका कुछ फीडिंग हैबिट था, फॉर एग्जांपल ये सीड्स खाता था, तो इसकी बीक वैसी थी सीड खाने के लिए, छोटी सी बीक सीड खाने के लिए। लेकिन जब ये फिंच इन अलग अलग आइलैंड्स पे गया, हर किसी आइलैंड पे फीडिंग हैबिटेट फॉर एग्जांपल डिफरेंट था, सपोज कर लो इस आइलैंड पे इंसेक्ट्स ज्यादा थे तो फिंच ने इंसेक्ट खाए, इस आइलैंड पे नट्स ज्यादा थे तो उसने नट्स खाना स्टार्ट किए, ठीक है ना, जैसे वॉलनट्स है उसको खाना स्टार्ट किया, हेजलनट है, बाकी चीजें हैं, ओके फाइन, यहां पर समझ लो सीड्स थे तो सीड्स खाने स्टार्ट किए। क्या मैं कहूंगा इसी तरीके से डिफरेंट आइलैंड पे डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट होंगे? तो हुआ क्या, आफ्टर 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, ठीक है ना, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हर किसी आइलैंड के ऊपर इस फिंच, इस ओरिजिनल फिंच ने कुछ मॉडिफिकेशंस अपने अंदर लाई और जो स्पेसिफिक उस आइलैंड के लिए थी, दैट मींस दिस फिंच गॉट रेडिएटेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स,
एक फॉर्म ने अपने आप को इंसेक्ट खाने के लिए फिट किया, एक फॉर्म ने अपने आप को नट खाने के लिए फिट किया, एक फिंच ने अपने आप को सीड खाने के लिए फिट किया। तो अकॉर्डिंगली वेरिएशंस लाए, जैसे पैरट है उसकी बीक स्पेसिफाइड है नट्स क्रैक करने के लिए, तो वैसी किसी की बीक आई होगी। ठीक, स्पैरो छोटी सी सीड्स खाती है, वैसी किसी बीक आई होगी किसी की। ठीक, कोई नेक्टर जो है इसका फ्लावर का ये खा रहा था तो उसकी बीक लंबी सी होगी। वुड पैकर कोई बना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे वुड पैकर के जैसा किसी का, तो स्ट्रॉन्ग बीक होगी इन ऑर्डर टू पैक इन टू द वुड, इन ऑर्डर टू ड्रिल इन टू द वुड। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है इसने अपने ये वही आपको ये बोल रहा है। ठीक है ना, ए लार्ज वैरायटी ऑफ फिंचेस इज प्रेजेंट इन गैलापागोस, और ये सब वैरायटीज किससे बने, एक सिंगल टाइप ऑफ फिंच से। ठीक है ना, विच अरोज फ्रॉम अ सिंगल स्पीशीज विच रीच्ड द आइलैंड एक्सीडेंटली, एज अ रिजल्ट मेनी न्यू स्पीशीज हैव इवॉल्वड डाइवर्जेंट एंड अडैप्टेड टू ऑक्यूपाई न्यू हैबिटेट्स। वही मैं बोला अडैप्टेड, उन्होंने अपने आप को अडैप्ट किया। दीज फिंचेस हैव डेवलप्ड डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स टू सूट देयर फीडिंग हैबिट्स, राइट। वही मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यू कैन गो थ्रू द थ्योरी एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, अब है डिफाइन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। देखिए बेटा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, ये कहता है कि अलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो है एक पॉपुलेशन की ये कांस्टेंट रहती है, दैट इज कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, कब, फ्रॉम, ये फ्रॉम यहां पे है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक, लेकिन कब ये रहेगी कांस्टेंट, ये तब रहती है कांस्टेंट जब इस पे डिस्टर्बेंसिंग इन्फ्लुएंसेस नहीं है, मतलब फोर्सेस जो इस इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट करेंगे वो नहीं है। फॉर एग्जांपल कौन सा फोर्स, फॉर एग्जांपल आप देखोगे म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस नहीं है वहां पे। ठीक है ना, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, ये सब चीजें नहीं है, तब जाके ये ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन आपको पता है कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जहां पे ये फोर्सेस ना हो। तो इसका मतलब हार्डी वेनबर्ग लॉ एक आइडियल चीज है, आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नजर नहीं आएगा, बिकॉज इवोल्यूशनरी फोर्सेस हमेशा दे आर ऑन द प्ले। जो म्यूटेशंस हैं, माइग्रेशंस हैं, इमाइग्रेशंस हैं, ये हमेशा रहेंगी। फॉर एग्जांपल ये आपको क्या बोलता है, ये आपको बोलता है अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है, सपोज कर लो ये पॉपुलेशन है हमारे पास, ये एक पॉपुलेशन है हमारे पास इंडिविजुअल्स की, ये आपको कहते हैं इनकी जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन कब, जब इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, जब इनमें से कोई नया इंडिविजुअल अंदर नहीं आएगा, इमिग्रेशन नहीं है, इनके अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं होगी, तब जाके ये कांस्टेंट है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तो होगा ना, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि प्रैक्टिकली आपको ये कहीं पे मिले। सो इट्स एन आइडियल, रिमेंबर इट, नो पॉपुलेशन कैन यू नो फॉलो दीज रूल्स। मैं कहता हूं इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस नेचुरली, ऐसे हम कह सकते हैं, हाँ ये आइडियल सिचुएशन आप बोल सकते हो। ठीक, तो वही बोल रहा है अनलेस, ये कब होल्ड करेगा ट्रू, स्पेसिफिक डिस्टर्बेंसिंग इन्फ्लुएंसेस आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, नॉट इंट्रोड्यूस्ड। ओके, आउटसाइड द लैब वन और मोर दीज डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस आर ऑलवेज इन इफेक्ट, जो मैं आपको बोल रहा था, दैट इज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज इम्पॉसिबल इन नेचर, आप नहीं कर सकते उसको अचीव, राइट। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज एन आइडियल स्टेट, जो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है ना, अब यहां पर क्या होता है, इसके हिसाब से देखिए आप, जो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है वो ये है कि आप देखो अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास ए और ए, ये दो एलल्स हैं, राइट, तो ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्यू है, तो दैट मींस पी प्लस क्यू हमेशा बनेगा वन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि पी 0.6 है तो क्यू क्या आएगा, व्हाट विल बी क्यू, तो आप कहोगे 1 माइनस 0.6, राइट, तो वो कितना आएगा 0.4। ठीक है ना, दैट मींस अगर ए की इक्वेशन में ए की अगर जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है दूसरे की कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल क्या है वन, राइट। इफ द पॉपुलेशन इज इक्विलिब्रियम देन वी विल हैव फ्रीक्वेंसी, जरा मुझे बोलो ए ए क्या होगा, फिर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ए ए विल बी होमोजाइगोट्स बट इट विल बी पी स्क्वायर, क्योंकि ए आपका पी आ रहा है ना, तो ए ए क्या आएगा, पी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको बोलूंगा मैं ये स्मॉल ए स्मॉल ए, ये क्या आएगा, ये क्यू स्क्वायर आएगा। और अगर आप मुझे बोलोगे कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी हेटेरोजाइगोट्स जो होंगे वो क्या आएंगे, 2pq। क्या मैं कह सकता हूं इस तरीके से, फिर ये कह सकता है ना दैट I can say like this. It will be like this. P square plus 2pq plus q square is equal to 1. Right? So this will be
AA, this will be AA and this will be AA. तो ये होमोजाइगस रिसेसिव आ गया, ये होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया और ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स आ गए, राइट? इज दिस ओके? तो वही ये आपको यहां पे बता रहा है. तो फाइव फैक्टर्स, अब देखिए पांच फैक्टर ऐसे हैं, फाइव फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. कौन कौन से? जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है ना? तो कौन कौन सा आ गया? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. ये सभी चीजें हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रप्ट करेंगी और सभी चीजें दे आर एट अ प्ले इन नेचर. यू कैन नॉट यू नो फाइंड दिस थिंग हैपन यू नो टू होल्ड ग्राउंड इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, क्योंकि ये सब तो होता रहेगा, राइट? डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ मैन. आपको पता है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन हम लोग एप्स से बने हैं, ठीक है ना? एप्स एंड वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर एज वेल. तो वहां पे क्या है, आहिस्ता आहिस्ता मैन की मॉडिफिकेशन हो गई, ये थोड़ा सा रिफाइन होने लगा और इसमें ब्रेन कैपेसिटीज चेंज होने लगी, क्रैनियल कैपेसिटीज चेंज होने लगी, इसका वॉकिंग स्टांस चेंज होने लगा, क्वाड्रिपेड से ये बाइपेडल बनने लगा, ठीक है ना? और आहिस्ता आहिस्ता इसने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किए, ईटिंग हैबिट्स इसने अपने चेंज किए और एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, सो दैट ये वैंडरर ना बने, ये एक जगह पे सिविलाइज्ड बने. जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, किसी चीज को सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश करते हैं ना, द फर्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चर. जहां पे आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है, इट मींस यू हैव यू नो सिविलाइज्ड दैट लैंड, यू हैव मेक इट हैबिटेबल, राइट? तो उस तरीके से ये है, राइट? तो अब हम क्या देखते हैं, द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ मैन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट कॉज द स्पीशीज टू ईदर अडैप्ट टू द एनवायरमेंट और बिकम एक्सटिंक्ट, राइट? जो चीज अडैप्ट नहीं करती है एनवायरमेंट को, याद रखना बेटा, वो चीज हमेशा क्या होती है, एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाती है. डार्विन ने कहा इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट विल सर्वाइव, इट इज डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ अ स्पीशीज विल सर्वाइव दैट इज रेडिली अडैप्टेबल टू द एनवायरमेंट, राइट? याद रखना इस बात को. तो एवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द जेनेटिक मटीरियल ऑफ humans. It does not change in single organism, but the entire group of organisms belonging to the same species. Ab evolution aisa nahi ki ek insaan evolve ho raha hai, dusra nahi ho raha hai. Yaar, as a group hoga, sara species evolve ho jayega, right? So man originated through several stages. Jaise Dryopithecus hai, earliest known ancestor of man, right? They were found in some parts of Africa and Asia and Europe, and evolution of man began from him, right? So Dryopithecus was followed by Australopithecus, right? These were 1.2 meter tall and could walk upright. Maine kaha tha na, ye pehle ab bipedal होने की कोशिश करेंगे, right? They inhabited the African mainland and they had large jaws and human-like teeth. Fine? Okay. तो Homo habilis, they were 5 feet tall and could make tools, right? तो अब tools बनाने इनको पड़े. क्यों? इनको पता है survival के लिए important है. They are believed to have been able to speak. तो communication skills अब improve हो गई, जो मैंने आपसे कहा था. Homo erectus, they were more evolved beings. They were also upright and had a large brain size. They had a prominent speech and they invented fire and were carnivores, right? Fine? Okay. Homo sapiens, they are modern men. They developed the power of thinking, used tools, were omnivores and produced art. Their brain size is reduced to 1300 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, फाइन. तो यहां पे अब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि क्रो मैग्नन मैन जो है उससे बाद में होमो सैपियंस आ गया, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है ना? तो वो अब वहां पे जो होमो सैपियंस है, जो हम लोग हैं, हम मॉडर्न मैन कहा जाता है हमें, और हमारी क्रेनियल कैपेसिटीज 1300 के आसपास है, राइट? यू रिमेंबर इट. Give various methods employed in animal breeding and which one is the best and why. This is very important, remember it. Animal breeding में हम क्या करते हैं? Animal breeding में हम क्या करते हैं? That animal breeding में हम लोग qualities of animal. अगर आपके पास दो animals हैं और उन दो animals को आपको इंप्रूव करना हो या किसी animal को आपको इंप्रूव करना हो, आप क्या सोचते हो? जहां कहीं पे भी आपका ये इंप्रूव एनिमल है, जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, उसकी क्वालिटीज आप क्लब करना चाहते हो दूसरे किसी एनिमल के साथ जो इंप्रूव है, ठीक है ना? जिसकी अच्छी क्वालिटीज है. जैसे मैं ऐसे समझाता हूं आपको, दो शीप है आपके पास, एक वूल ज्यादा देता है, एक मटन ज्यादा देता है. आप चाहते हो दोनों को कंबाइन करके आप ऐसा शीप बनाओ, इसकी प्रोजनी आप इसमें से ऐसा बनाओ जो वूल भी ज्यादा देगा, मीट भी ज्यादा देगा. मटन भी आपको चाहिए, वूल भी आपको चाहिए. आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट I am trying to say here, right? Fine. आगे बढ़ते हैं. तो animal breeding is the method of mating closely.
the method of mating closely related individuals, right? There are several methods employed in animal breeding which can be classified into following categories. ठीक? अब ये animal breeding जो है इसमें mating हम कराते हैं individuals की, ठीक है ना? So that we want to improve the breed. जो आपके पास breed है उसको हम क्या करेंगे? Improve. ठीक? तो natural method of breeding include inbreeding and outbreeding. अब inbreeding क्या है और outbreeding क्या है? ठीक, बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग इज द मेथड ऑफ मेटिंग क्लोज रिलेटेड एनिमल्स हो भी सकते हैं, राइट, बट क्लोज रिलेटेड एनिमल्स जरूरी भी नहीं है कि एनिमल ब्रीडिंग में हम ही करेंगे, राइट. तो एनिमल ब्रीडिंग में जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वहां पे मेटिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं, ठीक है ना, मेटिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं. ठीक, और इसके डिफरेंट मेथड्स है और इन मेथड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे. जैसे नेचुरल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग दैट इंक्लूड इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, एक्चुअली में ये दो हमें पढ़ने हैं. इनब्रीडिंग किसको कहते हैं, आउटब्रीडिंग किसको कहते हैं? बेटा इनब्रीडिंग हम कहते हैं जब आपके पास क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हो, और आउटब्रीडिंग हम तब करेंगे जब इंडिविजुअल्स रिलेटेड ना हो. तो इनब्रीडिंग हम किसको कहेंगे, ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज नोन एज इनब्रीडिंग, व्हाइल एज ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड इज नोन एज आउटब्रीडिंग. ठीक, तो इनब्रीडिंग में क्या होता है, इनब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड, राइट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस, राइट. द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज एज फॉलोज. अब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आपने सुपीरियर मेल को चुना और सुपीरियर फीमेल को, ठीक, सेम ब्रीड की, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको मेट किया इन पेयर्स. उनसे जो प्रोजनी आपको मिलती है ना, प्रोजनी मींस ऑफ स्प्रिंग, उन मेटिंग से जो आपको मिलती है उनको आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, इवैल्यूएट करोगे, और जो सुपीरियर मेल और फीमेल है उनमें से चुनोगे, उनको आइडेंटिफाई करोगे और फर्दर मेटिंग करवाओगे. ठीक, उसके बाद क्या करोगे, जो सुपीरियर फीमेल है कैटल में वो गाय होगी या वो बफलो होगी जो आपको दूध ज्यादा देती है, और सुपीरियर मेल किसको कहोगे, मेल तो दूध नहीं ना देता, लेकिन हां आप उसको कहोगे कि जिसकी प्रोजनी ज्यादा अच्छी होगी. फॉर एग्जाम्पल एक बुल है और उसकी जो डॉटर्स है, जो काउज वो प्रोड्यूस करेगा विद अ फीमेल, अगर वो दूध ज्यादा देती है तो ये कहा जाता है कि ये एक सुपीरियर मेल है, क्योंकि जो इसकी डॉटर्स है उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, राइट, कंपेयर टू दोज ऑफ अदर मेल्स, राइट. ओके फाइन, आउटब्रीडिंग. आउटब्रीडिंग इज द मेटिंग ऑफ लेस क्लोजली रिलेटेड और अनरिलेटेड एनिमल्स. द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व डू नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 5 जनरेशंस. अब क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, इसमें क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग में एक ब्रीड को मेट किया जाता है विद अ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड. वन ब्रीड इज यू नो मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड. तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो अलाउ करता है डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स, राइट, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड, एंड द प्रोजनी ऑफ द हाइब्रिड may themselves be used for commercial production, right? Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be superior to the existing breeds. Yaad rakhiye beta, jab aap hybrid produce karte ho na, aapne do you know animals ko breed karke ek hybrid produce kiya. Jo hybrid hai uski performance dono parents se zyada honi chahiye, usko hybrid vigor kehte hain. We call that phenomenon as hybrid vigor, right? Lekin jo aapka ye breed hai, ye naya breed jo aap develop karana chahte ho, isko baad mein ek stable breed banana padta hai, right? So many new animal breeds have been developed by this approach. Iska best example aapke exam mein aa sakta hai, that is Hisar Dale. Ye ek new breed of sheep hai developed in Punjab by crossing Bikaneri Aves and Merino Rams. It's Merino, M-E-R-I-N-O, Merino Rams, right? Okay, beta. Interspecific hybridization. Ye sabse wildest form outbreeding ka hai. और ये कब हम करते हैं, आउटब्रीडिंग का वो फॉर्म जहां पे मेटिंग होगी डिफरेंट स्पीशीज के दौरान. आपके पास दो अलग अलग स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल आपने म्यूल सुना होगा, सो इट्स अ क्रॉस बिटवीन डंकी एंड हॉर्स. ठीक, तो ये म्यूल जो है ये एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीशीज को आपने आपस में क्या किया है, मेट करवाया है. सो दैट यू विल be able to combine the desirable features of both the parents, right? Artificial methods of breeding. What are the artificial methods of breeding, right? सबसे पहले आपसे method of breeding है artificial insemination. इसको short form में हम AI लिखते हैं.
अब देखो एआई का कॉन्सेप्ट है क्या, एआई का कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखिए बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुल है राइट, और ये बहुत ही हाई जेनेटिक मेरिट बुल है, मतलब ये है कि ये बुल जो है जो इसकी डॉटर्स हैं वो सभी हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग यू नो एनिमल्स हैं। अब क्या है, बुल जो है लगभग मैक्सिमम 11 साल तक ब्रीड कर सकता है, मैक्सिमम 11 साल तक ही ब्रीड करेगा, उसके बाद भी कर सकता है, लेकिन इसको हम अनसर्टेन ब्रीडर कहते हैं, क्योंकि तब फिर इसके कंसेप्शन कंसेप्शन कराने के जो चांसेस है इसके फीमेल के इस बुल से कम होते हैं राइट। तो अब कॉमन सेंस ही बात है, अपने लाइफ टाइम में बुल कितनी ही फीमेल्स को इंसेमिनेट कराएगा, तो इसका तो एक लिमिट होगा ना। लेकिन अगर हम क्या करें, इस बुल से हम सिमेन लेंगे आर्टिफिशियली, यू नो सिमेन हम कलेक्ट करेंगे इस बुल से, और उस सिमेन को हम स्टोर करेंगे, क्रायो प्रिजर्व करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में, LN2 में, एट -196 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मींस इस बुल के सिमेन से बहुत सारे छोटे छोटे सिमेन स्ट्रॉज में बना सकता हूं। सपोज कर लो जब इजैकुलेशन बुल की होती है, फॉर एग्जांपल 5 ml ऑफ सिमेन ये फीमेल के अंदर डिपॉजिट कर देगा, लेकिन अगर मैं इसी 5 ml से मैं बहुत सारे छोटे छोटे सिमेन स्ट्रॉज बना सकता हूं राइट, और उन एक एक सिमेन स्ट्रॉ को मैं एक एक काउ के ऊपर यूज कर सकता हूं। मैं इस सिमेन स्ट्रॉ को एक AI गन में लोड करता हूं और बाद में फिर इस फीमेल के इस काउ के वजाइना में इसको डाल देता हूं राइट। तो दैट मींस इस बुल से मैं हजारों लाखों ये सिमेन स्ट्रॉज बना सकता हूं इसके लाइफ टाइम में, और हर सिमेन स्ट्रॉ से मैं एक गाय या दो सिमेन स्ट्रॉ से मैं एक गाय को इंसेमिनेट कर सकता हूं। तो दैट वे आई कम टू नो कि मैं क्या करता हूं, मैं इस बुल का, अब सपोज कर लो ये बुल आज मर गया, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इस बुल से सिमेन स्ट्रॉज 1000 सिमेन स्ट्रॉज स्टोर है अपने पास लिक्विड नाइट्रोजन के में। तो मतलब यह है कि 10 साल बाद भी मैं इस बुल का सिमेन इस्तेमाल कर सकता हूं, अदरवाइज वो इंपॉसिबल था, क्योंकि जब ये बुल मर गया फिर किसी फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI का फायदा यही है राइट। दूसरा, जब एनिमल्स नेचुरली ब्रीड करते हैं, एक बुल एक काउ के साथ मेटिंग करता है, तो उस टाइम पे बहुत सारी जेनेटल डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है ना, बहुत सारे इंफेक्शन हो सकते हैं, उन सभी इंफेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है ठीक। तो देयर आर अ वाइड वैरायटी यूजेस ऑफ दिस। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सिमेन, दिस इज हेयर, ये यहां पर बेटा मिस्टेक हुई है, इट इज कलेक्टेड collected from the male into the oviduct or uterus of the female of the female body of the by the breeder right okay this method of breeding helps the breeder to overcome certain problems faced in abnormal mating right so it helps to eliminate the need for maintenance of herd size देखो ये क्या है, ये क्या बोल रहा है maintenance of herd size, मतलब ये जरूरी है कि आपके पास अब 10-15 बुल होने चाहिए। अगर आप एक अच्छा बुल आपके पास है और उससे आपने ये सिमन स्टोर किया हुआ है, यू कैन यूज दैट राइट। परमिट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सिमन, आप फॉर एग्जाम्पल बुल यहां पे है और आपको ये सिमन आप ले जा सकते हो अमेरिका भी, या अमेरिका से कोई सिमन आप यहां भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये तभी पॉसिबल है ना AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से, अदरवाइज बुल को ले जाना पड़ता वहां पर, इट्स ए प्रॉब्लम राइट। अवॉइड्स स्प्रेडिंग ऑफ जेनेटल डिजीज एंड इंक्रीज द रेट ऑफ कंसेप्शन राइट। ओके फाइन, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी जिसको MOET कहते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, एक कैटल जो है, एक गाय जो है, उसमें हम सुपर ओवुलेशन कराते हैं। सुपर ओवुलेशन मतलब उसको हार्मोन्स हम देते हैं जो FSH एनालॉग्स देते हैं, सो दैट उसमें मल्टीपल ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप हो जाए, उसके बाद LH एनालॉग देंगे तो वहां से रप्चर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स और वहां से बहुत सारे एग्स बाहर आएंगे ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से, और इन एम्ब्रियोज को हम कलेक्ट करते हैं ठीक। इन एम्ब्रियोज को उसके बाद हम उठा के किसी सरोगेट मदर में डाल देंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इसका मतलब यह है, अगर आपके पास एक गाय है, आपने उससे बहुत सारे एम्ब्रियोज लिए, फिर बाद में उसको सरोगेट मदर में डाल दिया, उन गायों में डाल दिया जो खुद एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो खुद लेकिन प्रेग्नेंट हो सकते हैं, दे कैन यू नो गेट इम्प्लांटेड बट दे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एग्स, तो उनमें आप ये कर सकते हो। द बेस्ट मेथड टू कैरी आउट एनिमल ब्रीडिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग विच इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड MOET टेक्नोलॉजी। अच्छा एक और चीज, अगर आपके पास ये गाय है जो हाई जेनेटिक मेरिट गाय है
इसका जेनेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसको अगर आप एक बार प्रेग्नेंट करोगे आपको 9 मंथ्स के लिए वेट करना पड़ेगा, सो दैट जब वो काफ देगी उसके बाद फिर से आप उसको प्रेग्नेंट करोगे, तो इसका रिपेटिव पीरियड उतना तो नहीं ना होगा। मैक्सिमम कितने पीन्स देगी, मैक्सिमम कितने जो है पार्चुरेशन दिखाएगी अपने लाइफ टाइम में, मैं मान लेता हूं चलो इसने 10 भी दिखाए 12 भी दिखाए फिर भी कितना, लेकिन अगर आपने एमओईटी का इस्तेमाल किया तो आप हंड्रेड्स ऑफ एम्ब्रियोज इससे ले सकते हो, उनको आप सरोगेट मदर्स में डाल सकते हो और उनसे हाई जेनेटिक मेरिट जो है आप काउज प्रोड्यूस कर सकते हो। दिस टेक्नोलॉजी आर साइंटिफिक इन नेचर एंड दे हेल्प इन ओवरकम प्रॉब्लम्स फॉर नॉर्मल मेटिंग एंड हैव हाई सक्सेस रेट इन क्रॉसिंग बिटवीन मैच्योर मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। It also ensures the production of hybrids, right? और इन hybrids के पास क्या होता है, इनके पास बेटा desired qualities होगी। मैंने कहा ना दो जो है इनको combine करना है qualities को of the two animals, right? This method is highly economical as a small amount of semen from the male can be used to inseminate several cattle, जो मैंने आपको बताया, right? Okay. पर यहां पे ये मिस्टेक है, इट इज द नॉर्मल मेटिंग। ओके, व्हाट इज एपिकल्चर, आपको पता है एपिस इंडिका हनी बी, राइट, एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। एपिकल्चर क्या है, एपिकल्चर को हम प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग भी कहते हैं और ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक एक जरिया बन सकता है। बी एक सिंपल तरीके से आपको पता है आप पाल सकते हो, घर में पाल सकते हो उसको, और उतना ज्यादा उसमें कोई एक्सपर्टीज होने की जरूरत नहीं है, कोई उतना ज्यादा इसमें लेबर इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है कि बहुत सारा खर्चा आएगा, तो ये सिंपल तरीके से बी कीपिंग कोई कर सकता है और बी से हाईली हाई इकोनॉमिक वैल्यू प्रोडक्ट्स ले सकता है, जैसे आप हनी देखते हो, बीज वैक्स देखते हो, तो वो चीजें आप इनसे ले सकते हो। और बीज जो है आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो पॉलिनेशन है एंटामोफिली इंसेक्ट्स के जरिए जो होती है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है, रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स का बढ़ सकता है। तो जहां पे हॉर्टिकल्चर होता है और बी कीपिंग होती है, डेफिनेटली बोथ ऑफ देम दे आर सिनर्जिस्ट टू वन अनदर, इट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बोथ, राइट। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का जिसको हम डोनर कहते हैं और उसको डालते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और जिसमें आप डालोगे उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, जो रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें वो जेनेटिक एबिलिटीज होती है जो के डोनर में होती है, राइट। दैट मींस जो जीन है, फॉर एग्जांपल कोई जीन आपने उठाया एक ऑर्गेनिज्म में और उस ऑर्गेनिज्म में वो जीन कोई हार्मोन प्रोड्यूस करता है, अगर सक्सेसफुली ये जीन आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जिसके पास ये जीन नहीं अभी तक था, वो ऑर्गेनिज्म भी ये हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो ऐसे हम जेनेटिक मैनिपुलेशन जो करते हैं उसी को हम कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक। तो अब इसमें स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे डिजायर्ड डीएनए या डिजायरेबल जीन्स जो आपको जरूरत है, जो आपको ट्रांसफर करने हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करोगे होस्ट को, और देन व्हाट यू डू इज दिस, आप ट्रांसफर करोगे उसको और मेंटेन वहां पे करवाओगे सो दैट इट विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब इसकी यूजेस क्या है, तो इससे हमें जीन्स की अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलती है, दूसरा इससे मुझे सर्टन ड्रग्स बनाने को मिलते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स बनाने को मिलते हैं, नई नई ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं जो कि रेजिस्टेंस है डिजीजेस के साथ और ये पेस्ट अटैक को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। न्यू ट्रांसजेनिक प्लांट्स में आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा बीटी कॉटन आपने पढ़ा होगा, राइट। आपने टबैको में जो हम साइलेंसिंग करते हैं या आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं आरएनए आई, वो पढ़ा होगा जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। जीन थेरेपी कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये भी देख सकते हो, राइट। सुपर बग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया कैन डिग्रेड मेनी डिफरेंट केमिकल्स, द सुपर बग्स कैन डिस्ट्रॉय ऑक्टेन ज़ाइलीन कैम्फर एंड टॉलीन, दैट मींस बैक्टीरिया में इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन करते हो सो दैट ये बैक्टीरिया आपको बाद में बहुत जगह पे आपको क्या करके देगा, वो चीजें डिग्रेड करके देगा जो इससे पहले मुश्किल थी डिग्रेड करनी, राइट। उसको सुपर बग कहते हैं। एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस, देखिए बेटा इसको जल्दी से हम यहां पे देख लेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमंस क्या होता है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स के पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं,
और दो इसमें से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. सेक्स क्रोमोसोम्स वहां पे दो होंगे, राइट. सो दैट मींस 42 + 44 + 2 = 46 टोटल क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं. तो 46 क्रोमोसोम्स जो आपकी सेल में होते हैं, इनमें 22 अगेन ऑटोसोम्स हैं और दो जो है सेक्स क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है बेटा. अब ये सेक्स क्रोमोसोम्स जो है जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये एक्स होगा या तो ये वाई होगा. अगर एक मेल है आपके पास, उसके पास एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा और एक क्रोमोसोम वाई होगा. दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज हिटेरोगैमेटिक कंडीशन. और अगर आपके पास एक फीमेल है तो उसके दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होंगे. दिस इज कॉल्ड एज होमोगैमेटिक कंडीशन. सो देयर आर टू कंडीशंस इन मेल्स इन ह्यूमंस. वन ऑफ द कंडीशंस कॉल्ड एज हेटेरोगैमेटिक, अनदर कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोगैमेटिक. होमोगैमेटिक कंडीशन जो है आपको फीमेल्स में नजर आएगी, और हेटेरोगैमेटिक कंडीशन जो है बेटा वो आपको नजर आएगी किसमें? मेल्स में, और होमोगैमेटिक फीमेल्स में, राइट. ओके, तो वही आपको बता रहा है ये कि किस तरीके से ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन होता है, राइट. देखिए बेटा, आप यहां पे देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं, ये जो फादर है अगेन मेल है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम कंप्लीमेंट फीमेल के पास, मदर के पास एक्स एक्स. अगर इनके गैमेट्स आप निकालोगे, मेल के पास एक एक्स स्पर्म होता है और एक वाई होता है. इसको हम कहते हैं एंड्रोस्पर्म, क्योंकि इसे बच्चा मेल मेल बेबी बनता है, सॉरी फीमेल बेबी बनती है. आई एम रियली सॉरी, ये यहां पे एक्स जो है इसको गाइनोस्पर्म बोलते हैं और वाई को हम एंड्रोस्पर्म बोलते हैं. ठीक, तो दैट मींस दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो है मेल प्रोड्यूस करता है, एक गाइनोस्पर्म एक एंड्रोस्पर्म. फीमेल कब बनती है? फीमेल का बनती है जब गाइनोस्पर्म मेल से आता है और फीमेल हमेशा एक्स देगी, क्योंकि ये होमोगैमेटिक है. अगेन यहां से एक्स आएगा, यहां से एक्स आएगा, तो फीमेल बनी. इसी तरीके से यहां से वाई आएगा, यानी कि एंड्रोस्पर्म, यहां से एक्स आएगा तो मेल बना, एक्स वाई है ना. इसी तरीके से यहां से वाई आएगा और यहां से एक्स आएगा तो एक्स वाई अगेन मेल बना. क्या मैं कह सकता हूं 50% प्रोबेबिलिटी जो है मेल चाइल्ड बनने की है और 50% प्रोबेबिलिटी जो है फीमेल चाइल्ड बनने की है? ठीक, फाइन. चलो बेटा, अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं. ठीक, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको पहला डिफरेंस हम देखेंगे बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आपको पता है इननेट इम्यूनिटी क्या होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? यू नो दैट इननेट इम्यूनिटी इज जो सिंस बर्थ प्रेजेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप लाइफ टाइम में अक्वायर करते हो. इननेट इम्यूनिटी इट इज नॉट पैथोजन स्पेसिफिक, बट अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक. मतलब यह है कि जो इननेट इम्यूनिटी है ना, इसके पास चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन आए, बैक्टीरिया आए, वायरस आए, फंजा आए, ये एक ही मैकेनिज्म से तीनों को खत्म करेगी. इसके पास कोई अलग अलग मैकेनिज्म नहीं इनको डिस्ट्रॉय करने का. लेकिन हां, जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यह हर किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से टैकल करती है, राइट, डिफरेंट तरीके से टैकल करती है. तो इट इज स्पेसिफिक, वही है स्पेसिफिक, इसको पता है कि किसको किस तरीके से मारना है. इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल सिंस बर्थ. इट इज अकर्ड आइदर आफ्टर बर्थ, अकर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. तो ये बर्थ के बाद आप जब इंटरैक्ट विद एनवायरमेंट तो आपको ये हासिल होगा. इसके सिंपल एग्जांपल है कोरोना वायरस, जो मैं बार बार बोलता रहता हूं. ठीक है ना, कोरोना वायरस एक बार आपको हो गया तो अब आपकी बॉडी कोरोना वायरस को पहचानती है. तो नेक्स्ट टाइम अगर कोरोना वायरस आपका आता है तो हो सकता है डिजीज होगी, क्योंकि वो म्यूटेटेड फॉर्म में आ सकता है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, बिकॉज उसने पहचान लिया होगा स्पेसिफिकली तरीके से कि ये कोरोना वायरस है, राइट, फाइन. म्यूटेशन इतनी ज्यादा है कि आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, फाइन. इट ऑपरेट्स बाय प्रोवाइडिंग बैरियर अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द फॉरेन इंफेक्शन एजेंट्स. तो सिंपल बैरियर एक होगा तो वो प्रिवेंट करेगा इंफेक्शन एजेंट्स का अंदर आना या इनका इन्वेड करना बॉडी को. इट ऑपरेट्स बाय प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्सेज. अब इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है जब पहली बार आपके पैथोजन अटैक करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने में टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है. लेकिन अगर वही ऑर्गेनिज्म दूसरी बार आता है तो बॉडी उसको पहचान लेती है और क्विकली उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज, और उसको न्यूट्रलाइज करती है.
उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है ना, जो एनिमलिस्टिक रेस्पॉन्स होता है, वो एक एग्जेजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स, एक इम्यून मैकेनिज्म होता है, राइट, ओके। इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक मेमोरी, राइट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। आपको पता है मेमोरी सेल्स बनती है इसमें, वो मैंने आपको ऑलरेडी उसमें पढ़ाया हुआ है, मेमोरी सेल्स बनती है जो स्पेसिफिकली पैथोजन्स को याद रखती है। फाइन, आगे बढ़ते, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमें पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपली क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके पास एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक होता है जिसमें एग्रोस जेल होता है, दैट इज बेसिकली सीवीड से आपको वो मिलता है, एक नेचुरल पॉलीमर है सीवीड से जो आपको मिलता है। अब इसके सीविंग इफेक्ट से आप क्या करते हो, जो आपने डाइजेस्टेड डीएनए इन वायर्स में डाला है, दैट मीन्स जो डीएनए आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक किया है, उनको आप अकॉर्डिंग टू दियर साइज डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को आप अलग अलग करते हो, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो सो दैट द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए विल मूव टूवर्ड्स द एनोड, और उसकी वजह से ये सेपरेशन हो जाएगा। जो जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो लीस्ट मूव करेगा, जो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो मोस्ट मूव करेगा, ठीक, मोस्ट फार मूव करेगा। तो दैट्स इट व्हाट इट इज, राइट। इसमें और एक डाई यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड, बिकॉज डीएनए को विजिबल बनाने के लिए, इनके बैंड्स को विजिबल बनाने के लिए आप इथिडियम ब्रोमाइड, एक कार्सिनोजेनिक डाई होता है, इसको यूज करते हैं, ठीक। और ये कब, यू नो, आप इसे देख सकते हो जब इसके ऊपर आप यूवी रेज डालोगे तो ये इल्यूमिनेट हो जाता है उस टाइम पे, ओके। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन कैनेबिनॉइड्स। व्हाट आर कैनेबिनॉइड्स? आपको पता है कैनेबिनॉइड्स केमिकल्स होते हैं जो कैनेबिनॉइड रिसेप्टर्स पे बैठते हैं, और वो प्रिंसिपली कहां पे होते हैं, ब्रेन में, राइट। अब जो नेचुरल कैनेबिनॉइड्स हैं वो आपको किससे मिलते हैं, आपको कैनबिस सैटिवा एक प्लांट है उसके इन्फ्लोरेंस से मिलते हैं, फ्लावर टॉप्स लीव से मिलते हैं, रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट से मिलते हैं, और इनकी कॉम्बिनेशंस बनाई जाती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा, राइट। अब ये जो है इनहेल किया जाता है या इंजेस्ट किया जाता है, ऑरली इंजेस्ट किया जाता है या इनहेल किया जाता है, और इसके इफेक्ट्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी पे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इनके बहुत ही डेलेटेरियस इफेक्ट्स बॉडी पे होते हैं, ओके, फाइन। व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम जो है इसको हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मंगोल टाइप अपीयरेंस आती है, राउंडेड हेड बन जाता है, जो आईज है उनमें डिफरेंट जो ना चाइनी टाइप अपीयरेंस आ जाता है, राइट। और ये कब बनता है, जब क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी होती है। आपको पता है मियोसिस में सेपरेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, और उसको हम कहते हैं डिसजंक्शन, उस सेपरेशन को। जब ये डिसजंक्शन नहीं होता है उसको हम बेटा कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। और ये नॉन डिसजंक्शन नहीं होता है तब जाके डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसका फीचर क्या है कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन होगा, शॉर्ट स्टैचर होगा इसका, स्मॉल राउंडेड हेड होगा, प्रोट्रूडिंग टंग होगी और एक्सेस सलाइवेशन होगी, ठीक है ना। और सलाइवा जो है ये ड्रूल करेगा, ड्रूलिंग सलाइवा। यहां पर आप एक्सेस लिख सकते हो, एक्सेस सलाइवेशन, ड्रूलिंग सलाइवा जो है इसके मुंह से वो लाल टपक रही होती है, राइट। रिटार्डेड फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट एंड सिंगल पाल्मर क्रीज, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके हाथ में यू नो लाइंस होती हैं, लकीरें होती है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसका हाथ बहुत ही बड़ा होता है, पाम बड़ा होता है, और उसमें एक सिंगल पाल्मर क्रीज होती है, राइट। और अंडर डेवलप्ड गोनड्स एंड जेनिटल्स इसके पास होते हैं, ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी, राइट। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये वो अकेडमिटी का वो टाइप होता है जहां पे बॉडी प्रोड्यूस करती है अपनी खुद की एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग एंटीजन। आपकी बॉडी में कोरोना वायरस गया, कोरोना वायरस के रिलेटेड आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। अब दूसरा क्या होता है कि अगर मैं आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज एक इंजेक्शन के जरिए मैं आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज दूंगा, तो दैट मीन्स दैट विल बी कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, राइट, ओके। इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है एक्टिव इम्यूनिटी का, इसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है, राइट। ये स्लो है, यानी कि इसको प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है एक्टिव इम्यूनिटी में, राइट, लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहां पे जो है ये फास्ट होता है और इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है, राइट।
ओके, तो इंजेक्शन माइक्रोब्स थ्रू, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. जैसा मैंने कहा ना, आपने अभी वैक्सीनेशन करवाया कोविड का, कोविड वैक्सीनेशन करवाई, वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को खुद इंपेटस मिलता है कि तुम एंटीबॉडीज बनाओ कोरोना वायरस के लिए, राइट. एंड ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज इन द मदर्स मिल्क, थ्रू द मदर्स मिल्क इन टू द इन्फेंट इज अ फॉर्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. लेकिन आपको पता है मदर जो है मिल्क के जरिए बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडीज. जरा मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होगी, अभी मैंने कहा सिक्रेटरी एंटीबॉडी, दैट इज आईजीए, ठीक है ना, वो उसको कलस्ट्रम के थ्रू देगी वो, तो वो एक पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, राइट. डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. शॉर्ट में आप बेटा याद रखोगे, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सेल जो है खुद पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक. ये इन्वॉल्व होती है, जो टी सेल है खुद इन्वॉल्व हो जाएगी और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक. जबकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज बनते हैं. ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये वाई शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कॉज क्या है बेटा, देखिए डिफरेंट कॉजेज ऑफ कैंसर के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल कॉज हो सकता है, केमिकल कॉज हो सकता है, बायोलॉजिकल कॉज हो सकता है. फिजिकल कॉज में क्या हो सकता है, आपको पता है रेडिएशन जो है वो कैंसर करवा सकती है, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है. फॉर एग्जाम्पल आप आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे देख सकते हो, गामा रेज देख सकते हो, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आप यूवी रेज देख सकते हो, जो डीएनए डैमेज कर सकती है और वहां पर हो सकता है कैंसर, राइट. इसी तरीके से कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स है, जैसे आपने देखा होगा ऑन्कोवायरसेस. ऑन्कोवायरसेस वो वायरसेस हैं जिनमें ऑन्को जीन्स होते हैं और वो वायरस जो है कैंसरस हो सकता है, क्योंकि उनके पास वायरल ऑन्को जीन्स होते हैं, ठीक है ना. अच्छा, इसके अलावा बॉडी में कुछ जीन्स है जिनको हम कहते हैं ऑन्को जीन, सेलुलर ऑन्को जीन, सीओएनसी जिनको हम लिखते हैं, या इनको हम प्रोटो ऑन्को जीन्स भी कहते हैं. ये बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, नॉर्मल सेल्स में होते हैं, लेकिन जब एक्टिवेट हो जाते हैं किसी कंडीशन की वजह से, किसी इंपेटस की वजह से, किसी स्टिमुलस की वजह से, तो ये ऑन्कोजेन जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं सेल्स में और ये कैंसर प्रोड्यूस, ट्यूमर्स प्रोड्यूस कर से, जो बाद में मेटास्टासाइज होके जो है लीथल बन जाते हैं. अच्छा, केमिकल्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स दैट कैन बी देयर, जैसे टबैको में है, आपको पता है बेंजोपाइरीन्स होते हैं जो कैंसरस होते हैं. इसी तरीके से कुछ और भी यू नो केमिकल्स है, जैसे डाइएथाइलसिटिलबेस्ट्रॉल है, डस डाइएथाइलसिटिलबेस्ट्रॉल, ये भी क्रिएट कर, ये कैंसर कर सकता है, वजाइनल कैंसर कर सकता है, किनमें, पर्टिकुलरली फीमेल्स में. ये डस यूज करते हैं पोल्ट्री में इन ऑर्डर टू मेक द मोर गेन मोर वेट. ओके, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के लिए हमें ब्रीफ अकाउंट बताना है, व्हाट आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स. चलो बेटा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर क्या है. देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आप याद रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैंसर इस तरीके से है कि वो अभी तक फैला नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं हुई है, तो सिंपली सर्जरी के जरिए उस कैंसरस पार्ट को रिमूव करके, उसको एक्साइज करके बाहर निकाला जा सकता है, ठीक. सर्जरी के अलावा एक और मेथड है कैंसर को ट्रीट करने का, दैट इज उसमें रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कैंसरस सेल होती है और जो नॉर्मल सेल होती है इनमें एक फर्क होता है. जब आप रेडिएशन डालते हो तो कैंसरस सेल जो है ये ज्यादा प्रोन होती है टूवर्ड्स रेडिएशन और ये जल्दी खत्म होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल. इस तरीके से केमिकल जो है कीमोथेरेपी, केमिकल्स का, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जो है कीमोथेरेपी के जरिए कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है. इसी तरीके से एक नॉवल अप्रोच ये भी है कि यू नो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए चीजें दी जाती है, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स. अल्फा इंटरफेरॉन्स ये इम्यूनोथेरेपी है जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट. तो यही इसने लिखा है यहां पर, यू कैन सी इट इन दी थियोरी. अब यहां पे जो राइट शॉर्ट नोट ऑन एमटीपी, व्हाट इज एमटीपी, एमटीपी मतलब हो गया, इसको दूसरा नाम हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो इसको मेडिकल अबॉर्शन भी बोलते हैं, राइट, या इंड्यूस्ड, आप इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक. लेकिन यह क्या होता है, ये लीगल होना चाहिए, राइट. अब क्या होता है,
अगर फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे आप ऐसे समझिए कोई कंसेप्शन ऐसा है जहां पे फीमेल जब यूएसजी करने जाती है, प्रेगनेंसी के बाद यूएसजी करने जाती है, उसको डॉक्टर बोलता है कि बच्चे का हार्ट नहीं बना है, यू नो द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन जो पहले बनता है दैट इज हार्ट, और वहां पे ये बीट नहीं कर पाता, हार्ट बीट जो है वहां पे नजर नहीं आती है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को कैरी करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए डॉक्टर एडवाइज करता है कि आप एक काम करो, आप इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दो। याद रखिएगा बेटा, इसमें अप टू 12 वीक्स का प्रेगनेंसी अगर अबॉर्शन करना होगा तो एक मेडिकल ऑफिसर से लिख के लाना होता है, सर्टिफिकेट देनी होती है दैट शी रिक्वायर्स दिस यू नो अबॉर्शन। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही अबॉर्शन कर देगी, नो, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स वो अबॉर्शन कर सकती है। और इसी तरीके से अगर 12 से 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो दो मेडिकल ऑफिसर से एक इसको सर्टिफिकेट लानी चाहिए कि ये अबॉर्शन जो है इट इज रिक्वायर्ड। कोई ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें मां की जान को खतरा हो सकता है अगर वो अबॉर्ट नहीं करेगी तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। और इसको अप टू 24 वीक्स ही अपर लिमिट है, इसके बाद अबॉर्ट करना खतरा हो सकता है, जिससे मां की जान को खतरा हो सकता है, राइट। ओके, तो ये था एमटीपी के बारे में, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर? आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको डिफरेंट यू नो लाइव स्टॉक के बारे में, रेयरिंग के बारे में आप करते हो, वहां पे मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस करते हो, सो दैट यू विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है, आपको इकोनॉमिक रिटर्न्स भी मिलते हैं, हाई वैल्यूड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, मिल्क, मीट, एग्स जो है, चीज जो है, बाकी प्रोसेस्ड फूड्स आपको मिलते हैं, राइट। जैसे आपने चीज बनाया, कर्ड बनाया, योगर्ट, ये सब चीजें जो है आपको डेयरिंग सेक्टर से मिलती है, ये सब रिलेटेड किसके साथ है? एनिमल हस्बेंड्री के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो फिश है वो भी एक इंपॉर्टेंट फूड है और उसको रेयर करने से काफी ज्यादा इकोनॉमिक रिटर्न्स बनते हैं, हनी, सिल्क, ये सब चीजें जो है आपके इकोनॉमिक यू नो रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं, राइट। So what is the you know this what is the, this topic is about actually the diagram of you know sectional view of mammary gland. आपको पता है mammary gland में क्या होता है? Mammary gland जो है इसके अंदर आप देखो, this is the fat that determines the size of the breast, जिसके अंदर mammary glands होते हैं। तो ये glandular tissue जो है आप यहां पे देख सकते हो, grape like structure जिसको mammary alveolus कहते हैं हम, और ये alveolus जो है ये milk synthesize करता है, ठीक है ना। इसके lumen के अंदर फिर ये milk हो जाता है जमा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ducts में जाता है जिनको mammary ducts कहते हैं, वो बाद में जाके डायलेट होके एम्प्यूला बनाता है, और एम्प्यूला आगे लैक्टिफरस डक्ट बनाता है, और ये निप्पल के थ्रू बाहर आता है। अब आप देख सकते हो काफी लैक्टिफरस डक्ट जो है निप्पल के थ्रू बाहर आते हैं, इसलिए निप्पल जो बन जाता है इसके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो ये मल्टीपोरस बनता है, राइट। अब अगर आप समझो, ये फ्रंटल आगे वाला व्यू है, फ्रंट व्यू है इसका मेमरी ग्लैंड का, उन बीच में निप्पल है, निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है, निप्पल के आसपास का एरिया जो होता है ऐसे, ये डार्क कलर का एरिया होता है, और इस डार्क कलर के एरिया को हम कहते हैं एरियोला। ये एरियोला बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, राइट। और दिस यू नो दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द मेमरी ग्लैंड, यू कैन जस्ट सी इट, आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं, ओके। सो व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स? ये बहुत ही इजी और बहुत ही टू द पॉइंट डेफिनेशन। यहां पे होमोलॉगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट मे लुक डिफरेंट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट। फोर लिम्स ऑफ वर्टेब्रेट्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, दे आर बिल्ट ऑन द सेम फंडामेंटल प्लान येट दे अपीयर डिफरेंटली, मतलब वहां पे स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है बेटा? एनालॉगस। एनालॉगस में क्या होगा? वहां पे फंक्शन सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जैसे आप देखोगे बटरफ्लाई की विंग, वो भी उड़ने के लिए यूज होती है, बर्ड की विंग, वो भी उड़ने के लिए यूज होती है, तो फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। फाइन, आगे बढ़ते हैं, तो वही है, दैट्स इट। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर व्हाइल एज थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। इसको अगर आपको जस्टिफाई करना है, ये व्हाट इज दिस? देखिए यहां पे दो डिजीज ने कही है, सिकल सेल एनीमिया एक साइड से इसने लिखा है, और थैलेसीमिया
दूसरे साइड से इसने लिखा है, राइट। अब देखिए बेटा, ये आपसे कह रहा है सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। व्हाट इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर? सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, इसका मतलब यह है, आपको पता है सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन है वो म्यूटेट हो चुका है और ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ चुका है, इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो गया। लेकिन थैलेसीमिया क्या है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पे नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन्स इफेक्ट होता है। दैट मींस अल्फा चेन और बीटा चेन हीमोग्लोबिन की जो है, इसमें से अल्फा चेन या बीटा चेन दो में से एक चेन कम बनती है, सो दैट दूसरी चेन ज्यादा हो गई, राइट। तो ये यहां पे कम और ज्यादा सिंथेसाइज, लेस सिंथेसिस ऑफ वन चेन और अदर चेन हियर रिजल्ट्स इन थैलेसीमिया, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक। चले बेटा आगे, डिफाइन एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? ये एक प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है जहां पे, दिस इज द प्रीनेटल डायग्नोसिस, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इसमें हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी देख सकते हैं फीटस के और सेक्स भी डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड जो है एमनियोटिक कैविटी में, इसको एस्पिरेट करके बाहर निकाला जाता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड में सेल्स भी आती है फीटस की, ठीक है ना। उन सेल्स को एनालिसिस करके आप देख सकते हैं ये फीटस एक्स एक्स है कि एक्स वाई है। अगर एक्स एक्स आ गया आपको पता चलता है फीटस क्या है, फीमेल। अगर एक्स वाई आ गया फीटस क्या है, मेल। तो उस हिसाब से फीमेल फिटसाइड हो सकता है, इसीलिए ये एक बैंड प्रैक्टिस है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर उनका फीमेल चाइल्ड है उसको अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो इट इज टू बी बैंड, सेक्स डिटरमिनेशन ये एक क्राइम है इस तरीके से करना। ओके, अडोलसेंट क्या होता है? अडोलसेंट मींस ये एक प्रोसेस भी है और एक पीरियड भी है जिसमें एक चाइल्ड अडल्टहुड की तरफ बढ़ता है। वहां पे काफी हार्मोन्स होते हैं और इसको वहां पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस फैक्टर माना जाता है, हार्मोनल स्ट्रेस माना जाता है, राइट। ये कब से होता है? 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज से होता है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट्स एंड चेंज इन फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल एरियाज। ओके, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम जो है ये फीमेल्स में देखा गया है जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, इनकम्प्लीट ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्टीराइल होते हैं क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड गोनेट्स होते हैं। गोनेट्स यहां पे ओवरीज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये नहीं प्रोड्यूस कर सकते एग्स, तो दैट मीन दे आर स्टीराइल। शॉर्ट स्टैचर, ये छोटे होंगे एंड लिमिटेड सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट। ओके, रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। अब ये क्या होता है? आपको पता ना, आपको मैंने अभी कहा था बहुत सारे जीन, आपके जीनों में डीएनए में बहुत सारी जगहों पे डीएनए रिपीट होता है, रेपिटेटिव डीएनए होता है, जैसे वीएनटीआर है आपके पास, ठीक है ना। वो क्या काम करते हैं? वो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए, बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स ओवर, राइट। सो दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोम एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए। तो डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट डीएनए is classified into many categories like microsatellites and mini satellites. Yaad rakhiye beta, mini satellite ka example VNTR hai aur micro satellite ka example SSR hai, short sequence repeats, theek, aur VNTR kya hai, variable number tandem repeats. Okay, fine. राइट, शॉर्ट नोट ऑफ फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट हम किसे कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट हम बोलते हैं जब आप जेनेटिक वेरिएशन को लूज करते हो। कैसे? जब एक नई पॉपुलेशन बनती है एक पुरानी पॉपुलेशन से। जो नई पॉपुलेशन बनती है वो बहुत ही कम इंडिविजुअल्स पे होती है और वो कम इंडिविजुअल्स एक नए बड़े पॉपुलेशन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, बहुत सारे इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में, इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स बाहर गए, दूसरी जगह पर गए और उन्होंने यहां पर अपनी पॉपुलेशन स्टार्ट की। तो दैट मीन्स ये फाउंडर्स बने इस नई पॉपुलेशन के, राइट। तो इन जेनेटिक्स अ फाउंडर म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन दैट अपीयर्स इन डीएनए ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल्स व्हिच आर फाउंडर्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, जो ये वाले हैं जो अलग चले गए, राइट। तो फाउंडर म्यूटेशंस इन
initiate with the changes that occur in DNA and can be passed down to another generations. जो DNA में इनके DNA में इन founders के DNA में change आएगी वो इनके बच्चों में भी आएगी क्योंकि ये inherit हो सकती है right? तो any organism from a simple virus to something complex like a mammal like we are right? Human beings whose progeny carry its mutation has the potential to express founder effect for instance a goat or a human. चाहे कोई भी पॉपुलेशन हो मैमल्स की गोट हो ह्यूमन हो कोई काउ हो कुछ भी हो व्हाट एवर इट इज अगर वो अपनी म्यूटेशन बच्चों को दे सकता है अपनी प्रोजेनी को दे सकता है इट मींस कि वो फाउंडर इफेक्ट दिखा सकता है. ओके तो इसमें क्या होता है फाउंडर इफेक्ट में आप सिंपल याद रखेंगे जो फाउंडर इफेक्ट है फाउंडर इफेक्ट देखिए कॉमन सेंस की बात है अगर एक नई पॉपुलेशन अभी बनी देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा नई पॉपुलेशन अगर अभी बनी यहां पे राइट तो फाउंडर्स से बनी इन इंडिविजुअल से बनी अगर इन इंडिविजुअल्स के डीएनए में कहीं पे भी म्यूटेशन आती है और वो म्यूटेशन इनहेरिटेबल है तो दैट मींस जो बच्चे बनेंगे इनसे उन सभी में ये म्यूटेशंस आएंगी और इन बच्चों का जो पेरेंट है वो फाउंडर पेरेंट यानी कि वो फाउंडर इंडिविजुअल है और वो फाउंडर इंडिविजुअल एक पेरेंट पॉपुलेशन से आया है जो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है राइट तो दैट मींस अगर आप इस फाउंडर इफेक्ट में डीएनए को एसेस करोगे तो वो आपको ट्रेस बैक कर सकता है ह्यूमन हिस्ट्री राइट ये कहां से आए हैं ये कहां की ओर ये बड़े हैं राइट इनमें क्या क्या म्यूटेशंस आई है चेंजेस आए हैं तो डीएनए को जीनों का एनालिसिस करके उसको एनालाइज करके आप जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसको एनालाइज कर सकते हो क्योंकि ये बात याद रखिए बेटा जब भी जीनों में डीएनए में क्रोमोसोम्स में चेंजेस आते हैं म्यूटेशंस आते हैं वो डेफिनेटली फिनोटाइप चेंज करते हैं एक्सप्रेशन चेंज करते हैं तो दैट मींस जीनोटाइप चेंजेस द फिनोटाइप और अब अगर आपने जीनोटाइप को पढ़ लिया आपको पता चलेगा कि कौन से एवोल्यूशनरी फोर्सेस होंगे जिन्होंने इसको चेंज किया है तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं. राइट अ शॉर्ट टोन ऑन ऑटो इम्यून डिजीजेस. ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है देखिए ऑटो यहां पर मीन्स सेल्फ. अगर आपको पता होगा ये कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी सेल्स के खिलाफ काम नहीं करता वो फॉरेन सेल्स के खिलाफ काम करता है दैट मींस ऑटो इम्यून ऐसा प्रोसेस है जहां पे इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है दैट मींस सेल्फ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड उसी को हम क्या कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज. फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीज जो है रिमेटॉइड आर्थराइट्स जो है एक फेमस ऑटो इम्यून डिजीज आप देख सकते हो या इसके अलावा और भी चीजें हैं बहुत सारी हाशिमोटोज डिजीज है जिसको हम सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहते हैं ठीक तो दीज आर डिफरेंट डिजीजेस मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड ऑल. तो राइट अ शॉर्ट नोट पीसीआर व्हाट इज पीसीआर पीसीआर आपको पता है इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो पीसीआर में क्या होता है अगर आपके पास एक डीएनए सेगमेंट है या आपके पास एक जीन है आप इस जीन के बहुत सारी कॉपीज बना सकते हो. क्या मैं कह सकता हूं कि आपने एक जीन से बहुत सारी जीन्स बनाए एक डीएनए से बहुत सारी डीएनए बनाए इसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज डीएनए एम्प्लीफिकेशन और इसको हम पीसीआर भी बोलते हैं. और पीसीआर में आप याद रखोगे बेटा एक एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज और ये टैक पॉलीमरेज होता है राइट. दिस इज टैक पॉलीमरेज क्योंकि ये टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से हमें हासिल होता है और ये टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल रहता है राइट. ये हमें थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया उससे मिलता है राइट. तो पीसीआर में क्या करते हैं हम पहले डिनेचुरेशन करते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की इनटू द सिंगल स्ट्रैंड्स. आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है उसको दो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे इनके साथ इन सिंगल स्ट्रैंड के साथ एक छोटा सा सीक्वेंस जोड़ेंगे जिसको हम प्राइमर बोलते हैं. क्या बोलते हैं प्राइमर. एक यहां से जुड़ेगा एक इस साइड से जुड़ेगा तो ये प्राइमर फिर आगे जाके सिंथेसाइज कराएगा नया स्ट्रैंड. ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो नए दो स्ट्रैंड बने. इसको हम यहां पर ऐसे देख सकते हैं बेटा ध्यान से देखिएगा यह आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ठीक है ना. पहले आपने इसको डीनेचुरेशन किया डीनेचुरेशन आई मीन टू से आपने इसको ध्यान से देखिए दो स्ट्रैंड्स अलग अलग किए. उसके बाद अनीलिंग मतलब यहां पे एक प्राइमर जोड़ दिया छोटा सा सीक्वेंस यहां पे प्राइमर जोड़ दिया ठीक. अब उसके बाद क्या होगा अब ये प्राइमर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा ये प्राइमर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और आपको मिलेगा एक पुराना स्ट्रैंड
और इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड, राइट। तो दैट मींस अब आपने इससे, अब आपने ये दो नए बनाए, ठीक। फिर क्या होगा, इससे फिर आप दो इससे स्ट्रैंड्स निकालोगे, दो इससे स्ट्रैंड्स निकालोगे, तो ये प्रोसेस रिपीट आप करोगे, राइट। तो एक्सटेंशन, तीसरा स्टेप जो मैंने कहा, एक्सटेंशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स फ्रॉम द प्राइमर्स, जो मैंने बोला अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, आपको पता है जब फुली डेवलप्ड फीटस होता है वो सर्विक्स की ओर जाता है, और फुली डेवलप्ड फीटस जो है उसका हेड जब नीचे की ओर टच करता है, तो याद रखो फीटस और प्लेसेंटा दोनों एक सिग्नल देते हैं बॉडी को, जो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। यहां पे देख सकते हो कि कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड है, डिलीवरी होनी चाहिए, तो उसको सबसे पहले इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस, इसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये रिलीज करवाता है क्या, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे एक्ट करके उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वायलेंट कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, और बच्चा नीचे की ओर जाता है, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। कोलोस्ट्रम क्या होता है, आपको पता है 72 आवर्स या 74 आवर्स, पर्टिकुलरली 72 आवर्स आफ्टर पार्चुरेशन क्या होता है, मां के मेमरी ग्लैंड से एक येलो कलर का थिक विस्कस सिक्रीशन निकलता है, उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम रिच होता है IgA में, और ये प्रोवाइड क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कौन सी, पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला। सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, दो सर्जिकल मेथड्स हैं आपको पता है, एक है वेजेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में आप क्या करते हो, आप दो फेलोपियन ट्यूब्स को जो है कट मारोगे और उसके बाद लाइगेट करोगे, मतलब इनको नॉट लगा दोगे, राइट। तो दिस इज ट्यूबेक्टोमी। वेजेक्टोमी में हम क्या करते हैं, यहां पर वास डिफरेंस काटा जाता है, वास डिफरेंस काटा जाता है, राइट। तो वही मैंने आपको बोला, एक परमानेंट मेथड है इसका। राइट, शॉर्ट ऑन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, देखिए बेटा सहेली जो है ये एक्चुअली सेंट क्रोमन है, जो सॉल्ट इसमें है, जो इसमें कंपोजिशन है सेंट क्रोमन है, राइट। सहेली एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो एक वंस ए वीक पिल है, याद रखिए ये एक नॉन स्टीरॉयडल पिल है। दैट मींस अगर ये नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। ये आपको पता है, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया है, जिसको LDI या लखनऊ ड्रग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड यू नो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एशिया। और इसका जो है इफेक्ट, जैसे मैंने कहा, हाई है कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, साइड इफेक्ट्स कम है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई है। व्हाट इज बायोपायरेसी, देखिए बायोपायरेसी का मतलब क्या है, बायोपायरेसी टर्म जो है हम लोग बायो रिसोर्सेज के रिलेटेड यूज करते हैं, मतलब आपके पास जो आपकी कंट्री में आपके लैंड में रिसोर्सेज अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ यू नो आपके पास प्लांट्स ऐसे, मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे जिनसे आप ड्रग्स बना सकते हो। अगर कोई फॉरेन कंट्री का कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है, उन मेडिसिनल प्लांट्स को लेके खुद दवाई बनाएगी और आपको कोई कंपनसेशन नहीं देगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ए बायोपायरेसी, राइट। वैक्सीनेशन एंड प्रिंसिपल, वैक्सीनेशन किसको कहते हैं, देखिए बेटा वैक्सीनेशन का सिंपल रूल क्या है, वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी डिजीज के खिलाफ एक वैक्सीन जो है लिया, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन आपने लिया, द मोमेंट ये वैक्सीन क्या होता है, ये जो पैथोजन के खिलाफ वैक्सीनेट खुद को कर रहे हो, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है उस ऑर्गेनिज्म का, या पूरा ही ऑर्गेनिज्म होगा, होल ऑर्गेनिज्म होगा, ये छोटा सा पार्ट एंटीजन एक्ट करता है, और जब ये आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उन एंटीबॉडीज को, इस एंटीजन को आपका इम्यून सिस्टम याद रखता है, एक मेमोरी डेवलप करता है। इस मेमोरी से क्या होगा, जो आपका यू नो ये पैथोजन है, ये पैथोजन है, दिस पैथोजन विल बी, अगर ये दूसरी बार अब ये अटैक करेगा, यू नो आपने कोरोना वायरस का वैक्सीन लिया, उसमें एंटीजन था कोरोना वायरस का, छोटा सा पार्ट था कोरोना वायरस का, अगर अब सीधा कोरोना वायरस आ गया, तो ये इम्यून सिस्टम मेमोरी है इसके पास, तो मेमोरी इज द बेसिस, दिस इज द प्रिंसिपल, मेमोरी ही जो याद रखता है इम्यून सिस्टम, यही प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का, कि ये उस एंटीजन को याद रखेगा, जिससे पैथोजन आया उसको याद रखेगा, उसको किल कर देगा, राइट। तो अब हम देखेंगे कॉमनली अब्यूज ड्रग्स। अब्यूज मतलब हो गया, जब मैं कहता हूं ना अब्यूज,
अब्यूज मतलब हो गया अबनॉर्मल यूज ड्रग्स का. अब्यूज मतलब हो गया अगर कोई मेडिसिन है जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हमें जरूरत है. फॉर एग्जांपल हम आपने एक यू नो एंटी डिप्रेसेंट पिल का नाम सुना होगा क्लोनाजेपाम. अगर कोई बंदा ये डिप्रेशन उसको है एंजाइटी उसको है उसके लिए खा रहा है डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की इट्स वेल एंड गुड. लेकिन अगर ये जस्ट इसलिए खा रहा है कि वो सोना है उसको उसको नींद करनी है देन इट्स एन अब्यूज राइट. तो ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियाइड्स कैनबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स. मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई राइट. व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. देखो अगर आप कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करते हो ना स्पेशली जब आप क्लोज इनब्रीडिंग करते हो रिलेटेड यानी कि जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल कजन्स सिब मेटिंग जो होती है एनिमल्स में वहां पे क्या होता है परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है पर्टिकुलरली फर्टिलिटी कम हो जाती है ठीक है ना प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और इसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन का नाम देते हैं राइट फाइन. तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है राइट ब्रीफली. देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन यहां पे राइट ब्रीफली अबाउट मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड देयर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है. ये आपका क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड देयर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वो क्या है होता है. देखिए बेटा सिंपल ये है आपको पता होना चाहिए कि एक एंजाइम है जिनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं अगर आपके पास एक डीएनए स्ट्रैंड है इस डीएनए स्ट्रैंड को आपको एक स्पेसिफिक जगह पे काटना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज जी एंड दिस इज ए ये दो बेसिस यहां पे दिस इज जी एंड दिस इज ए ये दो बेसिस यहां पे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो यहां पे इस जी और ए के बीच में काटेगा और यहां पे इस जी और ए के बीच में काटेगा. दैट मींस ये दो अपोजिट स्ट्रैंड्स पे एट अ स्पेसिफिक लोकेशन काटता है सो दैट इट विल ट्राई टू यू नो कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजिशंस रिकॉग्निशन साइट्स जिनको बोलते हैं ठीक है ना रेस्ट्रिक्शन साइट्स जिनको बोलते हैं और उससे आप डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे काटेंगे. मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्पेसिफिक. और ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. इन्हीं को हम बेटा कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स. सीजर से आप क्या करते हो बेटा काटते हो आप राइट उसी तरीके से उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स राइट. तो ये था डिफरेंट जो है वेरियस क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन एंड दे कैन बी आस्क्ड. तो आप इनको ध्यान से देखोगे और इनकी थ्योरी आप अच्छे से देखोगे जो आपको पीडीएफ हम सेंड करेंगे. प्लीज ट्राई टू लुक इनटू इट और उसको ध्यान से बेटा पढ़िएगा. चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.